हेलो बच्चों तो भाई कैसे हो आप सभी आए होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों तो वेलकम दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला और भैया ओलंपियाड वाला के चैनल पर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्या हाल चाल है भाई तुम लोगों के भैया क्लास एट्थ की जो मैराथॉन्स है वो अभी अभी बिल्कुल ताजी ताजी खत्म हुई है किसकी आपकी आईएमओ और एनएसओ की और आज से यानी कि ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेप्टेंबर से यानी कि आज ही के दिन से हम शुरू करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की मैराथन जिसमें सबसे पहली मैराथन लेने वाला हूं मैं जो बच्चे मुझे जानते हैं भैया अच्छी बात है जो नहीं जानते हैं बता देता हूं मेरा नाम है कमल कौशिक और मैं मैथमेटिक्स में टॉर हूं तुम लोगों का जहां पर आज हम करने वाले हैं हमारे आई इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड के कुछ

और उसके बाद लगभग लगभग आठ दस क्वेश्चन हर चैप्टर में से कवर करेंगे अब तुम बोलोगे कि भैया कितने चैप्टर कराने वाले हो यह तो बता दो है ना कि कितने चैप्टर कराओगे यह तो बताइएगा आ जाओ भैया देखो हम चैप्टर कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में वो बता देता हूं मैं तुम्हें आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं किस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल ठीक है उसके बाद हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ठीक है उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला ठीक है और उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टेटिस्टिक्स आज के सेशन में नहीं होगा ये अगले सेशन में होगा अब तुम कह रहे होगे कि भैया एक बात तो बताओ यहां तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बाद आप सीधे के सीधे हीरोन्स फॉर्मूला पर आ गए हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री लाइन साइन एंगल ट्राइंगल क्वारिलेटरल सर्कल कंस्ट्रक्शन ठीक है यह सब कहा चला गया तो मैं तुम्हें बता देता हूं इसके अलावा एक सेशन और होगा एक मैराथन और होगी जैसा कि तुम यहां पर देख सकते हो ये है तुम्हारा पार्ट वन ये क्या है ये है तुम्हारा पार्ट वन ठीक है पार्ट वन में हम क्या करने वाले हैं हमने ये जो चैप्टर मैंने तुम्हें बताए हैं ये जो छह चैप्टर मैंने तुम्हें बताए हैं इन छह चैप्टर को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है आज की क्लास में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे अब बहुत सारे बालक कहेंगे कि सर जी एक बात बताओ ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं क्या इन्हें बिल्कुल बेसिक से कराओगे तो भैया देखो बेसिक से कराने के लिए तुम्हारा जो पीडब्ल्यू फाउंडेशन वाला चैनल है तुम वहां से कर सकते हो ठीक है यहां पर हम चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे ठीक है और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे कि भैया देखो आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछ सकता है क्योंकि देखो सिलेबस जो है आईएमओ का मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूं सिलेबस कुछ ऐसा है जहां पर आपके फिक्स फिक्स है कि भैया देखो क्लास नाइन्थ के जो आपके चैप्टर हैं एनसीआरटी वाले वही आपका सिलेबस है उसमें ही क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा क्या कर दिया जाएगा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप कर दिया जाएगा ठीक है अब क्या सर क्लास नाइन्थ के कॉन्सेप्ट्स में क्लास टेंथ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं देखो क्वेश्चन क्लास टेंथ से डायरेक्ट उठाकर नहीं पूछेगा बट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जो कि क्लास टेंथ के होते हैं वो यहां पर क्लास नाइन्थ में इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका थोड़ा सा इस्तेमाल होता है कभी कभी क्लास नाइन्थ में जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हो ठीक है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहीं कहीं इस्तेमाल होता है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहीं कहीं इस्तेमाल होता है तो उनके बारे में कॉन्सेप्ट जो है उन कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन के बीच में ही बात कर लेंगे हम ठीक है अब तुम कहोगे कि सर और क्या होता है आईएमओ में ये भी बता दो तो मैं तुम लोगों को क्लियर कर देता हूं अगर तुम एसओएफ जो कि आईएमओ को कंडक्ट कराती है ठीक है तुम्हारा अगर तुम उनकी वेबसाइट खोलकर देखोगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन है आईएमओ के लिए आपका जो सिलेबस होता है कुछ इस तरीके से होता है कि सिक्सटी फोर्टी में डिवाइड करते हैं सिक्सटी परसेंट सिलेबस होता है आपका उसी क्लास का जिसमें आप पढ़ रहे हो आपका सिक्सटी परसेंट सिलेबस जो है या 60 परसेंट एग्जाम जो है वो उसी सिलेबस में से आएगा जिस क्लास में से आप पढ़ रहे हो फोर्टी परसेंट एग्जाम जो है वो आपका ऑलमोस्ट उस क्लास में से आता है जो कि आपकी पिछली क्लास थी जैसे कि अभी आप क्लास नाइन्थ में हो तो सिक्सटी परसेंट क्लास नाइन्थ का सिलेबस पेपर होगा ठीक है और फोर्टी परसेंट क्लास एट्थ का सिलेबस होगा ठीक है अब ये जो क्लास एट्थ का, का सिलेबस है क्या सर इसे भी हमें कवर करना पड़ेगा देखो वहां से इतने कोई टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते ठीक है वहां से इतने कोई टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते बट क्लास एट की मैराथन भी ऑलरेडी कराई जा चुकी है ठीक है आयुष सर और अभिनय सर ने ली है तुम लोग वो मैराथन देखकर भी अपना क्लास जो एर्थ है उसके कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो रिवाइज कर सकते हो रिकैप कर सकते हो बाकी आज के सेशन से हम क्लास नाइन्थ को कवर करने वाले हैं एक सेशन होगा ऑलमोस्ट चार दिन बाद थर्सडे में होगा वो सेशन ठीक है थर्सडे में वो सेशन होगा जहां पर हम डिस्कस करेंगे इनके अलावा जो तुम्हारे बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सारे ठीक है वो सारे ठीक है तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास की अगर सारे बालक रेडी है तो एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो जल्दी से अगर सारे बालक रेडी हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दो सर आई स्टडी इन क्लास एट शुड आई वॉच दिस बेटा कृष्णा गुप्ता अगर तुमने क्लास एट्थ वाली मैराथन कंप्लीट कर ली है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी शुरू करो जहां पर अपना टाइम लगाना अभी तुम्हारे लिए काम का नहीं है तुम एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हो तो बेटा पहले जो अपने वो वाले कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर कर लो कवर कर लो अच्छे से जब हो जाए तो तुम ये चीज कवर करनी शुरू करना ठीक है और अपनी शाम की चाय के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे आज शाम का सेशन जो कि पूरा का पूरा किस पर होने वाला है पूरा का पूरा किस पर होने वाला है हमारा आईएमओ के लिए होने वाला है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए तो देखो एक बालक पूछ रहा है कि सर आईओ क्यू एम हाँ, I -O -Q -M को क्या हम करते हैं देखो यहां पर स्पेशली की बात हो रही है बट सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों जगह का सेम है बट थोड़ा सा लेवल अलग हो जाता है ठीक है तो तुम उसके लिए भी इस सेशन को देख सकते हो तुम्हारे लिए हेल्पफुल ही रहेगा ठीक है तुम्हारे लिए हेल्पफुल ही रहेगा ठीक है चलो शुरुआत करें फिर जल्दी से अगर सारे बालक रेडी है तो एक बार फायर इमोजी दिखा दो कमेंट सेक्शन में फिर हम शुरुआत करते हैं ठीक है जल्दी से जल्दी 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 तो भैया देखो नंबर सिस्टम के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर सिस्टम में जो पूरा का पूरा खेल है वो नंबर्स के ऊपर है ठीक है यहां पर अगर हम चैप्टर्स की यहां पर अगर हम टॉपिक की बात करें तो देखो टॉपिक कौन कौन से हैं मेजर टॉपिक जो है हमारे नंबर सिस्टम में मेजर टॉपिक है हमारा रियल नंबर ठीक है मैं इसका पूरा का पूरा माइंड मैप लेकर आया हूं ठीक है ना पूरे के पूरे माइंड मैप में तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएंगी यहां पर ये यह माइंड मैप है जब तुम्हें नोट्स मिलेंगे तुम नोट्स देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं एक तो भाई साहब यहां ये ऑल आउट धुआं उठा रही है फालतू में हां भाई तो देखो अब हम क्या करेंगे हमारा भैया प्रिपेयर नहीं किए क्या करूं तो बेटा फ्यूचर डॉक्टर जीत अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो तो तुम देख सकते हो उस सेशन को नहीं तो कोई बात ही नहीं है फिर ठीक है ना तो देखो हम नंबर सिस्टम के साथ शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम में तुम्हारे पास तुम्हें पता है सबसे पहले जो टॉपिक अगर मैं बात करूं वो क्या आता है रियल नंबर आता है ठीक है रियल नंबर आता है रियल नंबर के बाद क्या आता है भैया इसमें रियल नंबर कौन से होते हैं देखो हमने बात कर रखी है हमारे नेचुरल नंबर्स के बारे में नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं मैं पहले ही बता देता हूं यहां पर हम, पर नहीं करेंगे. हम बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करके खत्म करके और उसके बाद सीधा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे ठीक है ना तो देखो भैया हमारे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं आपका काउंटिंग नंबर जो होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं अब नेचुरल नंबर के साथ जब आपका जीरो को भी काउंट किया जाए ठीक है मतलब वन से पहले जीरो को भी ले लिया जाए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इन्हें हम बोलते हैं होल नंबर ठीक है अब होल नंबर के साथ जीरो के राइट हैंड साइड पर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लिए जाएं जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर सारे के सारे नेगेटिव नंबर लिए जाएं तो इन सबको साथ में क्या बोलते हैं इन सबको साथ में हम बोलते हैं हमारा इंटीजर्स ठीक है और जब हम ऐसे नंबर्स की बात करते हैं जो कि आपका p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहां पर p और q दोनों इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल्स टू हो जीरो के तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं हमारे क्या इन नंबर्स को हम बोलते हैं हमारे रैशनल नंबर ठीक है तो सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं जैसे कि तुम्हारा हो गया माइनस फोर ठीक है या टू या वन इन सबको आप माइनस फोर बाय वन टू बाई वन और वन बाय वन की फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि पी और क्यू दोनों ही क्या है इंटीजर है यानी कि आपके जितने भी इंटीजर होते हैं जितने भी आपके इंटीजर होते हैं बच्चों जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं अब तुम लोगों के लिए एक छोटा सा डाउट है एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए बताओ जीरो क्या है क्या ये एक रैशनल नंबर होता है या नहीं ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है तुम्हें कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस yes और नो no लिखना है ठीक है अगर हां तो यस yes, अगर ना तो नो no, ठीक है क्या जीरो रैशनल नंबर होता है या नहीं ठीक है, है? और कुछ नहीं, नहीं लिखना तुम्हें यस और नो no लिखना है ठीक है चलो बताओ क्या जीरो रैशनल नंबर होता है या नहीं हा भाई क्या जीरो रैशनल नंबर होता है बहुत जल्दी बताएंगे ठीक है बस कमेंट में यस और नो तुम लोगों को लिखना है देखो हम जीरो को लिख सकते हैं जीरो बाय वन ठीक है जहां पर जीरो और वन दोनों इंटीजर है और आपका जो वन है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल भी नहीं है इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल है कि ये रैशनल नंबर होने की हर एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है ठीक है सर एनसीआर वाले टॉपिक मत कराना आईएमओ वाले कराना प्लीज बेटा डार्क साकी डार्क साकी पहले तुम्हारा नाम मुझे नहीं पता तुमने कहां से उठाया कौन से एनिमे से उठा के चिपका दिया यहां पर लेकिन सुनो मेरी बात तुम्हारा जो सिलेबस है IMO का 9th के लिए जो है, वो वो है कि आपके क्लास किसके लिए एनसीईआरटी में तुम्हारा कटा हुआ पोर्शन हटा दिया गया है लेकिन आई में वो कटा हुआ पोर्शन भी काउंट होता है ठीक है आई में वो कटा हुआ पोर्शन भी काउंट होता है बट आपका जो सिलेबस है वो सेम वही है जो कि आपका एनसीईआरटी का और सीबीएसई का सिलेबस है अगर तुम लोगों ने थोड़ी सी भी रिसर्च करी है जरा सी इतू सी भी इतू सी भी रिसर्च करी है और तुम एसओ की साइट पर जाकर आईएमओ का सिलेबस देख के आयो तो तुम्हें पता लग जाएगा ठीक है अब यहां पर क्या होता है भाई जहां पर क्या होता है तो इसीलिए आपका सिलेबस सेम रहता है बस जो क्वेश्चन का लेवल है वो एनसीआरटी में होता है बच्चों वाला और भाई साहब आपका आईएमओ में होता है बढ़िया लेवल वाला अभी जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तब तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आएगा एक बालक पूछ रहा है कि सर एक बात बता दो मुझे जरा ये जो फ्रैक्शन होते हैं और ये जो रैशनल नंबर होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है मेरे लाल जो फ्रैक्शन होते हैं जैसे कि वन बाई ठीक है ये एक फ्रैक्शन है तो इसमें आपका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है दोनों आपके इंटीजर होते हैं लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं हमेशा ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं जाता ठीक है लेकिन जो आपके रैशनल नंबर होते हैं ठीक है वो आपका माइनस वन बाय टू भी हो सकता है माइनस फोर बाय थ्री भी हो सकता है ठीक है तो आपका जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें आपके नेगेटिव इंटीजर्स को और पॉजिटिव इंटीजर्स को दोनों को काउंट कर लिया जाता है ठीक है ये बहुत बेसिक सी चीज है ठीक तो अब यहां पर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है यस जीरो इज अ रैशनल नंबर क्यों है भाई क्योंकि आप जीरो को जीरो बाय वन लिख सकते हो और ये आपका रैशनल नंबर होने की हर एक सिचुएशन को क्या करता है फुलफिल करता है ठीक है तो यस yes.

ये सब जो है ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं एक बालक कह रहा है सर आईओ क्यू एम के आगे ये तो के वाली मैथ्स है ऑलमोस्ट बेटा मैथ्स के जी वाली नहीं है क्योंकि आईओ क्यू एम में भी क्या है सिलेबस तो यही है ठीक है बट वो क्या करते हैं वो हल्का सा टेंथ के सिलेबस को टच करते हुए चलते हैं ठीक है तो I -O -Q -M में बेटा स्क्रीन ब्लर नहीं है। स्क्रीन ब्लर ब्लर नहीं नहीं है है ये हो सकता है कि यहां पर तुम्हारे पिक्चर्स जो हैं वो हल्की सी ब्लर हो ठीक है तुम्हें तो ब्लरी दिख रही हो ठीक है क्योंकि ये आ, मुझे लगता है नोट की वजह से इस पर हल्की सी ब्लरी दिख रही है बट कोई दिक्कत नहीं है टेंशन ना लो मैं इस चीज को तुम्हारे लिए लिख दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर आई एमओ देने का फायदा बताएं प्लीज आर्मेश आईएमओ देने का एक सबसे पहला फायदा तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग जो है वो टेस्ट हो जाती है ठीक है कि तुम लोगों की लॉजिकल रीजनिंग जो है वो कैसी है ठीक है क्योंकि आईएमओ में चार सेगमेंट होते हैं ठीक है पहले सेगमेंट में वो तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन देगा सिलेबस तुम्हारे मेंटल uh, एबिलिटी के क्वेश्चन देता है ठीक है दूसरे में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं तीसरे में तुम्हारे अपने मैथ्स के जो सिलेबस वाले क्वेश्चन होते हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं और चौथे में आता है हाइयर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन ठीक है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में क्या है हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन में आते हैं तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन जो दिमाग घुमा दें तो भैया आयुष सिसोदिया जी सुनो मेरी बात यहां पर हमारा क्या होता है यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर आपका जो एग्जाम आई ओ एम देने का फायदा है वो सबसे बड़ा ये है कि आपकी लॉजिकल रीजनिंग कैसी है टेस्ट हो जाता है ठीक है दूसरा जब आप आगे जाते हो ठीक है जब जब आप आप आगे जाते हो जब आगे जाते हो जॉब वगैरह में अप्लाई करते ठीक है तो वहां पर आपके पास अपने सीवी में लिखने के लिए एक अच्छी चीज होती है कि आप अपने करियर को लेकर अपने गोल्स को लेकर क्लास एट से क्लास नाइन से क्लास टेन से ही सीरियस थे क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को लेकर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्लास नाइन्थ का एग्जाम पास करना इज मोर फार 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 इजियर देन दी एम का एग्जाम पास करना क्योंकि आईओ काफी अच्छा एग्जाम होता है भाई आईओ काफी अच्छा एग्जाम होता है तो सीधी सी बात है ठीक है ना तो ध्यान रखना इस चीज का चलो तो अब देखो यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं ठीक है यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बेसिक चीजें क्लियर कर दी कि भैया देखो नंबर सिस्टम में तुम्हारे पास रियल नंबर आ जाता है ठीक है रियल नंबर में अभी इमेजनरी नंबर की तो हमें बात ही नहीं करनी तो 11th है थीके? तो क्लास इलेवंथ का कॉन्सेप्ट है ठीक है तो इमेजनरी नंबर की तो बात ही नहीं होनी ठीक है अब रियल नंबर में हमारे पास एक तरफ आ जाते हैं रैशनल नंबर दूसरी तरफ आ जाते हैं इर नंबर ठीक है रैशनल नंबर इेशनल नंबर दोनों के बारे में हम बात करेंगे ठीक है अब नंबर वो होते हैं जिन्हें पीवाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर P और और दोनों क्या हों? इंटीजर्स हाथों हाथ जैसे कि तुम्हारा... बताओ भाई इरेशनल नंबर का कोई एग्जाम्पल दो मुझे इरेशनल नंबर का कोई एग्जाम्पल देगा भाई बताओ 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 जल्दी से नंबर, नंबर कोई देगा का? देखो तुम्हारे ऐसे नंबर जो कि आप पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते पर ऐसे नंबर जिन्हें आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, दोनों ही इंटीजर हो फॉर एग्जाम्पल भैया रूट टू अब तुम कहोगे सर रूट टू को भी तो मैं जैसे आपने फोर को लिखा था रूट टू को भी तो आप ऐसे ही लिख सकते हो रूट टू बाय वन तो ये तो बन गया रेशनल नंबर लेकिन रेशनल नंबर होने की कंडीशन क्या है कि आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होने चाहिए दोनों ही तुम्हारे क्या होने चाहिए दोनों ही तुम्हारे इंटीजर होने चाहिए क्या यहां पर रूट टू इंटीजर है क्या यहां पर रूट टू इंटीजर है नहीं है तो इसका मतलब सिंपल है कि भैया ये नंबर होने की कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करता तो खत्म हो गया किस्सा बात ही हो गया यहाँ पर हमारी। ठीक है? तो आपके क्या हो p और q आपके इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू जीरो रैशनल नंबर होते हैं अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट आएगा सीधा सीधा चलकर कि सर एक बात बता दो मुझे जरा कि जैसे कि देखो एग्जाम्पल देता हूं रूट टू रूट थ्री रूट फोर ठीक है रूट फाइव एंड ऑन। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि यहां पर एक एग्जाम्पल गलत लिखा हुआ है कौन सा रूट फोर इसका एग्जाम्पल नहीं होगा तुम कहोगे सर ये क्यों ये क्यों तो देखो सिंपल सी चीज है अगर अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए पॉजिटिव इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है जो परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर है ठीक है तो बेटा मेरे लाल वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है सीधी सी बात है ठीक है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि तुम्हारा स्क्वायर रूट के अंदर फोर फोर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है फोर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है फोर परफेक्ट स्क्वायर होता है, है तुम्हारा 2 का तो रूट से रूट हट गया अपने पास टू ठीक है के के अंदर अंदर 49। 49 किसका होता है भाई तुम्हारा का तो तो इसे करोगे ये आ जाएगा 7। तो देखो अगर रूट के अंदर कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर है कोई ऐसा नंबर है जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो वो सीधा रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाता है रैशनल नंबर में और यहां पर हां हम बात कर रहे हैं जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है अभी रेशनल नंबर की बात चल रही है तो यहां पर हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे थे बट ठीक है तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि प्लस माइनस लग जाएगा ठीक है अब यहां पर एक चीज और बताओ मुझे यहां पर एक चीज और बताओ मुझे क्या तो भैया अगर यह सिचुएशन है तो इेशनल नंबर कौन सा होगा इर नंबर कौन सा होगा भाई फिर तुम्हारा इर नंबर कौन सा हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएंगे तुम्हारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो जो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जो तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर ना हो जो तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर ना हो सर

कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या है हिंदी में ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से एक पूरा का पूरा चैप्टर आएगा इलेवेंथ तो और ट्वेल्थ में वहां पर तुम उस चीज को ज्यादा अच्छे से डिस्कस करोगे ठीक है सर लॉजिकल रीजनिंग का कोई मैराथन है क्या बेटा होगा 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 टेंशन ना लो होगा ठीक है अभी हम यहां पर यहां पर अभी जो केवल बात हो रही है अभी जो मैराथन में बात हो रही है वो बात हो रही है केवल एनएसओ यानी कि नेशनल साइंस ओलंपियाड की और आईएमओ यानी कि आपका इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड की तो उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले यहां पर खत्म कर लेते हैं ठीक है

टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है भैया देखो जैसे कि आपकी मैं बताऊं सीधा सीधा यहां पर ये भी देखो यहां पर एक tenth का कॉन्सेप्ट आता है यहां पर एक tenth का कॉन्सेप्ट आता है रैशनल नंबर के अगर तुम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करो तो यहां पर एक टेंथ का कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्टली क्या देखते जाना डेसिमल एक्सपेंशन डोमेन एक्सपेंशन ठीक है डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेशनल नंबर ठीक है और इसमें दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं पहला टर्मिनेटिंग पहला टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ठीक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होता है जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाता है और खत्म हो जाता है ठीक है जो डिजिट आपका डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाता है और खत्म हो जाता है सर आईएमओ के लिए आरडी शर्मा सफिशिएंट है राम पवार वैसे तो सफिशिएंट है बट भैया कुछ ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए तुम थोड़ी और अलग बुक्स भी जो है वो प्रेफर कर सकते हो क्योंकि यहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हो ठीक है जो कि आईएमओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि देखो यहां पर सीधी सी बात है मैथ्स में एक ही चीज है प्रैक्टिस जितने ज्यादा के ज्यादा क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा है तुम लोगों के लिए ठीक है चलो

तो यहां पर कहानी कुछ ऐसी होती है कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाकर आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म हो जाता है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा वन बाय टू इसका डेसिमल एक्सपेंशन वन को अगर तुम टू से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा जीरो पॉइंट फाइव ठीक है या फिर अगर मैं बात करूं टू by... तुम्हारा क्या ले लिया जाए यहां पर एक सेकेंड तो यहां पर हम ले लेते हैं टू तो अपने पास कितना आ जाएगा जीरो तो ये ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाकर आपका क्या खत्म हो जाते हैं आपके खत्म हो जाते हैं ठीक है इन्हें हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग जैसे कि जीरो पॉइंट वन टू फाइव एट ठीक है सेवन पॉइंट टू एट वन फाइव ठीक या जीरो पॉइंट वन टू ठीक है तो ये डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं ठीक है आपका एक टॉपिक आएगा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इनटू अ नंबर मतलब आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे देगा नंबर का और उसे कन्वर्ट करना पड़ता है है ठीक तो इसके क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे जो कि अभी हम सोल्व करेंगे टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है उसके लिए मैं तुम्हें ट्रिक भी बताऊंगा घबराने वाली चीज नहीं है सारी चीजें समझेंगे ठीक अब देखो दूसरा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ठीक है दूसरा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है तुम्हारा टर्मिनेटिंग के बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो रिकरिंग या रिपीटिंग मतलब यहां पर क्या होता है यहां पर आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो खत्म तो नहीं होता डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो खत्म तो नहीं होता बस क्या होता है वहां पर कोई नंबर या कोई डिजिट बार 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 रिपीट होती रहती है फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम वन को डिवाइड करते हो थ्री से तो यहां पर क्या होगा ये हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री 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 डैश 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 मतलब तुम वन को डिवाइड करोगे थ्री से तो ये खत्म नहीं होगा बार बार थ्री, 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 थ्री आता रहेगा और यहां पर थ्री जो है वो बार बार आ रहा है ठीक है जो है वो बार बार आ रहा है सर हाउ टू रिप्रेजेंट इेशनल इन नंबर लाइन लेट्स डू इट सर बेटा प्रोग्राम ऋषभ मेरी बात सुनो मैंने पहले ही क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि ये वाला टॉपिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आईओ एम के नजरिए से ठीक है तो हम इसे स्किप करने वाले हैं ठीक है अगर तुम्हें ये देखना है तो ये टॉपिक ऑलरेडी कवर किया है फाउंडेशन की मैराथन में ठीक है पीडब्ल्यू फाउंडेशन वाले चैनल पर तुम वहां पर देख सकते हो ठीक है चलो तो अपने पास कितना आएगा अपने पास देखो इसे हम लिख सकते हैं जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसे लिखने का एक तरीका और होता है जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसे लिखने का तरीका होता ही है मतलब तो जो नंबर बार 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 रिपीट हो रहा है उसके उसके ऊपर ऊपर लगा लगा दो लगा दो ठीक है ठीक है क्या लगा दो बार लगा दो तो अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है इसके बाद हमारे पास आता है देखो भाई जल्दी से क्या आएगा इसके बाद हमारे पास इसके बाद आएगा हमारे पास और कोई एग्जाम्पल वन

आपके रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन से रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है बेटा तुम लोगों के जितने भी क्वेश्चन है इनका जवाब मैं एक बार अच्छे से दूंगा पहले जो हम पढ़ रहे हैं एक बार वो समझ लो ठीक है तो अब सुनो मेरी बात ये जो है ये क्लास टेंथ का कॉन्सेप्ट है ये जो है ये क्लास टेंथ का कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है आप देखो आपका कोई रैशनल नंबर है आपका कोई रेशनल नंबर है p बाय क्यू p बाय क्यू आपका रेशनल नंबर है p बाय क्यू ठीक है अगर इस p बाय क्यू में ये जो q है यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ठीक है आपके रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है ठीक है अगर वो टू टू दावर एन इन टू फाइव टू दी पावर एम की फॉर्म का है जहां पर एन और एम आपके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं टू टू पावर एन इंटू फाइव टू पावर एन फॉर्म का है तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग सीधी सी बात है वो कैसा होगा वो होगा टर्मिनेटिंग अगर आपका क्या अगर आपका जो गिवन अगर आपका जो गिवन रेशनल नंबर है वो पी व्यू की फॉर्म का है सर ये तो आयुष सर ने बताया था तो अच्छी बात है आयुष सर ने क्लास के सेशन में तुम्हें 10th का बता दिया ठीक है तो अगर देखो क्यू टू टू दी पावर एन इंटू फाइव टू पावर एम फॉर्म का है तो सीधी सी बात है आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग वहीं पर अगर मैं बात करूं कि अगर क्यू की वैल्यू आपकी टू टू दावर एन इंटू फाइव टू पावर एम की फॉर्म की नहीं है तो इस केस में आपके पास जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ठीक है इन सब कॉन्सेप्ट को हम एक बार और रिवाइज करेंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे ठीक है तो अब देखो एक एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूं जैसे कि तुमने ले लिया थ्री बाय ले? थ्री फिफ्टी ले लेते हैं चलो तो थ्री बाय फिफ्टी लिया तो तुम फिफ्टी को अगर क्या करोगे फिफ्टी का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे अगर तुम फिफ्टी का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा भाई फिफ्टी का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा यहां पर करना आ जाएगा टू सबसे पहले ये टू से डिवाइड होगा तो हो जाएगा, टू फिफ्टी को डिवाइड करेंगे टू से से आ गया फिर से करेंगे तो फाइव 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 और यह आ गया बन जा तो का जो है वो किस फॉर्म का आ रहा है वो आ रहा है टू टू दावर वन इंटू फाइव टू पावर टू की फॉर्म का यानी कि फिफ्टी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n इंटू फाइव की पावर m की फॉर्म का है तो यानी कि इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा हो जाएगा इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा सीधी सी बात है ठीक है अब सेम चीज अगर तुम्हें रैशनल नंबर के लिए देखनी है तो कोई नंबर ले लो जैसे कि सॉरी इेशनल नंबर कह रहा हूं रेशनल नंबर का दूसरा एग्जाम्पल देखना है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के लिए तो यहां पर हम एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं थ्री अपॉन थ्री अपॉन थर्टी सिक्स थ्री अपॉन थर्टी सिक्स ले लिया मैंने इसे ठीक थ्री अपॉन थर्टी सिक्स को अगर मैं सॉल्व भी करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा ये आ वन अपॉन ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा अगर मैं ट्वेल्व का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये कितना आएगा ये आ जाएगा मेरा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा टू टू दावर टू इंटू थ्री टू दावर वन टू टू दी पावर टू इंटू थ्री टू दावर वन तो सिंपल सी बात है अब ये देखो इसका डेसिमल इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा आ रहा है वो टू टू दी पावर एन इंटू फाइव टू पावर एम की फॉर्म का नहीं है तो सीधी सी बात है ये कैसा हो जाएगा ये डेसिमल एक्सपेंशन तुम लोगों का कैसा हो जाएगा

रैशनल नंबर में हमने देख लिया भैया हमारा पहला केस ये सॉरी ये वाला पहला केस है जहा पर है आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग ये आपका दूसरा केस है जहां पर आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ठीक है जहां पर क्यू की वैल्यू टू टू दी पावर एन इंटू फाइव टू दी पावर एम की फॉर्म की नहीं होगी और यहां पर आपकी क्यू की वैल्यू टू टू दी पावर एन इंट फाइव टू दी पावर एम की फॉर्म की होगी जब आपको नोट्स मिलेंगे तो ये सारी चीजें आप वहां पर देख पाओगे अच्छे से समझ पाओगे ठीक है अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं किस चीज की अगर हम बात करते हैं देखो कन्वर्जन ऑफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू रैशनल नंबर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रैशनल नंबर ये तुम लोगों के सिलेबस में आएगा ठीक है है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है अब एक चीज तुम लोगों के लिए एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए यहां पर यह चीज मेंशन भी है ठीक है बताओ क्या वन इज प्राइम और कंपोजिट वन इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर बताओ भाई ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए अगर प्राइम नंबर है तो थम्स अप मतलब देखो आ, कैसे करें इसे ऐसे करते हैं सुनो अगर प्राइम नंबर है तो यस। और अगर कंपोजिट नंबर है तो नो बताओ भाई या फिर इसमें तो पोल यही वाला लगाते हैं ऑप्शन ए प्राइम नंबर मजा आएगा तुम्हारे लिए अब ऑप्शन बी कंपोजिट देखते हैं तुमने कितना पढ़ा है ऑप्शन सी तुम्हारा नेगेटिव hmm, इंटीजर या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव ठीक है नन ऑफ दी अबव ठीक है बताओ भाई वन क्या है वन क्या है वन इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर बताओ भाई वन इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर यहां पर लिखा हुआ है मुझे दिख गया मैंने कहा कि तुम लोगों से पूछ लेते हैं चलो बताओ पोल तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हें बस कमेंट में अपना ऑप्शन बताना है क्या कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वॉट इज वन मतलब ऐसे तो वन हमें पता ही है क्या है ठीक है हमारा नेचुरल नंबर है फर्स्ट नेचुरल नंबर है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है ठीक है लेकिन बताओ देखो इसके लिए तुम्हें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए प्राइम नंबर तुम्हारे ऐसे नंबर होते हैं जिनमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं यानी कि वो ऐसे मैं बोलू

बात करूं तो भाई साहब इसका तो केवल एक ही फैक्टर है वन तो केवल वन से ही कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसीलिए ये ना तो तुम्हारा प्राइम नंबर में आता है ना तुम्हारा कंपोजिट नंबर में आता है क्यों क्योंकि ठीक केवल केवल है होते हैं। तो आपका जो वन है, वो ना प्राइम नंबर ना कंपोजिट और नेगेटिव तो वो वैसे भी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दी अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया नन ऑफ दी Above. ठीक है आई होप तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है चलो 86 सिक्स परसेंट बालकों ने सही जवाब दिया वंश ऑलराउंड सरोज बाला जोरा नवीन सुमन कुमार चंचल हिमांश आदित्य हितेश और के बहुत बढ़िया बेटा क्लियर है सबको ये, क्लियर है हितेश कह रहा है सर ये क्लास नाइन्थ का आईएमओ क्लास है सिक्स का फाउंडेशन नहीं यहाँ जिनके सीरियसली आईएमओ क्रैक करना है वो आए हैं सो so, प्लीज इन सब टॉपिक पे टाइम स्पेंड मत करिए ओ बेटा तुम लोगों के बेसिक भी हिले हुए हैं दिक्कत तो हुई है लेकिन बट मैं कोशिश करूंगा तेरी बात बिल्कुल सही है मेरी गलती है मैं इजी टॉपिक पे चला गया आई एम रियली सॉरी जल्दी से इसे खत्म करते हैं माइंड में आपको और फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं ठीक है चलो भाई तो अब देखो एक दो चीजें ही अपने पास बची है ठीक है हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर ली हमने बात कर ली भैया हमारा आ, क्या कहते हैं रैशनल नंबर कौन से होते हैं इर नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी एक बार मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूं तुम लोगों को यहां पर हमारे पास क्या आता है इर नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है मैंने यहां पर लिख भी रखा है वैसे तो ठीक है वो किस तरीके का होता है इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होता है ठीक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इेशनल नंबर तो जिन बच्चों को डाउट था पाई के बारे में डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर नंबर तो अगर मैं बात करूं यहां पर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर की तो ये होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो कभी खत्म होता है ठीक है और ना ही उसमें किसी नंबर को क्या होता है रिपीटेशन होता है जैसे कि 0.10110111011110 एंड डैश 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 जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो तुम्हारा जो वन है वो बार बार रिपीट होने की कोशिश करता है बट जीरो बीच में आ जाता है ठीक है या फिर तुम्हारा जो पाई है ठीक है पाई को हम क्यों बोलते हैं भैया भैयाल नंबर क्योंकि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो अभी तक भी फाइंड आउट नहीं हुआ है इसका डेसिमल एक्सपेंशन अभी तक भी कंप्लीटली चलता जा रहा है ठीक है जिसमें हम क्या बात करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि भैया इसीलिए पाई जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है इसीलिए हम ये इसे इेशनल नंबर बोलते हैं तो जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर पाई और ट्वेंटी टू आपका जो ट्वेंटी टू बाई सेवन होता है वो क्या इक्वल है नहीं है भाई वो इक्वल नहीं है ट्वेंटी टू बाई सेवन पाई की नियरेस्ट वैल्यू होती है इसीलिए हम उसे इक्वल ले लेते हैं लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग है ठीक है चलो क्लियर हो गई बात ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जो है वो सबको क्लियर हो गई अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है ध्यान से सुन लेना क्या कि अगर तुम्हारे पास दो रेशनल नंबर हैं ए एंड बी ए और बी तुम्हारे पास दो रियल नंबर है सीधी सी बात है दो रियल नंबर है ए और बी ठीक है अगर तुमसे बोलता है इन दोनों रियल नंबर के बीच में एक इैशनल नंबर निकालो तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा ये डायरेक्टली हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर इंटू बी ठीक है स्क्वायर रूट के अंदर ए इंटू बी ये चीज याद रखना ठीक है तुम्हारे पास क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली सॉल्व करने में आसानी रहेगी ठीक है और इसके बाद इर नंबर में से जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है वो है तुम्हारा क्या वो है तुम्हारा सर्ड्स ठीक है सर्ज बोले या फिर हम बोले हमारा रूट ऑफ ए नंबर ठीक है रूट ऑफ ए नंबर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ठीक है सर्ज जो है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एनेथ रूट ऑफ ए नंबर ठीक है तो अगर मैं यहां पर बात करूं सर्ज के बारे में ठीक है हमने यहां पर भी ले ही रखा है सर्ज ठीक तो यहां पर क्या होता है देखो सर्ज में हम क्या बोलते हैं जैसे कि तुम्हारा एनथ रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए टू दावर वन अपॉन एन होता है ठीक है एन तुम्हारा, तुम्हारा होता है ऑर्डर ऑफ रूट यानी कि एन की वैल्यू अब यहां पर कुछ भी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये हो गया थ्री रूट ए यानी कि ए टू दावर वन बाय थ्री ठीक है या फिर मैं यहां पर ले सकता हूं तुम्हारा फोर तो ये क्या हो गया सिक्स की पावर वन बाय फोर ठीक है तो यहां पर ये जो पावर है ये जो एन है ये ऑर्डर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है ठीक है ये ऑर्डर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है ठीक है अब सर्ड्स में तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं एक होता है प्योर सर्ड्स एक होता है मिक्स सर्ड्स ठीक है प्योर सर्ड्स में तुम्हारे पास आते हैं भैया है जिनमें खाली सर्ड्स जैसे कि ये तुम्हारे दोनों एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं यहां पर ये खाली क्या है ये खाली सर्ड्स है ठीक है मिक्स सर्ड्स में तुम्हारे क्या हो जाता है जैसे कि टू रूट थ्री या फोर स्क्वायर रूट यहां पर मैं ले लेता हूं तुम्हारा टू टू नहीं यहां पर ले लेते हैं फाइव और सिक्स ठीक है तो ये क्या है ये तुम्हारे मिक्स है, ठीक है सर ऑर्डर ऑफ रूट क्या है बेटा ये जो पावर होती है ना ये जो पावर होती है ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रूट ठीक है ये है हमारा ऑर्डर ऑफ रूट तो यही इन्हें हम क्या बोलते हैं इन्हें ही हम बोलते हैं सर्ड ठीक है इन्हें तो जो तुम बोलते रहते हो ना कि सर किस क्या होते हैं ये है तुम्हारे सर्ट ठीक है आपका एनथ रूट ऑफ ए नंबर रूट ऑफ ए नंबर इज सीधी सी बात ये है ठीक है सर ये सब नीव का स्टडी मटेरियल में है तो अच्छी बात है गोल्ड शाइन वहां पर तुम्हें इस लेवल का पढ़ाया गया है तो बहुत ही बेहतरीन चीज है ठीक है अब हमें क्या करना है देखो तो तुम्हारी बात हो गई किसकी तुम्हारी बात हो गई सर्ट्स की ठीक है अब हमारे पास लॉज ऑफ सर्ट्स भी है ठीक है जैसे एक तो मैंने तुम्हें बताई दिया कौन सा एक तो मैंने तुम्हें बताई दिया सिंपल सा सबसे पहला वाला जो था मैं यहीं पर बता रहा हूं सारे के सारे सबसे पहला और सबसे सिंपल था तुम्हारा कि भैया एन रूट ऑफ ए का मतलब है ए टू पावर वन अपॉन एन ठीक है दूसरा तुम्हारा अगर कहीं लिखा हुआ है एन एनेथ रूट ऑफ एम एथ रूट ऑफ ए मतलब ए का पहले रूट है एम ऑर्डर का और उसके बाद एन ऑर्डर का उसके ऊपर भी रूट है तो इसका मतलब तुम लिख सकते हो क्या डायरेक्टली तुम लिख सकते हो एन इंटू एम एन इन टू एम एथ रूट ऑफ ए एन इंटू एम एथ रूट ऑफ ए सीधी सी चीज है ठीक है Uh, एक बालक कह रहा है सर नॉट विजिबल ठीक है मैं और क्लियरली लिख लेता हूं अब इसके बाद तुम्हारे पास देखो, एक और आता है उसे हम से करेंगे। को हम से करेंगे। और तुम्हारे पास एक चीज और आती है ऑपरेशन ऑन इेशनल नंबर या फिर ऑपरेशन ऑन रियल नंबर उन दोनों को हम सीधा सीधा डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस के साथ तो अब एक काम करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है डायरेक्टली सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं सर एम की जगह एन हो तो बेटा एम की जगह एन हो तो ये हो जाएगा एन इन टू एन सीधी सी बात है ठीक है चलो तो शुरुआत करें क्वेश्चन की एक बार फायर इमोजी दिखा दो अगर सारे बालक रेडी हैं क्वेश्चन के लिए दो जल्दी से शुरुआत की जाए क्वेश्चन की जल्दी बताओ भाई रेडियो सब चलो तो पहले क्वेश्चंस के साथ पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन तुमसे कहता है देखो भाई इफ ए अपॉन बी टू पावर एक्स माइनस वन है इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू दी पावर एक्स माइनस थ्री है ठीक है तो आप देन दी वैल्यू ऑफ एक्स इज तो भैया देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है यहां से तुमसे x की वैल्यू पूछ रहा है हम दोनों तरफ से कंपेयर करके जो पावर्स को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम दोनों तरफ पावर्स को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं ठीक है अब यहां पर दिक्कत क्या है दिक्कत क्या है कि इनके जो बेस हैं इनके जो बेस हैं दोनों के वो क्या है वो अलग अलग है इनके जो बेस हैं दोनों के वो अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले बेस सेम करने पड़ेंगे कैसे करेंगे भैया बेस सेम आप जानते हो वन अपॉन वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू होता है ए टू दावर माइनस वन ठीक है तो अगर मैं इसे ए अपॉन बी टू दावर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू इसे मैं डायरेक्टली ये लिख दू क्या भैया इसे मैं डायरेक्टली लिख दू ए अपॉन बी टू दावर माइनस एक्स माइनस थ्री क्या ये गलत होगा क्या ये गलत होगा जल्दी से बताओ क्या ये गलत होगा सिंपल है बिल्कुल सही है जल्दी से बताओ बिल्कुल सही है तो सॉल्व कर लो अभी से बस क्या करो दोनों की तरफ का बेस सेम है पावर इक्वल क्या करो बेस इक्वल है पावर्स को कंपेयर कर लो पावर्स को कंपेयर करके क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्सपुर और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस थ्री ठीक है माइनस एक्स को इधर ले जाओ वन को इधर ले जाओ तो अपने पास आएगा एक्स माइनस एक्स इधर आकर हो गया प्लस एक्स माइनस वन इधर जाकर हो गया प्लस वन तो अपने पास आ गया टू एक्स इज इक्वल टू फोर टू से डिवाइड करेंगे एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई टू खत्म सारे क्वेश्चन जो है बच्चों प्रीवियस ईयर टी एग्जाम्स में आए हुए हैं तो एन इस टाइम पर अच्छा खासा एग्जाम हुआ करता था ठीक है आजकल गवर्नमेंट फंड नहीं डाल दिया गवर्नमेंट एग्जाम होता था ये ठीक है तो गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर अभी फंड नहीं जा रहे हैं तो भैया वो एग्जाम थोड़ा सा रुका हुआ है ठीक है नहीं तो एनटीएससी भी एक अच्छे लेवल का एग्जाम था और ये सारे क्वेश्चन जो है वो वहीं के हैं ठीक है तो तुम्हें मजा आएगा क्वेश्चन का लेवल देख के देखते पहला क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला है ठीक है हाँ सॉरी इस क्वेश्चन में मैंने पोल नहीं लगाया आई एम रियली सॉरी अगले क्वेश्चन से पोल आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से आंसर करेंगे सारे बालक देखो भाई कह रहे इफ टू एक्स इज इक्वल टू फोर वाईक्वल्स टू एट जेड ठीक है टू एक्स इज इक्वल टू फोर वाई सॉरी टू टू दावर एक्स फोर टू दावर वाई इज इक्वल टू एट टू दावर जेड ठीक है देन फाइंड वैल्यू ऑफ तुम्हें क्या कह रहा है जेड की वैल्यू निकालनी है और क्या given है तुम्हें वन अपॉइंट टू एक्स प्लस वन अपॉइन फोर वाई और प्लस वन अपॉन सिक्स जेड यह किसकी इक्वल है ट्वेंटी फोर बाय सेवन के तुमसे क्या कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ जेड निकालो भाई फाइंड वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी पोल तुम्हारे सामने आ जाएगा 45 सेकंड का पोल है जल्दी से आंसर करो 45 सेकंड का पोल है जल्दी से आंसर करो तुम्हें पोल में बस कमेंट में क्या लिखना है कमेंट में अपना आंसर लिखना है तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी ए बी सी या फिर डी विच ऑप्शन इज दी करेक्ट वन जल्दी से बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी फिर डी बताओ 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 जल्दी से बताओ बी सी या फिर डी चलो इतने पोल कंप्लीट होता है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं देखो सेम कॉन्सेप्ट होगा कि हम क्या करेंगे हम यहाँ पर कंपेयर कर तो छेड़ने से कोई फायदा है नहीं ठीक है इन भाई साहब को तो छेड़ने से कोई फायदा है नहीं तो छेड़े किस इज इक्वल्स टू क्या मैं टू फोर को लिख सकता हूं टू की पावर टू क्या मैं फोर को लिख सकता हूं टू की पावर टू और टू की पावर टू की पावर वाई कितना हो जाएगा टू की पावर टू वाई ठीक है सेम इसी तरीके से क्या हम एट को लिख सकते हैं टू की पावर थ्री और टू की पावर थ्री की पावर z कितना हो जाएगा टू की पावर थ्री जेड ये कहां से आया ये हमारा एक डायरेक्टली फॉर्मूला है ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन कितना हो जाएगा आपका ए टू दी पावर एन इन टू एम सिंपल तो यहीं से ही हमने ये करा है ठीक है तो यहां से कंपेयर करके अपने पास कितना आ गया अपने पास निकल कर आ जाएगा कितना भैया x प्लस टू थ्री जेड एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू थ्री जेड हमें Z की वैल्यू निकालनी है मुझे X की वैल्यू भी Z की फॉर्म में मिल गई मुझे Y की वैल्यू भी Z की फॉर्म में मिल गई मैं सारी वैल्यूज उठाकर यहां पर पुट कर दूंगा खत्म क्वेश्चन देखो जरा क्या आएगा भाई अपने पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन फोर वाई और कितना वन अपॉन सिक्स जेड तो एक बार बताओ वन अपॉन टू एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू है कितनी एक्स की वैल्यू है थ्री जेड एक्स की वैल्यू है थ्री जेड तो यह हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू थ्री जेड इज इक्वल टू वन अपॉइन फोर वाई की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं लेकिन 2Y, 2Y तो यहां पर भी क्या हो जाएगी ये वैल्यू भी हो गई हमारी थ्री जेड और प्लस वन अपॉइन सिक्स जेड तो पहले से ही है ये किसके इक्वल है ये है ट्वेंटी फोर बाय सेवन के इक्वल है ना ऐसे ही कुछ है 24/7 के इक्वल सॉल्व करके आंसर बताओ भाई क्या आ रहा है कितना आ रहा है आंसर आंसर बालक बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सी अभी जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है यार इतनी देर मत लगाओ कितना हो जाएगा देखो ये सॉल्व करो इसे यहां पर ये यह प्लस है ये 1/6z 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 एलसीएम आ गया 6z ऊपर आ गया हमारे पास कितना वन प्लस वन प्लस वन यानी कि ट्वेंटी फोर बाय सेवन तो अपने पास कितना आ जाएगा थ्री बाय सिक्स जेड यानी कि ये हो जाएगा हमारा वन बाय टू जेड है ना ट्वेंटी फोर बाय सेवन टू जेड की इधर मल्टीप्लाई कर दो सेवन की इधर तो अपने पास कितना आ जाएगा ये हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू सेवन बाई फोर्टी एट ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर हा भाई ऐसा कुछ आ रहा है क्या आंसर सेवन बाय फोर्टी एट ऑप्शन नंबर सी चलो जी ऑप्शन नंबर सी सेवन बाय फोर्टी एट इज एप्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार कितने बालकों ने सही जवाब दिया है अरे क्या बात है चीते हो भाई तुम तो बहुत ही सही बेहतरीन मतलब ये चीज मुझे समझ में आ रही है आज की क्लास में कि बालक केवल वही आए हैं जो तमीज से पढ़ने के इरादे से आए हैं आज के सेशन में बहुत ही बढ़िया भाई शानदार तुम लोगों के लिए तालियां चलो देख लेते हैं एक बार बोर्ड प्रसाद योगिता हिमांश नवीन सरिता सुमन कुमार आदित्य दीपू और वंश ठीक है टॉप टेन के ही नाम लेंगे टॉप टेन तक ही पढ़ेंगे ठीक है ना टॉप टेन तक ही पढ़ेंगे और क्लास के लास्ट में भी लीडर बोर्ड देखेंगे ठीक है तो डरने वाली कोई बात नहीं है आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कह रहा है एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ऑफ फाइव बाय रूट थ्री माइनस रूट फाइव फाइव बाय रूट थ्री माइनस रूट फाइव ठीक है आफ्टर रेशन दी डिनोमिनेटर तो भैया देखो डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन कैसे होता है डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे होता है मैंने बोला था कि ये किन्सेप्ट आएगा इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं और तुम देख सकते हो 2013 में राजस्थान के एनटीएससी सेट में आया हुआ है ठीक है क्या होता है भैया देखो क्या करना होता है करने के लिए सिंपल सी चीज है कुछ मत करो परेशान होने की जरूरत नहीं है अपना जो नंबर नीचे दिया हो ठीक है उसमें बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस तो यहां पर फाइव अपॉन रूट थ्री माइनस रूट फाइव क्या करेंगे बस बीच वाला साइन चेंज करके बीच वाला साइन कौन सा माइनस का इसे चेंज करेंगे क्या हो जाएगा प्लस तो भैया बस बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। खत्म क्वेश्चन जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है भाई बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी कमेंट में बता सकते हो डायरेक्ट आंसर तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी विच वन इज द करेक्ट आंसर आया आंसर चलो सॉल्व कर लेते एक बार जल्दी से देखो भाई सॉल्व करने पर क्या आएगा तुम लोगों का आंसर आ रहा है बी ठीक है हम भी चेक कर ले हमारा क्या आएगा ऊपर तो देखो ऐसे ही रहेगा सेम तो ये हो गया फाइव रूट थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन में क्या हो जाएगा देखो ये हो गया रूट थ्री माइनस रूट फाइव इंटू रूट थ्री प्लस रूट फाइव ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ गया थ्री और माइनस रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना भाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के और यहीं से क्या निकल कर आता है यहीं से निकल कर आता है कि भैया अगर आपके पास है रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी तो इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना आप यहीं से ये यह निकल कर आता है कि इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना इसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो a माइनस बी तो यहां पर लिखा हुआ है रूट ए माइनस रूट बी तो इसे आप सीधा सीधा डायरेक्टली बिना किसी दिक्कत के बिना परेशान हुए आप लिख सकते हो a माइनस बी यानी कि थ्री माइनस फाइव कितना आपका थ्री माइनस फाइव तो थ्री माइनस फाइव कितना आपका क्या ये हो गया आपका रैशनलाइजेशन कंप्लीट तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया माइनस फाइव बाई टू इंटू रूट थ्री प्लस रूट फाइव यानी ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुखी दुखद पीड़ा दुख दर्द पीड़ा कुछ हो तो बता दो भैया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 92 परसेंट बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत बढ़िया शिवम आर्मी अंशु ये क्या है, अंशुकलाल अंशुकला, अंशुमन हितेश योग्यता प्रिंशु वंश अनिल सौरभ प्रसाद और भाई अगर मैं किसी का नाम गलत लू ऊपर अगला क्वेश्चन देखो ये तो बहुत पावर हंड्रेड अपॉन टू इज वैल्यू ऑफ टू टू दी पावर हंड्रेड अपॉन टू जल्दी से बताओ वैल्यू ऑफ टू टू दी पावर हंड्रेड अपॉन टू क्या होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी एफ डी वैल्यू ऑफ टू टू दी पावर हंड्रेड अपॉन टू वैल्यू ऑफ टू टू दी पावर हंड्रेड अपॉन टू यहां पर डायरेक्टली हमारे पास क्या आता है हमारे पास डायरेक्टली निकल कर आता है देखो भैया सीधा सीधा ये तो तीस सेकंड में होने वाला सवाल है जल्दी से बताओ तीस सेकेंड में होने वाला सवाल है क्यों हम जानते हैं अगर कहीं पर लिखा होता है ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू पावर एन ए टू दी पावर एन अपॉन ए टू पावर एम बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है और दोनों टर्म डिवाइड में हो तो बेस वही रहता है और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस हो जाती है तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा ऊपर क्या है ऊपर है तुम्हारे पास टू टू दावर हंड्रेड अपॉन नीचे है टू टू का मतलब है टू की पावर वन तो बेस सेम है पावर अलग अलग है बेस सेम है पावर अलग अलग है तो क्या होगा बेस वही रहेगा और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो हंड्रेड माइनस हो जाएगा नाइनटी नाइन टू टू दी पावर नाइनटी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट खत्म किस्सा क्लियर है 96 परसेंट बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सॉरी इस बार का मैंने पोल का तुम्हारा लीडर बोर्ड नहीं देखा आई एम सॉरी ठीक है कोई बात नहीं अगले क्वेश्चन में देख लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास करने के लिए अगला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम एक्सप्रेशन इज राइट फॉर द फ्रैक्शन वन अपॉन फोर तो देखो यहां पर कौन सा एक्सप्रेशन है जो टाइम के लिए वन अपॉन फोर फ्रैक्शन को बिल्कुल सही से डिनोट करता है ठीक है फिफ्टीन मिनट थर्टी मिनट फोर्टी फाइव मिनट या टेन मिनट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जल्दी से बताओ ठीक है जल्दी से बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है बस हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा देखो यहां पर ये मिनट्स में बात कर रहा है और हम जानते हैं कि अब मिनट्स में अगर मैं लेकर चलू तो टाइम के केस में मिनट में क्या आता है टाइम के केस में मिनट कहां तक आते हैं सिक्सटी मिनट उसके बाद आपके पास आवर आ जाता है ठीक है तो अगर मैं बोलूं कि सिक्सटी मिनट का मेरे पास केस है ठीक है तो 60 मिनट का वन फोर्थ क्या होगा वन फोर्थ ऑफ 60 मिनट कितना होगा वन फोर्थ ऑफ सिंपल है भाई कितना हो जाएगा भाई वन फोर्थ सिक्स इन टू 60, तो 60 यानी कि तुम्हारा 15 मिनट डायरेक्टली बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो बहुत ही इजी है ऑप्शन नंबर ए इज एप्सोल्यूटली करेक्ट इसमें तो परेशान होने वाली बात भी नहीं थी इसमें तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगना खत्म क्वेश्चन देख लो जरा प्रिंशू प्रियांशु वंश सरोज अंशुमन आदित्य वंश ऑलराउंडर लकी, राधा और स्प्लैशो स्प्लैशो कैसे कैसे नाम रखते हो भाई आपने ही नाम रख लिया करो इजी पीजी बिल्कुल इजी पीजी अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है ये है तुम्हारा एक्स की वैल्यू है तुम्हारे पास थ्री प्लस रूट एट तो तुम्हें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की क्वेश्चन इजी है ठीक है तुम्हें क्या गिवन है तुम्हें गिवन है कितना तुम्हारा x is equals है three plus root eight, है ना थ्री प्लस रूट एट सर आपको दुख नहीं होता हमें किस चीज का दुख है भाई देखो दुख सबको होता है सबको दुख होता है सबका दुख झेलने का तरीका अलग होता है सीधी सी बात है ठीक है दुख तुम्हें भी होगा दुख मुझे भी होगा दुख किसी और को भी होगा लेकिन तुम उस दुख को झेलते कैसे हो वो डिपेंड करता है जैसे कि अगर मैं किसी मैं किसी चीज को लेकर दुखी हूं ठीक है तो यार उस चीज को लेकर परेशान रहने से वो दुख चला तो जाएगा नहीं उल्टा मैं भी परेशान रहूंगा मुझे देख देख के मेरे बाकी आसपास के लोग भी परेशान रहेंगे ठीक है मैं औरों को भी नेगेटिविटी दूंगा है ना समझ रहे हो मेरी बात तो एक सिंपल सी चीज है अगर तुम्हें लगता है कि कभी तुम दुखी हो ठीक है तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारे साथ कोई चीज ऐसी चल रही है जो नहीं होनी चाहिए थी ठीक है तो हमेशा उस चीज को थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए बिना टेंशन लिए ठीक है उस चीज़ से निकलने की कोशिश करना ठीक है क्योंकि इससे दो तीन चीजें होंगी एक तो तुम्हारे आसपास के लोग अफेक्ट नहीं होंगे तुम्हारे दुख से ठीक है और दूसरा तुम लाइफ में है ना थोड़ा ज्यादा खुश रहना सीख जाओगे ठीक है तो मैं तो यही कोशिश करता हूं कि भाई अगर कुछ है मेरी जिंदगी में जो ऐसा चल रहा है कि दर्द दे दुख दे दुख दर्द पीड़ा कुछ भी दे ठीक है तो मैं यही कोशिश करता हूं कि या तो मजे मजे में निकाल दूं उसे ठीक है चल रहा है चल रहा है खत्म ही हो जाएगा देखो यार सीधी चीज है हर एक चीज निकलती है एक टाइम के बाद ठीक है दिन खत्म होता है रात आती है रात खत्म होता है दिन आता है सीधी सी बात है तो भाई दुख खत्म होगा मजे भी आएंगे मजे खत्म होंगे थोड़ा बहुत तो दुख भी आएगा यही लाइफ है ठीक है इट इज लाइफ इसका काम है भाई ठीक है अगर लाइफ में हमेशा खुशी खुशी खुशी, खुशी 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 मिलती रहे तो तो फिर उसमें भी तो मजा नहीं है ना, है ना ठीक थ्रिल कहां फिर जिंदगी में है ना तो सीधी सी बात है दुख खत्म होगा खुशी आएगी खुशी खत्म होगी दुख आएगा चलता रहता है ये तो काम है भाई इनका चलो आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ठीक है क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू क्यों स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री प्लस एट का थ्री प्लस रूट एट का होल स्क्वायर अब होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना पड़ेगा क्या होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताना पड़ेगा क्या जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में क्या होता है ये होता है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तेज तेज कर रहा हूं तो थोड़ा राइटिंग को अवॉइड कर देना ठीक है मेन मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस टू इंटू ए इंटू बी यानी कि टू इंटू थ्री इंटू रूट एट तो ये हो जाएगा टू थ्री जैसा सिक्स रूट एट और प्लस आपका रूट एट का स्क्वायर हो जाएगा एट खत्म किस्सा ठीक है तो अपने पास कितना हो गया नाइन और एट हो गया सेवनटीन प्लस सिक्स रूट एट तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू किसकी हो गई ये वैल्यू हो गई आपके पास एक्स सर हाउ टू गिव आंसर इन पोल तो बेटा आपको आंसर पोल ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको केवल चैट में अपना जो ऑप्शन है वो लिखना है ठीक है चैट में जो तुम्हारा ऑप्शन है तुम्हें वो लिखना है ऑप्शन ए बी सी या फिर डी ठीक है तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा तुम्हारे पास तुम्हारा जो पोल है उसका आंसर आ जाएगा मेरे पास देखो यहां पर जैसे अब मैं पोल चालू करूंगा ठीक है तो ये जो कंप्यूटर वाले भैया बैठे हैं ना ये जो कंप्यूटर वाले भैया बैठे हैं ये ये तुम कमेंट में अपना ऑप्शन लिखो ऑप्शन ए ऑप्शन बी सी या फिर डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये भाई नोट कर लेते हैं, पर सब कुछ ठीक है बैठकर सब कुछ नोट कर लेते हैं तो जल्दी से बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई ए बी सी या फिर डी बोलो भाई बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आया सी बता रहे हैं बच्चे चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई तो देखो ये कह रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है कितनी वैल्यू पुट कर दो बस यहां पर यह हो गया सेवनटीन प्लस सिक्स रूट एट और वन अपॉन सेवनटीन प्लस सिक्स रूट एट भाई थोड़ा अपनी कैलकुलेशन को प्रैक्टिस कर लेना ढंग से एग्जाम में टाइम कम होता है तो हमें कैल्कुलेशन को फास्ट करना पड़ता है ठीक है तो देखो भाई यहां पर क्या होगा एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो गया ये हो जाएगा हमारा 17 प्लस 6 का तो सेवनटीन प्लस सिक्स रूट एट का स्क्वायर करोगे तो, तो कितना हो गया ये हो जाएगा सेवनटीन स्क्वायर प्लस तुम्हारा टू इंटू सेवनटीन इंटू सिक्स रूट एट तो ये हो जाएगा कितना 17 12. तो ट्वेल्व कर लो कितना होगा

अब इसका रैशनलाइजेशन कैसे करोगे इसका रैशनलाइजेशन करोगे कैसे एक बात तो बताओ मुझे हैं? इसका रेशनलाइजेशन करोगे कैसे स्टडी विद आदित्य बिल्कुल सही भाई मैथ्स के लिए पागल हूं मैं थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सा मैं मैथ्स के लिए पागल हूं ठीक है ना तो तुम बोल सकते हो ठीक है तो सिक्स देखो भैया अपना सेवनटीन प्लस देखो मैं डायरेक्टली यहां पर तुम्हें बता देता हूं एक एक स्टेप बताना पड़ता तो मैं कई बार तो क्या ही करते हो तुम देखो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा ये हो जाएगा सेवनटीन प्लस सिक्स रूट एट का स्क्वायर प्लस वन अपॉन सेवनटीन प्लस सिक्स रूट एट ठीक है या फिर समझ गया मैं तुम्हारी बात समझ गया मैं तुम्हारी बात ठीक है ठीक है समझ गया मैं तुम्हारी बात तुम क्या कहना चाह रहे हो तुम कहना चाह रहे हो कि किन अपॉन जो एक्स रैशनलाइजेशन कर दो दोनॉन एक्स रैशनलाइजेशन कर दो है ना वन अपॉन एक्स स्क्वायर का रैशनलाइजेशन कर दो और उसके बाद सॉल्व कर लो उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा ठीक है कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं भाई तुम्हारा वन अपॉन एक्स स्क्वायर का रैशनलाइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो कुछ बच्चे जिन्हें वो चीज ध्यान नहीं आएगी वो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है

आपने दूसरा मेथड नहीं बताया आपको दूसरा मेथड नहीं आता अरे मेरे लल्लू लाल सुनो मेरी बात ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ठीक है जिसमें से तुम वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हो कितनी वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वन अपॉन सेवनटीन प्लस सिक्स रूट एट तो ये बोल रहे हैं इसका रेशनलाइजेशन कर दो ठीक है इसका क्या कर दो रेशनलाइजेशन कर दो कैसे आपका 17 माइनस सिक्स रूट एट से ऊपर मल्टीप्लाई 17 माइनस सिक्स रूट एट से नीचे मल्टीप्लाई सिंपल ठीक है रेशलाइजेशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा रेशनलाइजेशन करने के बाद अपने पास आ जाएगा ऊपर 17 6 8 और नीचे आ जाएगा अपने पास कितना नीचे आ जाएगा देखो भैया नीचे हम करेंगे सिक्स रूट एट का स्क्वायर तो सेवनटीन का स्क्वायर बताओ क्या होता है याद है बता, बता, बता। 289 कम से कम कम से कम कितने कम से कम कम से से कम 25 तक के जो स्क्वायर हैं वो याद कर लो सारे बालक ठीक है 25 तक के जो स्क्वायर हैं मेरे लल्लू लाल सारे बालक याद कर लो ठीक है और सिक्स रूट एट का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा सिक्स रूट एट का स्क्वायर हो जाएगा सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स इंटू एट करेंगे तो टू एटी एट जाएगा। यहां से हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई किसकी upon x square की वैल्यू आ गई सेवनटीन माइनस सिक्स रूट एट तो हमें क्या निकालने है? हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू है सेवनटीन प्लस सिक्स रूट एट और प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ठीक है सॉल्व करोगे कितना है दोनों को सॉल्व करके आंसर सेम आने वाला है ठीक है, है तो कहा इससे करो चाहे तुम उससे करो आंसर दोनों सेम आएगा ठीक है क्लियर हो गई बात कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया थर्टी फोर ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट जल्दी से बताओ चमका के नहीं चमका आईआईटी बॉम्बे अब कौन सा रॉन्ग मेथड है भाई क्यों परेशान है इतना क्या हो गया बता तो कौन से मेथड से चाहता है तू तू बता तू कौन से मेथड से चाहता है कि सर इसे इस वाले मेथड से करा दो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा मैंने दो मेथड बता दिए है ना बताओ 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 मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूं अपने पास आज बहुत टाइम है रात तक का टाइम है ऐसी खत्म ही करेंगे तो टाइम से ही खत्म करेंगे जल्दी बताओ अलग दुनिया का मेथड आ आप गायब हो गया मेरा भाई अबे यार ऐसे मत किया करो यार हाँ एक मेथड है टेक्निकल गेमर कह रहा है कि सर एक मेथड है उससे जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व कौन सा तुक्का मार लो बेटा तुक्का नहीं मारना होता ठीक है तुक्का नहीं मार मारना होता तुक्का मार के बहुत दिक्कत होती है देखो मैं तुम्हें बताता हूं तुम यहां पर एग्जाम्स में तुक्का मार लोगे ठीक है बट जब तुम बात करते हो जेई की जब तुम बात करते हो नीट की जो कि तुम्हें में जाकर देने हैं ठीक है और देखो ओलंपियाड देने का एक फायदा और होता है क्या कि तुम जब जेई और नीट के एग्जाम देने आते हो ना तुम थोड़ा प्रेशर फील कम करते हो क्योंकि तुमने नाइन्थ और टेंथ में ऑलरेडी प्रेशर हैंडल करना सीख लिया होता है ठीक है क्योंकि अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं ठीक तो अब तुम लोगों के लिए ये अच्छा होगा अगर तुम ओलंपियाड देते हो तो जब तुम जेई और नीट के लिए जाओगे ना तो वहां पर तुम्हारे लिए चीजें और अच्छी हो जाएंगी चलो देख लो भाई ऑप्शन कौन सा अपना सी करेक्ट है आ, नवीन वर्मा हितेश आईआईटी बॉम्बे भाई तीसरे नंबर दीपू लक्की गौरव हिमांश योगिता सरिता टी एस टू थाउजेंड भाई आई होप जो मेथड तुम बोल रहे हो ठीक है वो मुझे अभी तो समझ नहीं आ रहा है तुम बोलना क्या चाहते हो ठीक है बट अगर तुम बोल सकते हो तो बता दो यहां पर लिख सकते हो तो मैं देख लूंगा ठीक है कि तुम कौन सा मेथड बोलना चाहते हो तुम क्या कह रहे हो भाई यहां पर तुम्हें की वैल्यू निकालनी है की वैल्यू हमें गिवन है एक मेथड तो ये वाला है जो कि डायरेक्ट है बहुत ज्यादा ठीक है एक मेथड तो ये वाला है जो कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट है दूसरा मेथड तुम कौन सा बोल रहे हो अरे मेरे लाल गलती से तुम वो तो नहीं बोल रहे हो ओ भैया कहीं तुम वो तो नहीं बोल रहे हो समझ गया मैं समझ गया मैं समझ गया मैं समझ गया मेरा भाई कहा जा रहा है मैं समझ गया मैं समझ गया समझ गया समझ गया मैं मेरा भाई कह रहा है कि अगर आपके पास x की वैल्यू है कितनी अगर आपके पास x x की वैल्यू है कितनी देखो उस केस में क्या होता है मेरे भाई अगर तुम्हें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है नहीं नहीं वो एक जो मेथड वो बोल रहा है शायद वो वाला मेथड भी हम लगा सकते हैं बट वो मेथड हम तब लगाते हैं मेरे भाई जो मेथड तू बोल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो वो मेथड uh, तो आप किसकी वैल्यू निकालो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो ये डायरेक्टली तुम लिख सकते हो कितना तुम्हारा फोर्टी नाइन माइनस टू यानी कि फोर्टी सेवन है ना ये वाला तरीका होता है कब जब एक्स प्लस वन एक्स की वैल्यू तुम्हें दे रखी हो यहां पर हमें खाली x की वैल्यू दे रखी है तुम अगर इसे इससे करोगे ना तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ठीक है वो क्या हो जाएगा वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसीलिए जब तुम्हें x, plus one upon x की वैल्यू दे रखी होगी तब तुम ये वाला काम कर सकते हो ठीक है अगर आई भाई तू यही वाला मैथड बोल रहा था तो इस वाले मैथड से कर सकता है बट अवॉइड कर इसको इस वाले मैथड को अभी के लिए है ना चलो काफी बातचीत हो गई है इस क्वेश्चन पे काफी टाइम लग गया हमारा ठीक है चलो अब देखो अगला क्वेश्चन रहा आई फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस टू रूट फोर्टीन नाइन प्लस टू रूट फोर्टीन बताओ भाई स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस टू रूट फोर्टीन सीधी सी बात है ये निकालने को बोल रहा है नाइन प्लस टू रूट फोर्टीन हा भाई स्क्वायर रूट ऑफ टू रूट फोर्टीन ये तो निकाल सकते हो ये तो निकाल सकते हो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी बोलो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई बताओ 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 जल्दी बताओ ओ ओ ओ ओ ऑप्शन आ रहे हैं ऑप्शन आ रहे हैं देखो डायरेक्टली तुम इसे ब्रेक कर लो इसकी कोशिश करो कि इसे होल बना सको तुम। ठीक है? इसकी कोशिश करो कि तुम इसे क्या बना सको तुम इसे होल स्क्वायर बना सको ठीक है अब तुम कहोगे सर होल स्क्वायर कैसे बना दे इसे हम ये तो बहुत दिक्कत देगा ठीक है ऐसे कैसे होल स्क्वायर बना दे हम इसको तो देखो इसे होल स्क्वायर तुम ऐसे बना सकते हो इसे बना दो होल स्क्वायर सारे प्लस के साइन है प्लस का साइन है मतलब सीधी सी बात है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स टू ए बी या फिर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्तर बना दोगे होल स्क्वायर कौन इसे होल स्क्वायर बना सकता है अगर बना सकते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में फायरिंग मुझे दिखा दो देखो हम क्या लिख लेंगे हम इसे लिख लेंगे नाइन को लिख लेंगे सेवन प्लस टू प्लस टू को रूट फोर्टीन को हम लिख लेंगे कितना रूट सेवन टू रूट टू क्योंकि हम जानते हैं अगर कहीं लिखा हुआ है रूट ए इंटू रूट बी तो उसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर सेवन इंटू टू यानी कि बाद में उसे ब्रेक करके लिखा जा सकता है रूट सेवन इंटू रूट टू तो अपने पास क्या आ जाएगा अपने पास आएगा देखो भाई अब सेवन को मैं लिख लेता हूं रूट सेवन का स्क्वायर प्लस टू को मैं लिख लेता हूं रूट टू का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट सेवन इंटू रूट टू बन गया भैया होल स्क्वायर बन गया होल स्क्वायर हा भाई बन गया होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी खत्म क्वेश्चन ये लो स्क्वायर रूट के अंदर सेवन प्लस रूट टू का होल स्क्वायर रूट से रूट हट गया अपने पास आ जाएगा कितना रूट सेवन प्लस माइनस भी आएगा लेकिन यहां पर तो अपना प्लस में आंसर है तो रूट सेवन प्लस रूट टू इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज एप्सोल्यूटली करेक्ट हाँ भैया ऑप्शन बी किसका आ रहा था ऑप्शन बी किसका आ रहा था भाई कहा है दुखी हो ऑप्शन बी किसका आ रहा था जरा जल्दी से बताना बताना जरा जल्दी से ऑप्शन बी किसका आ रहा था कौन था वो दुखी आत्मा ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा चलो हां देखे प्रियांशु हितेश अद्या अनिल वंश सुनील अर्चना सोनी आ, और हिमांश बहुत बढ़िया बेटा चलो भाई आगे बढ़ जाए अगला क्वेश्चन देख ले अगला क्वेश्चन देख ले हा भाई अगला क्वेश्चन देख ले भाई ऑप्शन बी कैसे आ रहा है आईआईटी ऑप्शन बी कैसे आ रहा है ऑप्शन बी तो मुझे कहीं से आता हुआ दिख नहीं रहा यार एक वाला कार है फोर्टी फोर वाह मेरे शेर वाह देखो अगर तुम्हारा ऑप्शन बी आ रहा है जिसका ऑप्शन बी आ रहा है सुनो मेरी बात जिसका ऑप्शन बी आ रहा है तुम्हें अगर लगता है तुम्हारा ऑप्शन भी करेक्ट है तो जो तुम्हारा आंसर आया है ना एक बार उसका होल स्क्वायर करके देख लेना अगर उसका होल स्क्वायर यही नंबर आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा सही है और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं सही है ठीक है जैसे कि मैं रूट टू रूट सेवन का होल स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आता है रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट सेवन का स्क्वायर और आपका टू रूट टू रूट सेवन जिसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास नाइन प्लस टू रूट फोर्टीन ही आता है यानी कि अपना आंसर तो करेक्ट है बिल्कुल बाकी भाई तुम देख लो अपनी इच्छा से ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है वट इज दैल्यू ऑफ टू पॉइंट सिक्स बार माइनस 1.9 बार अब भैया देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा बढ़िया ठीक है इसे मैं दो तरीके से करा देता हूं ठीक है एक तो तुम्हें ट्रिक भी बता दूंगा और एक तुम्हें यह भी बता दूंगा कि भैया देखो सिंपल सी चीजें देखो अगर कहीं पर लिखा होता है जीरो पॉइंट अगर तुम्हारा यहां पर डायरेक्टली जीरो पॉइंट लिखा होता जीरो पॉइंट टू बार ठीक है तो जब आप इस ये क्या है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और जब तुम इसे कन्वर्ट करोगे रैशनल नंबर में तो तुम्हारे पास आता है देखो क्या जब आपका डेसिमल से पहले जीरो आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही इजी है बहुत ही क्या है इजी है डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं ये कौन सा है ये है तुम्हारा

ट्वेंटी वन बाई नाइन नाइन सिंपल ठीक है ये डायरेक्ट ट्रिक है ये डायरेक्ट ट्रिक है कब जब आपके पास प्योर रिकरिंग हो जब आपके पास प्योर रिकरिंग हो और प्योर रिकरिंग के साथ डेसिमल से पहले जीरो हो प्योर रिकरिंग के साथ डेसिमल से पहले जीरो हो लेकिन अगर मैं बात करता हूं जब आपका डेसिमल से पहले जीरो नहीं है 2.6 बार तो उस केस में क्या करेंगे उस केस में मैं पहले तुम्हें ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड बता देता हूं और उसके बाद जो ट्रिक है वो भी बता दूंगा ठीक है तो देखो भाई मेथड की बात कर लेते हैं सबसे पहले मेथड क्या है अपना 2.6 बार तो देखो यानी कि 2.6666 एंड सो so ऑन तो अब यहां पर केस क्या बनता है यहां पर केस ये बनता है कि आप क्या करोगे आप अपना जो नंबर जिसे हमें बदलना है पी बाय क्यू की फॉर्म में जिसे हमें बदलना है पी बाई क्यू की फॉर्म में उसे क्या करोगे उसे आप कन्वर्ट कर लोगे सबसे पहले किसमें अपना सिंपल एक सेकेंड हा सबसे पहले आप उसे क्या करोगे उसे आप कन्वर्ट कर लोगे पी बाई क्यू की फॉर्म में और उसे एज्यूम कर लोगे एक्स ठीक है और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने नंबर वाली जीरो से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे मैं कुछ और देख रहा था मैं सोच रहा था कोई और ट्रिक निकाल दे तुम लोगों के लिए ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां पर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो एक नंबर एक जीरो वाले नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इधर टेन में मल्टीप्लाई करी टेन एक्स इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स 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 एन सोन तो ये हो गई इक्वेशन वन ये हो गई इक्वेशन टू ठीक है इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास 10x 9 1x आ जाएगा कितना 10x x आ गया 9x ठीक है और 26.66 26 तुम करोगे 2.6666 तो कितना आएगा अपने पास कितना आएगा भाई 26.6666 26 करोगे तुम कितना 2.6666 तो तुम्हारे पास कितना आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 24 कितना आ गया 24 ठीक है तो यहां से वैल्यू कितनी निकल कर आ गई यहां से वैल्यू निकल कर आ जाएगी तुम्हारी ट्वेंटी फोर बाय नाइन जिसे तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा कितना तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा एक सेकंड रुकना जरा मैं कुछ चेक करना चाहता हूं अगर हम इसे ले सिक्स बाय नाइन तो अपने पास आएगा कितना टू प्लस थ्री टू बाय थ्री थ्री टू ना और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा एट बाय थ्री बिल्कुल सही है हाँ ठीक है देखो भाई तो अब ये आ गया हमारा किसका ये आ गई हमारी वैल्यू एक्स की यानी कि टू पॉइंट सिक्स बार की हमारे पास वैल्यू ये निकल कर आ गई यानी कि आप किसी नंबर को किसी डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करोगे किसमें जब रैशनल नंबर में तो इस तरीके से करोगे सबसे पहले उसे एज्यूम करोगे एक्स उसके बाद जितने नंबर उसमें रिपीट हो रहे हैं उसमें उतने ही जीरो वाले नंबर से

डेसिमल से पहले जीरो है तो बस क्या करो सीधा सीधा अपना टू जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने न, उतने नाइन से नीचे डिवाइड कर दो वो नंबर और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने नाइन से नीचे डिवाइड ठीक है अब अगर तुम्हारा डेसिमल से पहले कोई नंबर दे रखा है जैसे कि यहां पर डेसिमल से पहले टू है डेसिमल से पहले टू है तो इस केस में तुम क्या करोगे वाह ये है तुम्हारा टू बार ठीक है तो डेसिमल से पहले टू डेसिमल से पहले क्या है डेसिमल से पहले हमारा टू है तो हम क्या करेंगे इसे ऐसे सिंगल नंबर सिंगल नंबर तो सिंगल लाइन से डिवाइड खत्म क्या आ जाएगा टू प्लस सिक्स बाय नाइन कितना हो जाएगा तुम्हारा टू बाय थ्री एलसीएम लेंगे थ्री टू 6 सिक्स प्लस टू कितना हो गया एट बाय थ्री खतम। तो यानी कि 2.6 बार की वैल्यू होगी 8 वैसे ही सेम अगर तुम वैल्यू निकालोगे किसकी तुम वैल्यू निकालते हो किसकी 1.9 1.9 बार बार की बार की वैल्यू कितनी आएगी भाई देखो देखो 1.9 बार बार इज इक्वल टू हो हो जाएगा 1 की वैल्यू गई कितनी नाइन बाय नाइन क्योंकि देखो नाइन है ठीक है और इसमें खाली एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इसमें खाली एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कितना वन प्लस वन यानी कि टू ऑलमोस्ट टू होता है क्योंकि 1.999999 की वैल्यू तुम निकालोगे तो वो ऑलमोस्ट टू आती है सेम ऐसे ही 0.999999 की वैल्यू निकालते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट वन आती है ठीक है तो अपने पास कितना आ गया एट हमें वैल्यू निकालनी है एट बाय थ्री माइनस टू की तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एट माइनस सिक्स तो ये कितना आ गया ये हो जाएगा हमारा कितना टू बाई थ्री यानी कि वन पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट सिक्स 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 एन सो ऑन यानी कि जीरो पॉइंट सिक्स बार दिस इज आर आंसर जीरो पॉइंट सिक्स बार खत्म किस्सा ठीक है जीरो पॉइंट सिक्स बार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जीरो पॉइंट सिक्स बार यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत यहां पर जल्दी से बताओ किसी भी बालक को यहां तक कोई दिक्कत है बोलो भाई किसी भी बालक को यहां तक कोई दिक्कत है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं देखो यार रघुवर थ्योरी सीधी सी बात है ये ज्ञान तुम सुन लो सारे बालक जो भी है ठीक है वो सुन सकते हैं सारा ज्ञान ठीक है जो आज मैं बता रहा हूं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज भी है तुम लोगों के लिए ठीक है यार देखो सिंपल सा एक लॉजिक है कि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ठीक है उतनी ज्यादा तुम्हें फल मिलेगा ठीक है वो एक पुरानी ये कहावत भी है कहावत तो नहीं है यही बोलते हैं कि जितनी कठोर तपस्या होती है उतना कठोर, उतना ही मीठा फल होता है ठीक है जितनी कठोर तपस्या होती है उतना ही मीठा फल होता है ठीक है पुराने जमाने में तो लोगों ने भाई तपस्या कर करके भगवान से वरदान मांग लिए हैं तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेहनत करके नंबर अच्छे ही ला सकते ला सकते हो ना सीधी सी बात है तो भाई वर्क हार्ड एक ही लॉजिक है मेहनत करो बढ़िया से पढ़ाई करो बेहतरीन तरीके से तुम्हारे नंबर तुम्हारे सामने गिर के आएंगे थाली में परोसे हुए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास वैल्यू है ए की रूट सिक्स प्लस रूट फाइव और बी की वैल्यू है रूट सिक्स माइनस रूट फाइव तो टू ए स्क्वायर माइनस फाइव ए बी प्लस टू बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो यहां पर कोई फालतू का मेथड लगाने की जरूरत नहीं है जल्दी से इनका स्क्वायर करके आंसर निकाल लो सीधा सीधा स्क्स फाइव ए बी स्क्वायर बोल रहा है वो तुम्हें स्क्वायर स्क्वायर की है, B की वैल्यू वैल्यू निकालनी निकालनी है है और डायरेक्ट आंसर बताना है जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देखो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर डायरेक्टली मैं बता रहा हूं ए स्क्वायर कितना होगा स्क्वायर हो जाएगा रूट सिक्स का स्क्वायर की वैल्यू हो, हो जाएगी कितना रूट सिक्स का स्क्वायर करोगे सिक्स माइनस टू ए बी यानी कि टू रूट सिक्स रूट फाइव यानी कि टू रूट थर्टी और प्लस रूट बी यानी कि रूट फाइव का स्क्वायर तो फाइव और कितना हो जाएगा ए बी कितना हो जाएगा देखो भैया हो हो जाएगा कितना? कितना गया? आपका ए माइनस बी यानी कि सिक्स माइनस फाइव तो सिक्स माइनस फाइव हो गया वन ठीक है सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है बस यहां पर वैल्यू पुट कर दो कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा तुम्हारा टू इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस फाइव ए बी प्लस बी स्क्वायर एक सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व यही है देखो अपने पास कितना हो जाएगा टू इंटू ए स्क्वायर हो गया ट्वेल्व प्लस टू टू जा और प्लस माइनस बी ए बी की वैल्यू है वन तो माइनस फाइव आ गया प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है कितनी टू बी स्क्वायर तो टू इंटू सिक्स ट्वेल्व माइनस टू टू जा थर्टी होगा सिक्सटीन फोर रूट थर्टी और टेन खत्म क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कुछ था भी मतलब seriously इस क्वेश्चन में कुछ था भी देखना जरा क्या होगा root से माइनस फोर रूट थर्टी कैंसिल हो गया ठीक है ट्वेल्व और ट्वेल्व ट्वेंटी फोर कितना ट्वेंटी फोर टेन और टेन कितना हो गया ट्वेंटी 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 फोर हो गया फोर्टी फोर फोर्टी फोर माइनस फाइव करोगे कितना आ गया थर्टी नाइन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया ये लो भैया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया किसी को कोई दिक्कत है किसी भी बालक को कोई दिक्कत है है तो मुझे बताओ ऑप्शन नंबर सी जो है वो तुम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ये क्या है ये क्या है ये क्या कर रहे हो भाई पोल में गड़बड़ है क्या कुछ पोल में कुछ गड़बड़ है क्या ये तुमने सबने आंसर गलत ही दिया है यह क्या गड़बड़ है पोल में गड़बड़ है या तुमने आंसर गलत दिया है <गणग> हां भाई पोल में गड़बड़ है या तुमने आंसर गलत दिया है बताओ जरा बताओ बताओ भाई इतने बालक गलत आंसर दे रहे हैं ऐसे कैसे काम चलेगा सबका गलत है पोल रॉन्ग है मैं वही चेक कर रहा हूं मैं पोल गलत है या तुम्हारा ही आंसर गलत है अब तो समझ में आ गया कैसे करना है ये क्वेश्चन भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन था ये तो सिंपल क्वेश्चन था क्लियर हो गई बात अब अब समझ में आ गया है? कैसे करना है क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया देखो तुम्हें दिया हुआ है कितना रूट के अंदर एम टू पावर फोर इंटू एन टू पावर फोर ठीक है इन टू सिक्स रूट ऑफ एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू थर्ड रूट ऑफ एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर ठीक है इज इक्वल्स टू एम एन की पावर के ठीक है भैया सॉल्व करके के की वैल्यू निकालनी है जल्दी से बताओ बहुत इजी क्वेश्चन है यार बस क्या करो इसके जैसे क्वेश्चन कर तो रहे हैं यार अभी तक सॉल्व ही कर रहे थे ना क्या करना है बेस को सेम करना है बेस को सेम करना है बेस को क्या करो m इंटू एम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद पावर को कंपेयर करके आंसर निकाल दो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी बोलो बोलो जल्दी से बोलो देखो भाई अगर हम यहां पर सॉल्व करने जाते हैं तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं एम टू दी पावर फोर इन टू दी पावर एन टू दी पावर फोर और रूट का मतलब होता है तुम जानते हो रूट का मतलब क्या होता है रूट का मतलब होता है ए टू दावर वन बाय टू और एन रूट ऑफ ए का मतलब होता है कि भैया सीधी सी बात है ए टू दी पावर वन बाय ठीक तो यहां से सिंपली क्या आ जाएगा ये हो जाएगा एम टू दी पावर एम इंटू एन टू पावर फोर और फोर टू पावर वन बाय टू कितना हो हो जाएगा into, ये हो जाएगा फोर बाय टू ये हमारा एन स्क्वायर की पावर वन बाय सिक्स यानी कि टू बाय सिक्स हो गया इन टू एम इंटू एन की पावर टू की पावर वन बाय थ्री यानी कि टू बाय थ्री हो गया ठीक है सॉल्व करके आंसर निकाल लो डायरेक्टली एम टू एन की पावर हो गया के सॉल्व करेंगे इसे तो भैया देखो ये कितना आएगा सबसे पहले ये हो गया एम एन की पावर टू इंटू एम एन की पावर टू बाय वन बाय थ्री ठीक है इंटू एम एन की पावर टू बाय थ्री इज इक्वल टू एम एन की पावर के ठीक है बेस सेम है पावर अलग अलग है बेस सेम है पावर अलग अलग है क्या होगा जब बेस सेम होता है पावर अलग अलग होती है और टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होती है तो टर्म्स आपस में डिवाइड हो जाती है तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा MN की पावर टू प्लस वन बाई टू वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री इज इक्वल्स टू एम एन टू दावर के ठीक है देखो दोनों तरफ बेस सेम हो गया क्या करो पावर्स को कंपेयर कर दो दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो पावर्स को कंपेयर कर दो तो के की वैल्यू हो जाएगी टू प्लस वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री क्वेश्चन खत्म देखो भैया के की वैल्यू कितनी आ गई के इज इक्वल टू हो गया टू प्लस 1 बाई 3 प्लस 2 बाई थ्री बाय सी एलसीएम लेंगे एलसीएम आ गया अपने पास कितना एलसीएम आ जाएगा थ्री टू थ्री जा सिक्स प्लस वन प्लस टू तो ये हो गया कितना के की वैल्यू हो गई सिक्स प्लस वन प्लस नाइन बाय थ्री तो के की वैल्यू निकल कर आ गई थ्री खत्म क्वेश्चन चलो भाई तो इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे जो क्वेश्चन है किसके नंबर uh, सिस्टम के जो हमारे क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं ठीक है नंबर सिस्टम के जो हमारे क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है थ्री इज एब्सोल्यूटली करेक्ट किसी बालक को कोई दिक्कत यहां तक अब मुझे बताओ नंबर सिस्टम सबको समझ में आ गया अच्छे से नंबर सिस्टम सबको समझ में आ गया अच्छे से भाई इस वाले क्वेश्चन में तुमने इतनी गड़बड़ कैसे कर दी प्रयुंश प्रिंस यादव वंश ऑलराउंडर संदीप चहल देव मलिक सुमन कुमार अर्चना युविक्स दीपू और हमारा सरिता एक बार भैया तुम्हारा चैप्टर वन के लिए चैप्टर वन के लिए मैं लीडर बोर्ड दिखा रहा हूं तो जरा एक बार चैप्टर वन के लिए लीडर बोर्ड देख लो और बताओ देखिए भाई सबसे पहले सबसे पहले वंश फिर है प्रशु फिर है नवीन फिर है हिमांश फिर है वंश फिर स्प्लैश शो, फिर सुमन फिर आयत फिर आदित्य फिर प्रसाद ये है टॉप टेन बच्चे इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं ठीक है आ, अपने पास कौन है अपने पास इसके बाद है जयपंत फिर है दीपू फिर हितेश फिर अनिल फिर सरिता फिर अंशुमन फिर आर्मी यूविक्स जीतेन

और किसके बारे में बात करनी है हमें बात करनी है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में है ना रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और उसके बाद किस बारे में बात करनी है उसके बाद हमारा आ, बेसिक फॉर्मूलाज है ठीक है कुछ फॉर्मुलाज है जो यहां से हमें पढ़ने पड़ेंगे ठीक है उन फॉर्मुलाज के बारे में बात करेंगे ये पूरा का पूरा चार्ट है ये भी मैं लेकर आया हूं तुम्हें मिल जाएगा ये पूरा का पूरा चार्ट देख लेना ठीक है इसी चार्ट से मैं तुम्हें हाथों हाथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा और अब एक काम करते हैं जरा मुझे एक बार जल्दी से बताओ कितने बच्चों को पहला वाला जो चैप्टर है पहला चैप्टर जो है वो ढंग से समझ में आ गया है ठीक है पहले चैप्टर में कितने बालकों को मजे आए जल्दी से बताओ एक बार ठीक है फिर मैं तुम लोगों को एक छोटा सा ब्रेक दूंगा पांच से सात मिनट का या दस मिनट का और उसके बाद हम फिर वापस से कंटिन्यू करेंगे जल्दी से बताओ भाई बताओ भाई कितने बालकों को पहला चैप्टर जिन्हें क्लियर है यस लिखना है जिन्हें क्लियर नहीं है नो लिखना है ठीक है जल्दी से बताते हो चलो और कृपया वो बालक इन्वॉल्व ना हो जो कि अभी अभी आए हैं क्लास में वो बालक इन्वॉल्व ना हो जो कि अभी अभी आए हैं क्लास में जो शुरुआत से है केवल वही बच्चे जवाब दें ठीक है ना जो अभी बीच में आए हैं क्लास में प्लीज वो तो ना ही जवाब दे तो ज्यादा अच्छा है है ना तो क्योंकि वरना तो यार फिर दिक्कत होगी ठीक है तुम लोग तो नो बोल दोगे क्योंकि तुमने बीच में से देखना शुरू कराया बेटा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री तीसरे नंबर पे है ठीक है कॉर्डिनेट ज्योमेट्री तीसरे नंबर पे है। तो 88 परसेंट बालकों को सारी चीजें समझ में आ गई है जिन्हें नहीं आई है भाई क्या दिक्कत है, है? क्या दिक्कत है सरिता क्या दिक्कत है मुझे बताओ सरिता तो क्लास में शुरुआत से है, है? सरिता क्या दिक्कत है तुम्हें आईआईटी बॉम्बे भाई तुझे क्या समझ नहीं आया एक बात तो बता समझ में आया क्या नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा बेटा सरिता आप एट्थ क्लास से हो क्या अगर आप एट्थ क्लास से हो तो फिर तो देखो फिर तो सिरदर्दी लगेगी ना तुम्हें या तो मैं टॉपिक बेसिक से थोड़ी बता रहा हूं या तो मैं तुम्हें सीधी सीधी मेन चीज बता रहा हूं बेटा रैशनाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में क्या ही है ऑफ डिनोमिनेटर में तो बहुत बेसिक सी चीज है तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है ठीक है अगर वो सिंगल टर्म वाला डिनोमिनेटर है तो उसी से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं तुम लोगों को दुखी मत हो ठीक है जैसे कि तुम्हें यह दिया हुआ है वन अपॉन रूट थ्री ठीक है तुम्हें इसका रेशनलाइजेशन करना है तो रेसनाइजेशन का क्या मतलब होता है डिनोमिनेटर में से रेशनल नंबर को हटाकर रैशनल नंबर ले आना ठीक है जैसे कि तुम्हारा वन अपॉन रूट थ्री

ठीक है तो उस केस में हम क्या करते हैं उस केस में हम बस बीच का साइन चेंज करके बस बीच का साइन चेंज करके उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है बस अब इसे सॉल्व कर लो ठीक है अब इसे सॉल्व कर लो क्या कर लो अब इसे सॉल्व कर लो सर सर्ट्स के भी क्वेश्चन आते हैं बेटा करे तो हमने सर्ट्स के कितने क्वेश्चन करे हमने यहां पर सर्ट्स के है ना सर्च के हमने कितने क्वेश्चन करे है? हाँ अर्चना कह रही है सर यू आर बेटर देन सम अदर फैकल्टी लेट मी टेल यू भाई वो जिस बंदे की आप बात कर रहे हो अर्चना ही हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ठीक है एंड ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड ठीक है और मैं जानता हूं उस बंदे की नॉलेज कितनी है ठीक है तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग टीचर्स ठीक है मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ सुनो हम भी ये चीज करते थे जब मैं भी स्कूल में था ठीक है तो हम भी ये चीज करते थे ठीक है बट मुझे एक चीज धीरे धीरे रियलाइज हुई जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे रियलाइज हुआ कि टीचर्स अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाते हैं ठीक है तुम्हें तो किसी टीचर्स का समझ में आता है किसी और टीचर को किसी और टीचर का समझ में आता है किसी का मैं फेवरेट टीचर हूं किसी का कोई और फेवरेट टीचर होगा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खराब हूं ठीक है सीधी सी बात है या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई किसी और टीचर के लिए किसी और बच्चे के लिए मैं फेवरेट हूं तो बाकी टीचर खराब हो गए नहीं पॉइंट इज दिस कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है बस इतना ही होता है ठीक है जिस बच्चे को जिसका समझ में आता है वो उसके लिए बहुत अच्छा टीचर हो जाता है वो उसके लिए फेवरेट टीचर बन जाता है और बाकी बेचारे थोड़े बहुत इधर उधर रह जाते हैं ठीक है अब बफेलो भाई बोल रहा है कि बहुत देर से बोल रहा है ये कि क्वेश्चन नहीं बने क्वेश्चन नहीं बने ठीक है लेकिन जो क्वेश्चन उसके बाद कराए वो समझ में तो आ गए ना अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो कर देगा ना मेन मुद्दा ये है क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं बने क्योंकि प्रैक्टिस करके नहीं बैठे हो तुम रिवाइज नहीं है तुम्हारे, है तुम्हारे ना कॉन्सेप्ट पढ़े होते रिवाइज होते तो हो जाता काम चलो अब अपनी जो क्लास है उसका थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ठीक है और भैया पॉलिम के लिए रेडी रहना क्योंकि पॉलिमियल में काफी सारे क्वेश्चन करने हैं हमें ठीक है तो ब्रेक दे दे कितनी देर का दू ब्रेक फिर बताओ पांच मिनट का सात मिनट का कितनी देर का ब्रेक लेंगे बेटा ऑलमोस्ट पांच घंटे सात घंटे पांच घंटे छह घंटे तो चलेगी क्लास मिनट मिनट का का दे दे दें, चलो दस का ब्रेक दे देता है टाइमर लगा रहा हूं पोलिनोम के लिए रेडी रहना और सारे बालक वापस आ जाना टाइम से ठीक है दस मिनट का ब्रेक दे रहा हूं टाइम से वापस आ जाना सारे बालक चलो आ जाओगे ना चलो एक घंटे का ब्रेक हाँ मैराथन पूरी ब्रेक में निकाल दू तुम्हारी और हम वापस आ गए हैं चाय के चुस्कियां लेते हुए ठीक है क्या हाल चाल भाई आगे सारे बालक वापस जल्दी से बताओ एक बार फायर इमोजी दिखा दो कमेंट में आप तो खा खापी के ना अब तो थोड़ा बहुत खा पी लिया होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तो जल्दी से एक बार फायर इमोजी दिखा दो कमेंट सेक्शन में सर प्लीज टेंथ की क्लास जल्दी स्टार्ट करा दीजिए यस ये। ब्रॉल स्टार्ट भाई जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी टेंथ की भी टेंशन ना लो वो भी पूरा पूरा प्लान में है ठीक है तो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा टेंशन वाली बात नहीं है पॉलिनामियल स्टार्ट करेंगे अब ठीक है पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे एक एक करके पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे ठीक रेडियो सब जल्दी, जल्दी 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 भाई जल्दी 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 हां जी एक तो वाला दिक्कत कर रहा है। अरे अभी कराएंगे सरफेस वॉल्यूम वाला देखो सरफेस एरिया चैप्टर कुछ है नहीं है उसमें बस एक ही चीज है ठीक है और वो है तुम्हारा क्या वो है तुम्हारा फॉर्मुला अगर तुम्हें सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मुले आते हैं तो तुम्हारा काम हो गया ठीक है और अगर अगर तुम्हें वो ध्यान नहीं है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है चलो भाई तो फिर शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल की कहां से पॉलिनोमियल से ही ठीक है तो पॉलिनोमियल क्या होता है पॉलिनोमियल होते हैं आपके ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो या वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट हो वो हमेशा एक होल नंबर हो या फिर आपका हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो ठीक है सो so ऑन ये आपके होते हैं होल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर या आपके होते हैं होल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर ठीक है तो अगर किसी पॉलीनोमियल में अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम पॉलीनोमियल बोलते हैं फॉर एग्जांपल 2x2 plus 7x plus 5 या फिर आपका सेवन वाई की पावर फाइव माइनस टू वाई प्लस टू वाई की पावर थ्री प्लस वाई माइनस टू ठीक है तो यहां पर तुम देख सकते हो जो वेरिएबल लिखे हुए हैं उन वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है ठीक है वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है वो होल नंबर है ठीक है तो ये सारे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सारे जो, ये जो दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये दोनों एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पॉलिनोमियल है बेटा क्वेश्चन कराएंगे कुलदीप टेंशन ना लो बस एक बार जल्दी से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं ठीक है तो अगर मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करूं तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है जल्दी से बताओ पॉलिनोमियल का जो सॉल्व वर्जन होता है यानी कि पोलिनोम का जो सॉल्व आपका फाइनल फॉर्म जो होता है पोलिनोम का फाइनल फॉर्म जो होता है उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोला जाता है जैसे कि यहां पर ये पॉलिनोम इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता ठीक है तो यहां पर वेरिएबल है वाई वाई की सबसे बड़ी पावर क्या है फाइव तो इस पॉलिनोमियल क्यूवाई की डिग्री हो गई कितनी क्यूवाई की डिग्री हो गई फाइव ऐसे ही सेम आपका पीएक्स की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी तुम्हारी कितनी इसकी डिग्री यहां पर वेरिएबल है एक्स एक्स की सबसे बड़ी पावर है टू तो इसकी डिग्री हो गई टू तो अगर मैं तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन में तुमसे पूछूं बेटा एनटीएससी के और क्वेश्चन बनाने के लिए तुम डायरेक्ट देखो एक तो एस एनटीएससी तो छोड़ो आईएमओ की बात करते हैं अगर आईएमओ के तुम्हें क्वेश्चन बनाने हैं आई आईएमओ के क्वेश्चन यहां पर इसमें जो एनटीएससी के क्वेश्चन है वो आईएमओ के तुम्हारे प्रैक्टिस सेट्स में ही पड़े हुए हैं तो तुम जाकर एसओ की साइट पर देख सकते हो ठीक है वहां से भी तुम्हें मिल जाएंगे ठीक है तो अब जरा तुम यहां पर ध्यान से देखो और मुझे बताओ अगर मैं तुम्हें एक पॉलीनॉमियल दे दू कि पी जेड है सेवन z टू दी पावर फोर माइनस जीरो जेड टू दी पावर फाइव प्लस एट जेड प्लस टू जेड टू पावर थ्री माइनस या प्लस जीरो जेड टू पावर सेवन प्लस टू तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बताओ भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी ऑप्शन ए फोर ऑप्शन बी फाइव ऑप्शन सी सेवन या ऑप्शन डी जीरो भाई पॉलिनामियल की डिग्री क्या होगी सर दो वेरिएबल हो तो आदित्य मिश्रा दो वेरिएबल अगर होते हैं तो उन केस में हम वेरिएबल्स की जो डिग्री है उन्हें ऐड करते हैं ठीक है वेरिएबल की डिग्री को ऐड करते हैं फिर वहां पर जो सबसे बड़ी डिग्री होती है जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की जो पावर होती है उन्हें हम ऐड करते हैं ठीक है और वहां पर जो सबसे बड़ी पावर आती है उसे हम बोलते हैं क्या आपका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बट तुम्हारे पास टू वेरिएबल वाले पोलिनोम अभी है नहीं ठीक है तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं आएंगे तो और तुम्हारे ओलंपियाड में भी नहीं आएंगे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि वो टेंथ में भी नहीं है नाइन्थ तो छोड़ो वो टेंथ में भी नहीं है तो तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है ठीक है चलो तो अब देखो भैया देखो बहुत सारे बालक जो हैं वो बता रहे हैं मैं पोल लगा देता हूं अब आंसर करना है तुम लोगों को पोल लगा रहा हूं मैं जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी बताओ भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है मैंने पहले ही बोला है कि पॉलिनोमियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर यानी कि को सॉल्व करने के बाद जो उसकी डिग्री होगी ठीक है डिग्री होगी तो देख लो भाई एक बार हा देख लेना भैया जो ऑप्शन दे रहे हो देखो अगर मैं इस पॉलीनोमियल को सॉल्व करूं तो ये कितना होगा इंटू जेड टू पावर दीरो प्लस टू पावर तो फाइनली इसे सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास पॉलिनामियल बना वो बना सेवन जेड टू दावर फोर प्लस एट जेड प्लस टू जेड क्यूब प्लस टू तो अब इस पॉलिनोमियल को फाइनली सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी आ रही है वो आ रही है ये. है ये ना और यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है फोर तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री फोर होगी ना कि सेवन जो कि तुम में से आधे बच्चों ने लगाई है ठीक है ध्यान रखना ठीक है क्या होगी फोर होगी ना कि सेवन तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ना कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है जीरो है भाई वो तो मैंने बोला भी है आई थॉट ओ नॉट जीरो बेटा मैंने तो जीरो बोला भी है जीरो तो मैंने बोला भी था है? तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट मुझे पता था बहुत सारे बालक गलती करेंगे इसमें आई नो दैट मुझे पता था ठीक है तो जयपंत दीपू रघुवी रघुवर नवीन ग्लो प्रिंशु जगजोत हैंडी मैंडी अंशुमन और अदिति बहुत बढ़िया भाई ठीक है तो ये सबको क्लियर हो गया सर लेक्चर कितनी देर का होगा विवान शर्मा अभी तो बेटा क्लास में आए हो बैठ तो जाओ कम से कम थोड़ी देर पढ़ाई तो कर लो उसके बाद देख लेना लेक्चर कितनी देर का होगा चलो आगे बढ़े अगला क्वेश्चन अब देखो भैया सीधा अब आ जाते हैं हम किस पर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात कर ली हमने पॉलिनोमियल के बारे में बात कर ली अब हमारे पास आते हैं सीधा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास दो तरीके से निकल कर आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर मैं बात करूं यहां पर देखो येरा पॉलिनोमियल ठीक है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन कि वेरिएबल की जो बड़ी पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाती है ठीक है अब अगर मैं बात करूं यहां पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तो हमारे पास दो टाइप्स आते हैं जो डिवाइड होते हैं सबसे पहला है हमारे पास ऑन देश ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिंगल टर्म होती है यानी कि जिनमें एक टर्म होती है फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इज इक्वस टू टू एक्स यहां पर सिंगल टर्म है ठीक है या पी एक्स इज इक्वस टू फोर वाई ठीक है इसमें सिंगल टर्म है या पी वाईज to टू वाई टू दावर हंड्रेड इसमें भी सिंगल टर्म है तो ये सब क्या है ये सब तुम्हारे मोनोमियल होते हैं तो ऐसे टर्म जिनमें ऐसे पोलिनोमियल जिनमें टर्म क्या होती है सिंगल टर्म होते हैं उन्हें मोनोमियल बोलते हैं जिनमें दो टर्म होते हैं उन्हें बाइनोमियल और जिनमें तीन टर्म होती है उन्हें ट्राइनोमियल क्या ये बताना पड़ेगा क्या ये बताना पड़ेगा जल्दी से बताओ ओके okay, विवान कह रहा है कि मैं वो लेक्चर देख रहा था बस पोल नहीं कर रहा था ओके okay, बेटा विवान कोई बात नहीं ठीक है बट लेक्चर अभी कम से कम कम से कम पांच चार घंटे तो कम से कम अभी और चलेगा ठीक है ना तो जरा मुझे जल्दी से बताओ बाइनोमियल ट्राइनोमियल और तुम्हारा मोनोमियल समझाना पड़ेगा क्लियर है क्लियर है सबको क्लियर है चलो ठीक है अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था

ठीक है यानी कि जैसे कि मैं तुम्हें बता भी देता हूं तुम्हारा लीनियर पॉलिम का जो जनरल फॉर्म होता है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनामिल का जनरल फॉर्म ठीक है यहां पर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोम का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है Square plus BX plus C. ठीक है बी एक्स प्लस वेरिएबल की क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वन ठीक है आशुतोष मिश्रा क्या बताएं भाई क्या बताएं देखो ठीक है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वन और वहीं पर हम बात करें वहीं पर हम बात करें क्या कि आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है थ्री यानी कि यहां पर वेरिएबल की जो आपका पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कितनी होती है वो होती है थ्री वो कितनी होती है वो होती है थ्री ठीक है तो भैया लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री वन वाले पोलिनोमियल क्वाडेटिक पॉलिनोमियल डिग्री टू वाले पॉलिनोमियल और तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री थ्री वाले पॉलिनोमियल और वहीं पर अगर मैं बात करूं क्या वहीं पर अगर मैं बात करूं कि तुम्हारा बायक्वाडेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं तो बायक्वाडेटिक पॉलिनोमियल होते हैं तुम्हारे वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री फोर होती है ठीक है जिनकी डिग्री फोर होती है वो तुम्हारे बायक्वाडेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ठीक है वो तुम्हारे बायकॉडेटिक पॉलिनोमियल होते हैं यहां पर जहां पर तुम्हारी डिग्री की सबसे बड़ी पावर क्या है वेरिएबल में आपका सॉरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर फोर हो वो तुम्हारे बायक्वाडेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ठीक है तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है तुम्हारा सबसे पहले लीनियर फिर क्वाड्रेटिक फिर क्यूबिक और फिर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इसके अलावा एक आता है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है जीरो ठीक है ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री होती है जीरो उन्हें हम बोलते हैं क्या उन्हें हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ठीक है कौन से पॉलिनोमियल भाई कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इन भाई साहब की जो डिग्री होती है वो होती है जीरो ठीक है और यहां पर क्या आता है यहां पर आते हैं आपके पास सारी कॉन्स्टेंट टर्म यहां पर आती है आपके पास सारी कॉन्स्टेंट टर्म जैसे कि पीएक्स इज इक्वल्स टू

उन पॉलिनोमियल्स को हम सर डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक एंड बाय क्वाड्रेटिक बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री टू होती है है ना और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री फोर होती है यानी कि वेरिएबल में सबसे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है आपकी टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल में आपकी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर फोर है तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा दिव्या सिंह ये भी बोलोगे क्या रिपीट करना है या फिर यही बोलते रहोगे नहीं क्लियर है सर रिपीट कर दो क्या रिपीट कर दो ये तो बता दो मेरे लाल है ये समझाओगे तो पता चलेगा ना क्या रिपीट करना है हाँ बेटा ओमिटेड चैप्टर भी कई बार आ जाते हैं क्योंकि सिलेबस ये पूरा का पूरा ही कंसिडर करते हैं ठीक है तो देखो ये है तुम्हारा लीनियर लिख भी देता हूं मैं वरना तुम कहोगे कि क्या ही है ठीक है ये है क्वाड्रेटिक ठीक है ये है क्यूबिक और ये है तुम्हारा क्वाड्रेटिक शॉर्ट में लिख रहा हूं बायक्वाड क्वाड्रेटिक ठीक है क्वाड्रेटिक क्लियर हो गई क्लियर हो गई चलो अब देखो तुम्हारे जो कांस्टेंट पॉलिमियल है जैसे कि मैंने बताया पी एक्स इज इक्वल टू टू तुम्हारे जितने भी रियल नंबर आ जाते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं ठीक है सारे के सारे तुम्हारे जो नंबर्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं या फिर तुम्हें दे दिया जाए कि पी वाई इज इक्वल टू ए ठीक है अब यहां पर वेरिएबल ए नहीं है यहां पर वेरिएबल ए नहीं है वेरिएबल क्या है वेरिएबल है वाई ठीक है तो यहां पर हमें वेरिएबल दे ही नहीं रखा है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी ए वाई टू दावर जीरो तो तुम देख सकते हो जितने भी तुम्हारे कांस्टेंट पॉलिनामियल है जितने भी तुम्हारे कांस्टेंट पॉलिनामियल है उन सब की पावर कितनी है उन सब में वेरिएबल की पावर है जीरो तो ध्यान रखना डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा जीरो होती है ठीक है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हमेशा क्या होगी जीरो होगी यह चीज याद रखना इसकी अगर मैं डिग्री निकालू डिग्री ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल तो ये हमेशा जीरो आएगी ठीक है और यही चीज यहां पर लिखी हुई है क्या कि जीरो डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं ठीक है यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि ए बी सी और डी जो है तुम्हारे ए बी सी डी और ई e, ये तुम्हारे रियल नंबर है और इनमें से किसी भी केस में तुम ए की वैल्यू जीरो नहीं कर सकते इनमें से किसी भी केस में तुम ए की वैल्यू जीरो नहीं कर सकते चीज ध्यान रखना अब इसके बाद एक और आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ठीक है ये वाला पॉलिनामियल टाइप ऑफ पॉलिम में लास्ट है ये है हमारा जीरो पॉलिनोम ठीक है जीरो पॉलिनोमियल ठीक है और ये कुछ और नहीं है ये कुछ और नहीं है जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है क्या जीरो इज जीरो कुछ नहीं और

लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होती है वन क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है टू क्यूबिक में डिग्री होती है थ्री और बायक्वाड्रेटिक में डिग्री होती है फोर लो ठीक है तो भैया तुम्हारा क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में क्या डिफरेंस है पर और जीरो पॉलिनामियल है इसकी डिग्री क्या होगी मान लो तुम्हें मैंने एक पॉलिमियल दे दिया पी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होगी हो आप जीरो को लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स टू दी पावर जीरो आप जीरो को लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स टू तो दी वन आप जीरो को लिख सकते हो जीरो को यह भी लिख सकते हो जीरो से कौन सी जीरो की रियल वैल्यू है हमें नहीं पता इनमें से कौन सी जीरो की रियल वैल्यू है हमें नहीं पता तो भैया आपका इनमें से कोई भी जीरो की रियल वैल्यू हो सकती है यह जीरो किसी के भी इक्वल हो सकता है क्योंकि जीरो इंटू दिस जीरो जीरो इंटू दिस जीरो 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 इंटू दिस जीरो जीरो इंटू दिस जीरो तो इनकी वैल्यू तो जीरो ही आ रही है ठीक है तो इसीलिए आप यहां पर वेरिएबल कितना है वेरिएबल की पावर है जीरो यहां पर वेरिएबल की वन है यहां पर वेरिएबल की हंड्रेड है और यहां पर वेरिएबल की ये है ठीक है तो यहां तो भाई साहब आपका कोई सी भी जो वेरिएबल है दिव्या कह रही है सर फैक्टर थ्योरम बेटा फैक्टर थ्योरम पे पहुंचने तो दे मेरे लाल पहुंचूंगा तो बता दूंगा ना फैक्टर थ्योरम अभी रुक जाओ तो देखो अब यहां पर क्या केस है यहां पर आपका जो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल है ठीक है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल है वो क्या है वो डिसाइडेड है ही नहीं वो डिसाइडेड है ही नहीं ठीक है तो अब क्या होगा भाई अब क्या होगा अब क्या होगा अब दिक्कत ये होगी कि भैया इसीलिए हम डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं ध्यान रखना ये वन मार्क क्वेश्चन भी आता है तुम्हारे एग्जाम में और ओलंपियाड में भी डायरेक्ट पूछ लेगा ठीक है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है याद रखना डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है ठीक है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है ठीक है क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात चलो अब देखो यहां तक सबको क्लियर आ गया टाइप्स ऑफ सबको समझ में आ गए अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिम क्या होती है अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ पॉलिम की तो वैल्यू ऑफ पॉलिम क्या है तो किसी भी वेरिएबल में ठीक है किसी भी पॉलिनोम में वेरिएबल की जगह पर अगर मैं कोई नंबर पुट कर देता हूं या कोई भी टर्म पुट कर देता हूं तो उसे सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आंसर होता है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक पॉलिनोमियल ले भी लू ठीक है अगर मान लो मैं यहां पर एक पॉलिम ले भी लू कि मैंने एक पॉलिमियल ले लिया पी एक्स इज इक्वल वाई स्क्स टू सॉरी ठीक है और मैं यहां पर क्या करता हूं इस वेरिएबल में इस वेरिएबल में मैं इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पर वन पुट करता हूं तो एट एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी यार रघुवीर थ्योरी भाई जीरो टू द पावर जीरो नॉट डिफाइंड होता है वन टू द पावर जीरो ए टू द पावर जीरो की वैल्यू वन होती है ठीक है किसी भी चीज की पावर तुम जीरो करोगे उसकी वैल्यू वन होगी ठीक है बट जीरो टू द पावर जीरो करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ठीक है तो अब जो मैं समझा रहा हूं पहले वो समझ लो प्लीज ठीक है <laughs> हिमांश कह रहा है सर वन टू दावर वन एंड वन टू दावर जीरो की पावर जीरो बताया ना मैंने तो टू पावर जीरो करोगे कितना होगा वन होगा वन टू दावर वन कितना होगा वन होगा तो वन इज इक्वल्स टू वन आ रहा है one is to zero कहां से आ गया सर सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा क्या आदित्य मिश्रा तुम्हारे में नहीं आएगा वो टेंथ का कॉन्सेप्ट है तुम्हारे में नहीं आएगा नाइन्थ में नहीं आएगा ठीक है थर्टी स्टूडेंट आर टेकिंग क्लास प्रॉपरली आउट ऑफ दो थ्री स्टूडेंट यार मेरे लिए वही इनफ है ठीक है मेरे लिए वो बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने बच्चे तुम्हें से ऐसे है जो पढ़ रहे हैं ठीक है जितने बच्चे तुम्हें से ऐसे है जो पढ़ रहे हैं ठीक है मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है पात खत्म पात खत्म बेटा हम तब कम्पेयर करते हैं वन टू दावर वन और वन टू दावर जीरो इक्वल तो होंगे ही नहीं ना तूने इक्वल कैसे रख लिए आ जाओ पहले इसे सॉल्व करो पहले उसके बाद बात करते हैं तुम्हारे पॉइंट पे ठीक है तो देखो एक्स टू दी पावर वन वैल्यू ऑफ पॉलिमियल समझा रहा हूं यहां पर अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा पी वन इज इक्वल वन टू दावर थ्री प्लस टू इन टू वन माइनस फोर तो अपने पास क्या आ गया पी वन की वैल्यू निकल कर आ गई सेवन वन टू दी पावर थ्री हो जाएगा वन प्लस टू टू पावर वन टू माइनस फोर तो अपने पास हो गया नाइन सेवन टू नाइन माइनस फोर आ गया फाइव तो पी वन की वैल्यू आ गई फाइव तो देखो ये क्या है

ये सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सबको क्लियर है अब ऐसे ही वेरिएबल की किसी ना किसी वैल्यू पर वेरिएबल की किसी ना किसी वैल्यू पर वेरिएबल की किसी न किसी वैल्यू पर आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू जैसे यहां पर इस पॉलिनोमियल की आपने वेरिएबल की जगह पर वन रखा तो x इज टू वन पर इस वेरिएबल की वैल्यू जीरो आ रही है ठीक है ऐसे ही x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू भी होगी जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर मैं कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले ले लेता हूं जैसे कि पी वाई इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस फोर ठीक है तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालता हूं x इज इक्वल्स टू टू पर एट

एट वाइज इक्वल्स टू टू पर इस पॉलिम की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है ये निकल कर आ रही है जीरो। ठीक है तो यानी कि हर हर एक के लिए और वही वैल्यू जो है वेरिएबल की वेरिएबल की वही वैल्यू जो है वो आपका क्या है वो आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा वही आपका क्या हो जाएगा वही आपका ऑफ होगा ठीक है जो कि यहां पर हमारा अगला कॉन्सेप्ट या अगला टॉपिक है ये रहा ऑफ तो भैया वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि पूरे पॉलिमियल को जीरो कर दे वो आपका क्या हो गया ऑफ पॉलिनोम हो गया ठीक है यहां से सबको समझ में आ गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सबको क्लियर हो गया जल्दी से बताओ हेलो सौरभ हेलो 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 हलो हेलो ऋषिकेश राज क्या करेगा जान के मेरी शादी हो गई है या नहीं है

अब देखो इसके बाद अपने पास आता है क्या इसके बाद अपने पास आता है आपके पास दो थ्योरम निकलकर आती हैं। एक है रिमाइंडर थ्योरम ठीक है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी है फैक्टर थ्योरम

जिसकी पावर वन या वन से बड़ी है ठीक है तुम किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर वन या वन से बड़ी है रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम देखो भाई तुम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी भी पॉलिनोमियल को पीएक्स को जिसकी डिग्री वन या वन से बड़ी है ठीक है इसकी डिग्री वन या वन से बड़ी है अगर तुम उसे डिवाइड करते हो किसी लीनियर पॉलिम से लीनियर जिसकी आप पोलिनोम डिग्री क्या हो वन हो ठीक है तो अगर आप किसी पॉलिनोमियल को इसकी डिग्री कितनी भी हो सकती है वन और वन से बड़ी हमें फर्क नहीं पड़ता ठीक है वन से छोटी नहीं होगी वन से बड़ी होगी ध्यान रखना ठीक है और आप इसे डिवाइड कर रहे हो एक लीनियर पॉलिनोमियल से ठीक है तो जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो फॉर एग्जाम्पल तुमने नाइन को डिवाइड करा टू से तो यह आता है 2, 4, जा 8, और हमारे पास एक रिमाइंडर बचता है हमारे पास क्या बचता है हमारे पास एक रिमाइंडर बचता है ठीक है सेम ऐसे ही जब आप एक पॉलिमियल को दूसरे पॉलिनामियल से डिवाइड करते हो तो आपके पास एक रिमाइंडर आएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल तुम यहां से क्या कर रहे हो तुम यहां से पीएक्स को डिवाइड कर रहे हो एक्स माइनस ए से तो तुम्हारे पास डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा ठीक ये जो रिमाइंडर है ये किसके इक्वल होगा ये रिमाइंडर तुम्हारा इक्वल होगा किसके अगर तुम पी एक्स को जिसकी डिग्री वन या वन से बड़ी है उसे डिवाइड करते हो एक्स माइनस ए से तो तुम्हारे पास जो रिमाइंडर होगा वो पी ए होगा वो क्या होगा वो पी ए होगा अब ये ए कहां से आया पी ए का मतलब क्या है पी ए का मतलब क्या है पी ए का मतलब है इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर एक्स रख दो वेरिएबल की जगह पर ए रख दो यानी कि ये ए कहां से आएगा ये ए निकल कर आएगा तुम्हारा यहां से जो लीनियर पोलिनोम देखो मैं समझाता हूं रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली ये बोलती है कि अगर तुम किसी पोलिनोम को एक्स माइनस से डिवाइड कर रहे हो तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो पी होगा ठीक है और तुम इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो तुम पी को एक्स माइनस से डिवाइड कर रहे हो ठीक है तो जिस लीनियर पॉलिनोमियल से तुम डिवाइड कर रहे हो उसे उठाकर जीरो के बराबर रखो यहां से तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो भी वैल्यू मिली उस वैल्यू को उठाकर कहां पर रख दो अपना में वेरिएबल की जगह पर रख दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा तुम्हें पी ए मिल जाएगा यही पी ए जो है यही तुम्हारा रिमाइंडर होगा बात खत्म ये तुम्हारी क्या बोलती है यही तुम्हारी बोलती है रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम सबको क्लियर हुई या नहीं सर सबसे ज्यादा नंबर कौन सा चैप्टर देता है लाइन एंगल सबसे ज्यादा देगा ठीक है उसके बाद नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा देगा ठीक है और फिर तुम्हारा जो तीसरा चैप्टर था तुमने बताया था मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है तीसरे चैप्टर का फिर तुम्हारा तीसरा चैप्टर देगा ठीक है क्लियर हो गई बात ठीक है क्लियर हो गई ये बात सबको समझ में आ गया आगे सबको समझ में जल्दी से बोलो ये सबको क्लियर हो गया आगे बढ़े चलो ठीक है रिमाइंडर थ्योरम सबको क्लियर है इसके बाद आती है हमारी फैक्टर थ्योरम अब फैक्टर थ्योरम में हमारे पास दो स्टेटमेंट आते हैं थ्योरम हो गई फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं फैक्टर थ्योरम में हमारे पास दो स्टेटमेंट आते हैं दो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं भाई पहला स्टेटमेंट है कि अगर ध्यान से सुन लेना ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है पहला स्टेटमेंट फैक्टर थ्योरम के दो स्टेटमेंट है और मैं यहां पर प्रॉपर प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं बताने वाला हूं तुम्हें मैं यहां पर तुम्हें मेन मुद्दा बताऊंगा जो मेन चीज है क्या है कि इफ इफर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कम इन टू डे क्लास बेटा नहीं आज की क्लास में नहीं होगा ये ठीक है आज की क्लास में जो बता रहा हूं वो कर लो यार जल्दी जल्दी करना शुरू करो क्यों तुम अपना भी कमेंट करके तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो डिस्ट्रैक्ट करते हो पहले जो चीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो ना ठीक है सर एक बार क्वारेटिक को स्प्लिटिंग से किया था डिवीजन क्वारेटिक को स्प्लिटिंग से किया था डिवीजन डिवीजन थोड़ी क्या होगा फैक्टर क्या होगा फैक्टर क्या होगा डिवीजन थोड़ी क्या होगा मेरे लाल फैक्टर क्या होगा ठीक है तो देखो अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि देखो सबसे पहले अगर अगर आपके पास कोई वैल्यू है ए अगर आपके पास कोई वैल्यू है ए और आपका कोई पॉलिनॉमल है पी ठीक है

ये जो a है इसी से ही ले लो x माइनस ए एक्स माइनस ए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा सीधी सी बात है पहला आपका स्टेटमेंट कि अगर पी ए इफ a एज इक्वल्स टू जीरो सो x ए की वैल्यू यहां पर माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है तो हमें क्या लेना है हमें एक्स माइनस ए लेना है अगर ए की वैल्यू माइनस ए होगी तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इफ पी टू जीरो सो एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ पी एक्स सिंपल सी बात है ठीक है और सेम इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर इफ x minus a जो है अगर x minus a मैं पता चल जाता है कि x minus a जो है वो px का क्या है x minus a इज ए फैक्टर ऑफ px अगर तुम्हें पता चल जाता है कि ये इसका फैक्टर है ठीक है px का सो so, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि p a की वैल्यू जीरो होगी ठीक है डायरेक्टली p a की वैल्यू जीरो होगी यानी कि ये जो a है ठीक है ये जो a है ये क्या होगा ये उस पॉलिनोम का एक जीरो होगा क्या होगा उस पॉलिनोम का एक जीरो होगा आदित्य मुझे हेड्स ऑफ करने की जगह अपनी पढ़ाई पर पढ़ ध्यान दे ले ठीक है क्लियर हो गई बात ये सबको समझ में आ गया तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि भैया अगर देख लो सिंपल सी बात है कि अगर एक्स माइनस ए तुम्हारा फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का तो ये जो a है ना a यानी कि इस ए को तुम कैसे निकाल सकते हो एक्स माइनस ए को जीरो से इक्वेट कर दो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो ये जो ए आएगा ना ए जीरो ऑफ दॉलीमियल होगा यानी कि होगा ठीक है क्लियर हो गई बात सर कवर ओनली मेन थिंग्स दिस इज दीज आर इजी हाँ बेटा मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मेन थिंग्स ही कवर करूं ठीक है इसीलिए मैं मेन मेन टॉपिक ही उठा रहा हूं बस ठीक है अब देखो अब इसके बाद अपने पास क्या आता है इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ बेसिक सी चीजें ठीक है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल आता है एक तो हमारे पास ठीक है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बहुत ज्यादा इजी है आप किसी भी पॉलीनोमियल का जीरो निकालना चाहते हो आप उसे उठाकर जीरो से इक्वेट कर दो ठीक है आप उसे उठाकर जीरो से इक्वेट कर दो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो वेरिएबल की वैल्यू कर आएगी वही पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है वही पॉलिनोमियल का जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ये बहुत ज्यादा इजी होता है लेकिन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ये निकालना थोड़ा टफ है ठीक है ये निकालना थोड़ा टफ है तो यहां पर हम कुछ तरीके से ऐसे करते हैं कि या तो बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर ठीक है या बाय ग्रुपिंग मैथड और या फिर बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर और लास्ट में बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर भी आता है इसके बाद बाय फैक्टर थ्योरम भी आता है और उसके अलावा तुम्हारा क्या एक और चीज आती है जो कि है है बाय बाय मिडिल मिडिल टर्म टर्म स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मेथड 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 ठीक अब देखो ये बहुत सारे की हमारे पास फैक्टर्स करने के ठीक है इन सारे मेथड को एक एक करके तो डिस्कस करेंगे नहीं हम ठीक है जो जो मेथड क्वेश्चन में आते रहेंगे मैं वो वो एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा तुम लोगों को ठीक है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फैक्टर्स हम वहां से समझ लेंगे ठीक है अब इसके अलावा तुम्हारी कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि तुम लोगों को याद होनी चाहिए ठीक है ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तुम लोग दिमाग में सेट कर लो इन पर जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा ठीक है सबसे पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तीसरा तुम्हारा ए स्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी ठीक है इसके अलावा साढ़े छह बज चुके हैं इसके अलावा तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी उसके अलावा ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद रखना क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब याद रखना याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब के केस में माइनस ए बी आता है ये चीज याद रखना ठीक है फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए क्यूब आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है ये चीज याद रखना आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के केस के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये चीज याद रखना ये चीज तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी इस पर जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ठीक है उसके अलावा ए प्लस बी की होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए बी ब्रैकेट के अंदर प्लस बी ए माइनस बी की होल क्यूब होता है उसके अलावा यहां पर माइनस आएगा ठीक है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी ठीक है उसके अलावा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी अलग इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और आपका अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो तो आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू थ्री ए बी सी आ जाती है ठीक है तो इन सारी चीजों को तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं ये तुम लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं है तो फिर तो भैया दिक्कत है ठीक है तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज तो ढंग से याद कर लेना बिना किसी दिक्कत के दुख दर्द पीड़ा के ठीक है ये बताओ इतना सबको समझ में आ गया या नहीं जल्दी से बताओ इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं क्लियर है इतना सबको अरे बोलो भैया बोलो बोलो मन के राज खोलो खोलो क्या चाहते हो तुम क्लियर है? यस सर यस सर एक बार फायर मुझे दिखा दो सर मुझे याद है आइडेंटिटीज बहुत बढ़िया एक बार यह बताओ कितने बालक है जिन्हें आइडेंटिटीज याद है बेटा लॉन्ग डिवीजन की हमें यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी एमएस जो तुम ओलंपियाड वगैरह में जाओगे वहां पर लॉन्ग डिवीजन नहीं आएगा तुम्हारे पास करने को ठीक है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो अगर तुम्हें समझना है तो ओलंपियाड के अलावा तुम्हारा जो बैच अपना अभी रिसेंट में मैराथन हुई थी क्लास नाइन्थ की फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर तुम वहां पर देख सकते हो ठीक है वहां पर कराया हुआ है ठीक तो एक बार जरा मुझे जल्दी से बताओ कितने बालक ऐसे हैं जिन्हें याद है आइडेंटिटी अगर याद है तो यस और अगर नहीं याद है तो नो जरा जल्दी से बताना कितने बालक ऐसे हैं जिन्हें आइडेंटिटी याद है देखे तो भाई कितने वालक बताते हैं कितनों को आइडेंटिटी याद है मुझे तो लग रहा है सारे ही बताएंगे सबको याद है शायद है ना देखे जरा एक बार रिजल्ट कंप्लीट हो जाए जरा ये फिर आएगा रिजल्ट हमारे सामने यस 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 चलो तो नाइनटी परसेंट बालकों को याद है बाकी अपने नाइन पॉइंट थ्री एट परसेंट बालकों को याद नहीं है देखो तुम्हें एक चीज बताता हूं आइडेंटिटी या फॉर्मुलेज याद करना ठीक है रटना नहीं होता आइडेंटिटी हो चाहे फॉर्मूलाज हो ठीक है उन्हें रटना नहीं होता कभी भी आइडेंटिटी और फॉर्मूलाज को कभी भी रटना नहीं होता ठीक है जितनी ज्यादा तुम उन्हें रटोगे तुम उतना ज्यादा उन्हें भूलते जाओगे ठीक है इन्हें याद करने का केवल एक ही तरीका है हर आइडेंटिटी पर या हर फॉर्मूले पर कम से कम कम से कम तुम पांच पांच क्वेश्चन या आठ आठ क्वेश्चन कर लो तो वो जो तुम्हारे लिए फॉर्मूला है या आइडेंटिटी है वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा ठीक है तुम आराम से फिर उसे अगर एक हफ्ते बाद भी रिकॉल करोगे ना अच्छा यार वो तो ये

ठीक है तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं ठीक है जो कि मुझे तुम्हें बतानी है ठीक है अगर तुम ये चीज समझ लेते हो तो तुम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है ठीक देखो यहां पर आपके पास दो केस बनते हैं ये दोनों चीजें याद कर लेना डायरेक्टली मैं बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें ओलंपियाड का एग्जाम देना है ठीक है जिस बात पे हमारा पिछले एक बालक पिछली क्लास में मतलब अभी पिछले चैप्टर में बड़े मजे ले रहा था फन अगर a प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू गिवन है अगर तुम्हें ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू अगर दे रखी है ठीक है और तुमसे कहता है कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर निकालो तो ध्यान से सुन लो ये डायरेक्टली ये डायरेक्टली आप इसे इक्वल्स टू लिख सकते हो किसके ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू के इसे डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो अगर आपको ए प्लस वन ओपॉइन ए गिवन है ठीक है और आपसे ए स्क्वायर प्लस वन ओपॉइन ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो ठीक है सेम केस अगर अगर इफ आपको गिवन है ए माइनस वन ओपॉइन ए ठीक है अगर आपको गिवन है ए माइनस वन ओपॉइन ए ठीक है ठीक अगर आपको a minus one upon a given है ठीक है सर एक बच्चा पूछ रहा है कि सर y minus two तो देख अगर तुझे a plus one upon a given है ठीक है मान लो कुछ भी given है हमें नहीं पता कुछ भी given है ठीक है कुछ भी हो सकता ही है ठीक है तो तुम क्या करते हो तुम करते हो इसका स्क्वायर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी a square plus one upon a square plus two into a into one upon a तो यहां से a से a कैंसिल आउट हो गया टू को उठाकर इधर ले आओगे तो तुम्हारे पास आ जाता है ए प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस टू विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन अपॉइन ए स्क्वायर ठीक है तो देखो जनरली जब हम बोर्ड में जाते हैं जब हम बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं या फिर जब हम अपना स्कूल का एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम इस प्रोसेस को करके दिखाते हैं हम इस प्रोसेस को करके दिखाते हैं ठीक है लेकिन अगर तुम भैया ओलंपियाड में जा रहे हो ठीक है और तुम्हें ये प्रोसेस नहीं करना तुम थोड़े से समझदार बालक हो तुम्हें ये प्रोसेस नहीं करना तो तुम डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हो किएगा ए माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू गिवन है और तुमसे पूछता है स्क्वायर तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी ए माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस टू याद रखना जब तुम्हारा ए प्लस वन ए गिवन होगा तो माइनस टू आएगा जब ए माइनस वन ए गिवन होगा तुम्हारा प्लस टू आएगा क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात चलो ये चीज याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ना ये चीज याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ठीक है अब सीधा हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे ठीक है अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके ठीक है तुम इतने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक इतने क्वेश्चन सॉल्व करो आके मैं पोल लगाऊंगा ठीक है और पांच मिनट मुझे दो ठीक है आई नीड टू गो समेयर ठीक है जस्ट मुझे पांच मिनट दो ठीक और इतने तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तुम्हारे सामने क्वेश्चन गिवन है वन ऑफ दू दावर फोर प्लस टू एक्स इज इसमें कौन इसका फैक्टर होगा बताओ भाई कौन इसका फैक्टर होगा जल्दी से बताओ कौन इसका फैक्टर होगा सॉल्व करके आंसर दो मुझे कौन इसका फैक्टर होगा जल्दी से बताओ भैया कौन इसका फैक्टर होगा कौन इसका फैक्टर होगा? होगा स्टार्ट पोल पोल स्टार्ट कर दिया मैंने तुम लोग आंसर दो मैं आप ए बी सी या फिर जल्दी से एक सेकंड भाई लोग आई होप तुम लोगों का आंसर आ गया होगा ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बालक चलो देख लेते हैं एक बार पहले रुक जाओ एक सेकंड माइक चेक कर ले हमारे माइक की बैटरी आ आ आ रही 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 है, आ रही है, चलो आई होप अब आ गई होगी अब आ गई है आवाज क्लियर है आवाज जल्दी से बताओ एक बार जरा आवाज क्लियर है yes, चलो, बहुत बढ़िया। शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई हमें px गिवेन है PX ले, ले लेते हैं अपना एक्स टू दी पावर फोर प्लस एट एक्स ठीक है तो ये हमारा है, ठीक है अब यहां पर अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है किसकी तुम्हें तो कह रहा है कि इसका फैक्टर कौन सा होगा तो तुम्हें एक चीज पता थी तुम्हें एक चीज पता थी कि एक्स माइनस ए पॉलिमियल का फैक्टर होगा अगर पी ए की वैल्यू जीरो हो जाए, है तो X -A, देखो यहाँ पर मुझे दो ही क्या दिख रहे हैं दो ही वैल्यूज दिख रही है सिंपल सी ठीक है मुझे दो ही वैल्यूज दिख रही है यहां पर सिंपल सी कौन सी दो वैल्यूज दिख रही हैं या तो देखो तुम इसका फैक्टर कर सकते हो कैसे सबसे पहले यहां से एक्स कॉमन ले लो अंदर बचेगा एक्स क्यूब प्लस एट ठीक है अंदर क्या बचा एक्स क्यूब प्लस एट इसे तुम लिख सकते हो कितना टू क्यूब ठीक है तुम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अभी तुमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या होता है x इंटू कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस टू ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर ठीक है तो ये हो गया फैक्टर ठीक तो तुम देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर जो है तुम इसके आगे इसके और भी फैक्टर कर सकते हो ठीक है मुझे दिक्कत नहीं है तुम इसके आगे इसके और भी फैक्टर कर सकते हो तुम इसके आगे इसके और भी फैक्टर कर सकते हो x2 2x 4 के भी तुम अभी फैक्टर कर सकते हो ठीक है लेकिन क्यों करूं मुझे एक चीज पता लग गई कि x plus 2 क्या है x plus 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि यहां पर आंसर में x plus 2 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट पहले तो तुम इसे इस तरीके से कर सकते हो ठीक है पहले तो तुम इसे इस तरीके से कर सकते हो दूसरा तुम क्या कर सकते हो इसमें फैक्टर थ्योरम भी अप्लाई करके देख सकते हो ठीक है जो कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था जो कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि भैया फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके देख लो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके कैसे देख सकते हैं भाई फैक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई करके देख सकते हैं फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए तुम्हें पता है कि आपका एक्स माइनस ए का फैक्टर होगा अगर पी ए की वैल्यू जीरो हो जाए तो यहां पर देखो दो ही लीनियर पॉलिनोमियल दे रखे हैं यहां पर दो ही लीनियर पॉलिनोमियल दे रखे हैं यानी कि मैं इन्हीं दोनों पर खाली फैक्टर थ्योरम लगाकर देख सकता हूं बाकी दोनों के लिए तो हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा बाकी दोनों के लिए तो हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा लेकिन इन पर मैं लीनियर पोलिनोम लगा सकता हूं ठीक है तो लगाओ जरा फैक्टर थ्योरम आपका एक्स प्लस टू पॉलिनोमियल का क्या होगा फैक्टर होगा अगर पी एक्स प्लस को क्या करना पड़ेगा जीरो के इक्वेट एक करो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस टू तो अगर x इज इक्वल टू माइनस टू पर पी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो ये आपका फैक्टर होगा देखो जरा तो p x की जगह पर रख दो माइनस टू तो अपने पास हो जाएगा माइनस टू की पावर फोर प्लस टू एट इंटू माइनस टू तो हमारे पास कितना आ गया सिक्सटीन और माइनस सिक्सटीन यानी कि ये आ गया जीरो तो भैया p माइनस टू की वैल्यू जीरो है p माइनस टू की वैल्यू जीरो है इसका मतलब क्या कि आपका पी ए अगर जीरो है तो एक्स माइनस ए की क्या होता है एक्स माइनस ए तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा गिवन पॉलिम का यानी कि एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स प्लस टू हमारे का है. तो इस तरीके से कर लो एक्स माइनस टू के लिए भी चेक कर लेते हैं भैया x माइनस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे x की वैल्यू आ गई टू ठीक है x इज टू टू पर क्या ये पॉलिनामियल जीरो हो रहा है देखो पी टू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टू की पावर फोर प्लस एट इन टू टू विच मीन आ गया सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन तो हमारे पास आ गया थर्टी टू जो की जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स इज इक्वलोम नहीं हो रहा इसका मतलब x minus 2, इस polynomial का फैक्टर नहीं है ये तो मैंने केवल तुम्हें चेक करने के लिए बता दिया सर डिड यू नॉट टेक फर्स्ट ऑप्शन सर बेटा हेलो बुफेलो मेरे लाल वहां पर तुम एक्स स्क्वायर प्लस टू दे रखा है वो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोम है ठीक है उस केस में तुम अपना ये नहीं लगा सकते हो फैक्टर थ्योरम इसलिए मैंने पहला वाला ऑप्शन कंसीडर नहीं किया ठीक है यहां पर तुम यन्ना ये, ये वाला तरीका कर सकते हो अपने x 2x 4 को तुम और ब्रेक कर लो इसके क्या देखो जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फैक्टर जो तुम्हारा आ रहा है जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है वो ये है ना कि ये तो ऑप्शन ये दोनों तो पहले ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर ये आ रहा है ठीक है तो सीधी सी बात है अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा केवल एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट आ रहा है बार बार वो है ऑप्शन नंबर सी ठीक है केवल ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सी तो सी करेक्ट हो गया लगा दो आंसर कमल सर है? बेटा, कमल सर सर कहां है है बेटा लहा तुम लिख रहे हो कमल सर लहा है ठीक है तो कमल सर लहा है कमल सर यही है भाई कमल सर यही है तीन चार दिन के लिए कमल सर ने अपनी दाढ़ी जो है वो उधार पे दे दी है 94 परसेंट बालकों ने बोला है कि भैया सही आंसर सी होगा प्रसाद आ, नवीन आर्टिस्ट दीपू एम एस गेवर युविक संदीप स्प्लैशो सरिता और गॉडल गॉड एल शाइन ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है तुमसे एक्स तुमसे कह रहा है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है कितनी थ्री ठीक है तुमसे कह रहा है एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू निकालो ये कैसे निकल सकती है ये कैसे निकल सकता है देखो अगर मैं अगर मैं क्या करूं मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओपॉइन एक्स दूं, क्या इससे ये निकल सकती है वैल्यू अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कर दूं, क्या इससे ये वैल्यू निकल सकती है सोच के देखो जरा क्या होगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन ओपॉइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब ये हो जाएगा ए क्यूब यानी कि एक्स की पावर सेक्स प्लस बी क्यूब यानी कि वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स ठीक है प्लस थ्री ए बी यानी कि थ्री इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपका एक्स स्क्टू बी की वैल्यू है अरे हो गया क्वेश्चन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्वेश्चन भाई अगर तुम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की होल क्यूब कर दोगे तो तुम्हें एक्स की पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू मिल जाएगी आ जाएगा और एक्स स्क्सॉन एक्स स्क्त निकालना तो तुम जानते हो अगर तुम्हें एक्स प्लस की वैल्यू दी हुई हो तो तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कहा गया भैया ये रहा अगर तुम्हें a प्लस वन ओपॉन ए दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस वन ओपॉइन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वन ओपॉन ए स्क्वायर डायरेक्ट ट्रिक से निकाल दो निकाल दो भाई देखो तुम्हें क्या दियो गिवन है तुम्हें गिवन है तुम्हारा एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्सॉन एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा का क्योंकि ए प्लस दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स दिया हुआ है तो minus two, ठीक है खत्म किस्सा देखो कितना आ जाएगा ये आ गया हमारा कितना आ जाएगा भाई ये हो जाएगा हमारा थ्री का स्क्वायर माइनस टू थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन माइनस टू करेंगे 7. तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्स आ गया सेवन ठीक है दोनों साइड होल क्यूब कर दो दोनों साइड होल क्यूब कर दो क्योंकि हमें यह बनाना है तो दोनों साइड होल क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की होल क्यूब इज इक्वल टू सेवन की होल क्यूब भैया सेवन की होल क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है जरा जल्दी से बताना सेवन की होल क्यूब की वैल्यू फोर्टी नाइन इंटू सेवन कितना होगा जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ इतने मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं एक्स स्क्ट के अंदर ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और सेवन के क्यूब की वैल्यू कितनी है सेवन के क्यूब की वैल्यू है थ्री फोर्टी थ्री बहुत बढ़िया चलो तो देखो सॉल्व हो गया क्वेश्चन

इधर जाकर माइनस का हो जाएगा अपने पास वैल्यू कितनी निकल निकल कर आ ये निकल कर आ आ गई गई ये हमारी डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताओ भाई किसी बालक को कोई दिक्कत अच्छा इसमें पोल नहीं लगाया था क्या हमने इसमें पोल नहीं लगाया था क्या हमने इसमें पोल नहीं लगाया था क्या हमने बेटा हेलो बफेलो स्टार्टिंग में ही अप्रोच लगा के देख ली थी ना, हमने तो हमने ज्यादा देर करी नहीं हमने शुरुआत में क्या करा हमने शुरुआत में ही देख लिया हमारा क्या काम हो सकता था स्टार्टिंग में देख लिया था हमने कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाए अगला क्वेश्चन देख ले चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भैया अगला क्वेश्चन हमसे कहता है अगर a प्लस बीज इक्वल टू सिक्स है और अगर ab की वैल्यू एट है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बच्चों वाला सवाल ऑप्शन बताओ जल्दी से कौन सा करेक्ट होगा आपका आपको दिया हुआ है क्या ए प्लस बी की वैल्यू सिक्स और आपसे पूछ रहा है ए बी की वैल्यू एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगा यह हो जाएगा ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बताओ भाई क्या होगा सिंपल सी चीज है देखो या तो तुम क्या करो तुम्हें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है तो या तो तुम इसे क्या करो या तो तुम इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ या तो तुम इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ ठीक है और या फिर तुम क्या करो तुम यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो दोनों तुम्हारे ऊपर है ठीक है या तो तुम इसका स्क्वायर करके ए प्लस बी के होल स्क्वायर करके क्या करो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और उसे यहां पर पुट करो नहीं तो तुम्हारा सिंपल सा देखो ये कर दो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बल्कि यहां पर हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा अगर मैं बना भी लेता हूं ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा नहीं ऐसे नहीं करते डायरेक्टली यहां से क्या कर लो ए प्लस बी दे रखा है सिक्स इज इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कितना सिक्स प्लस ए बी इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया थर्टी सिक्स माइनस ए बी और ए बी की वैल्यू कितनी है ए बी की वैल्यू है एट तो अपने पास आ गया कितना यह आ जाएगा अपने पास अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है अब तुम पूछोगे किसे बोल रहे हो धन्यवाद हमारे एक गुरु हैं वो घूमते घूमते आए हैं अभी चाय पकड़ाने तो बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं ठीक है भैया खट्टी मैगी लाए थे आप बहुत खट्टी। <laughs> आ भाई। तो देखो कितना हो जाएगा ये हो गया अपने पास ट्वेंटी सिक्स तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा थोड़ी है कराने को अब तो कर लो यार कौन से सर हैं जो आठवीं कक्षा को पढ़ा रहे थे आई एमओ के बैच में यानी कि हमारे आयुष सर हैं हाँ भैया देखो क्या आ जाएगा अपने पास अपने पास निकल कर आ गया अब सब कुछ तो आ गया अब क्या बच गया देखो ए प्लस बी की वैल्यू है सिक्स ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ट्वेंटी सिक्स निकाल चुके हो और माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है एट पूरे क्वेश्चन सारे मुझसे ही सॉल्व करवा लो है ना कुछ खुद मत करना कितना हो जाएगा भाई एक सेकेंड ओहो छब्बीस गलती से लिख दिया ट्वेंटी एट आएगा इतनी बड़ी बिलंडर मिस्टेक कैसे कर सकता हूं मैं इतनी बड़ी बिलंडर मिस्टेक देख रहे हो भाई सब जेल भेजा जाएगा।, जाएगा इसके बाद तो मुझे सही कह रहे हो आप ट्वेंटी एट माइनस कितना ए बी की वैल्यू है एट ठीक है तो ट्वेंटी एट माइनस एट कर लो कितना हो गया ट्वेंटी हो गया और ये हो जाएगा छुनी बारह एक सौ बीस ये लो आंसर अबे ऑप्शन भी नहीं दे रखा ये तो इतना गलत आंसर आ रहा है क्या ओ भाई ओ भाई ओ भाई इतना गलत आंसर कैसे आ रहा है भाई क्या गड़बड़ करी है भाई हमने एक सेकंड रुक जाओ जरा देखे जरा रुक जाओ जरा चेक करने दो क्या गड़बड़ करी है हमने हमने गड़बड़ क्या करी है हमें बी क्यूब दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो अपने पास कितना आएगा अपने पास आएगा ए प्लस बी की वैल्यू है सिक्स ए बी की वैल्यू है एट सॉल्व करने पर आ गया कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने करा तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स ठीक है ए बी की वैल्यू दूसरी तरफ गई तो ये हो गया माइनस एट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्स माइनस एट ट्वेंटी वैल्यू हमने यहां पर रखी ए प्लस बी की वैल्यू सिक्स रख दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ट्वेंटी एट है और ए बी की वैल्यू है माइनस एट वही गड़बड़ कहां है हो oh, हाँ oh. huh. तो भाई दिस इज व्हाट वी कॉल सिली मिस्टेक्स ठीक है दिस इज व्हाट वी कॉल सिली मिस्टेक जब हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने जाते हैं ठीक है मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है नो डाउट ठीक है और जब हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने जाते हैं तब हमसे ये होता है ठीक है अभी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी जैसे सर भी बैठे थे ठीक है और मैं भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में था तो मेरे लाल ए प्लस बी का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो वो ए बी थोड़ी आएगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व होके ए स्क्वायर प्लस टू ए बी नहीं आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और जो बालक कह रहा है संदीप चहल अरे सर आपको मैथ्स आती है क्या आपको ए प्लस बी का स्क्वायर भी नहीं आता ओ मेरे भाई चाचा इससे पहले हम पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ठीक है दूसरे चैप्टर का चौथा पांचवा क्वेश्चन चल रहा होगा इससे पहले हम पंद्रह क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ठीक है और वो कितनी बार लगाया हमने फॉर्मूला ठीक तो एक बार पहले बोलने से पहले सोच लिया करो ठीक है और दूसरी चीज क्या दूसरी चीज ये मेरे लल्लू लाल कि भाई गलती ह्यूमन से ही होती है ठीक है मशीन नहीं हूं मैं हो गया एरर तो हो गया चिल मारो आगे आ, आ जाओ ठीक है और सेम चीज तुम लोग भी एग्जाम में करके आते हो सेम चीज तुम लोग भी एग्जाम में करके आते हो दिक्कत है तो भैया प्रैक्टिस कर लो प्रैक्टिस कर लो सोच लो अगर मुझसे हो सकता है जल्दी जल्दी में तो तुमसे भी हो सकता है है ना अगर मुझसे हो सकता है तो जल्दी जल्दी में तुमसे भी हो सकता है ठीक है चलो तो आ जाओ जरा एक बार जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं अपने पास कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर ये हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस टू ए बी ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू है सिक्सटीन सॉरी ए बी की वैल्यू है एट टू तो ए भी कितना हो जाएगा सिक्सटीन तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर आ गया ट्वेंटी ठीक है तो ए स्क्वायर प्लस बी 20 अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं बचा आंसर निकाल लो तुम्हें तो क्या चाहिए था ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो देखो ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है हम निकाल चुके हैं ट्वेंटी माइनस ए बी की वैल्यू है एट तो अपने पास कितना आ गया सिक्स इंटू ट्व और सिक्स इंटू ट्वेल्व हो गया सेवेंटी टू तो हमारे पास आ गया सेवेंटी टू ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट सर यू यूज लॉन्ग मेथड ऋषभ इसके अलावा भाई मुझे तो कोई और मेथड इसका दिख नहीं रहा है अगर तुम्हें लगता है कि कोई और मेथड है तो तुम कर सकते हो वैसे ये वाला मेथड सही है चलो अभी भी केवल फोर्टी फाइव परसेंट बालकों ने आंसर इसका सही दिया है इस वाले क्वेश्चन में इतनी गलती कैसे कर दी यार तुमने ये तो इजी क्वेश्चन था हिमांश जय मुस्कान तेजवीर संदीप वंश सक्षम उत्कृष्ट युविक आयत और हेलो हां भाई इस क्वेश्चन में इतनी गलतियां कैसे कर दी तुमने सर ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब करोगे यार टाइम ज्यादा खा जाएगा वो तुमसे करके देख लो लो प्लस बी का होल क्यूब भी करवा देता हूं मैं तुम्हें ये देखो A plus B तुम्हें दे रखा है कितना ए प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना का क्यूब ठीक है तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी वैसे हाँ इससे भी कर सकते हैं सिक्स क्यूब की सिक्स की क्यूब कितनी हो जाएगी थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स 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 थर्टी सिक्स का सिक्स कैरी गया थ्री और ट्वेंटी 21. वन तो टू हंड्रेड ab बी की वैल्यू कितनी है भाई ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है सिक्स टू टू हंड्रेड सिक्सटीन तो अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी ये आ जाएगा हमारा कितना 48, 48 तो एट सिक्स तो और टू वन फोर्टी फोर तो वन टू हंड्रेड सिक्सटीन माइनस वन फोर्टी फोर करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया ये निकल कर आ जाएगा हमारा एस क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू टू और इलेवन माइनस फोर्टीन इलेवन माइनस फोर करेंगे तो आ गया सेवन और वन माइनस वन जीरो हाँ भाई इस तरीके से भी तुम कर सकते हो दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो ठीक है दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो तुम A +B की तुम्हें वैल्यू दे रखी है A +B की होल क्यूब कर दो देखो मैं तुम्हें बताता हूं कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादा लंबा पड़ जाता है यहां पर आपको ए प्लस बी की वैल्यू सिक्स दे रखी है छोटी वैल्यू दे रखी है ठीक है तो तुम आराम से निकाल पा रहे हो वैल्यू लेकिन अगर मान लो तुम्हें ये वैल्यू ना दे रखी होती ठीक है करने के तो इसे बहुत मेथड है जैसे तेजवीर सिंह ने अभी एक बता दिया कि सर ए बी इज इक्वल टू एट दे रखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स तो आप यहां से बी की वैल्यू निकाल लो उसके बाद ए और बी की वैल्यू को यहां पर पुट करके अलग से आंसर निकाल लो तो वैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है ठीक है लेकिन ईजिएस्ट मेथड या फिर जितनी जल्दी जो तुम्हारे दिमाग में उस टाइम पर सबसे पहले मैथड आ जाए तुम उससे सॉल्व कर देना ठीक है सीधी सी बात है ठीक दो मैथड कर लिया हमने अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इफ आपको गिवेन है पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू टू तो कह रहा है कि भैया p अपॉन क्यू की पावर 23 और q अपॉन पी की पावर 7 की वैल्यू निकालो बहुत इजी क्वेश्चन है ये ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है तुम लोगों के पास 45 फाइव सेकेंड है आंसर बताओ जल्दी से बहुत 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 ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये तुम लोग जब सॉल्व करोगे तुम्हें पता लगेगा डायरेक्ट एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो डायरेक्ट एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो और जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है डायरेक्ट एलसीएम लेकर सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है हुआ क्या सॉल्व बी सी डी जरा हम भी सॉल्व करके देखें जरा क्या आंसर आ रहा है ियल में इतनी गलती कैसे कर रहे हो तुम लोग देखो तुम्हें एक मैंने तुमसे बोला डायरेक्ट इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो देखना जरा क्या आएगा? पी स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन कितना पी क्यू इज इक्वल्स टू टू ठीक है पी क्यू को इधर भेज दो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू पी क्यू ठीक है

जीरो, ठीक है क्या आ जाएगा तुम्हारे पास पी माइनस क्यू इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा किसके जीरो के इक्वल? आ जाएगा पी इज इक्वल टू निकल कर आ गया क्यू के पी इज इक्वल्स टू क्यू आ गया क्या निकालना था तुम्हें क्या निकालना है भाई पी अपॉन क्यू की पावर ट्वेंटी थ्री प्लस अपॉन क्यू की पावर सेवन सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा देख लो भैया p की वैल्यू क्या है पी इक्वल टू है q के तो ये तुम्हारा हो जाएगा p p q की जगह पर भी रख देंगे 23 प्लस यहां पर ये q अपॉन p है गलती से मैंने. q अपॉन p ठीक है और यहां पर भी q की जगह पर क्या रख देंगे p रख देंगे तो p अपॉन p कैंसल आउट हो गया सॉल्व कर लो आंसर निकल कर आ जाएगा कितना पी वंजा पी P, वन जा पी, पर पावर सेवन है ठीक है one की पावर कितना हो जाएगा one, one की पावर कुछ भी ले लो वन ही होता है और वन की पावर सेवन कितना हो जाएगा one. तो one plus one कितना हो गया टू क्वेश्चन सॉल्व आंसर आ गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा किसी बालक को कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बालक को कोई दिक्कत यहां पर जल्दी से बताओ किसी भी बालक को कोई भी दिक्कत सर थोड़ा स्पीड अप करिए हाँ यार ये वाला चैप्टर काफी स्लो हो गया यार ऑप्शन सी कहां से आ रहा था भाई तुम्हारा माइनस टू कहां से आया भाई माइनस टू कहां से आया तुम्हारा

तुम उस वैल्यू को यहां पर रखते तब मैं एक बार को बोल सकता हूं कि माइनस टू वैल्यू आ जाती अगर तुम्हारी पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी की वैल्यू माइनस टू होती तब इसकी वैल्यू माइनस टू आ सकती थी लेकिन भाई अभी तो टू ही आएगी मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा माइनस टू आते हुए मुझे तो कहीं से नहीं दिख रहा ऋषभ कह रहा है मैंने भी दिया था भाई वो कंप्यूटर महोदय जो है ना वो कर नहीं पाए तुम्हारा वो आंसर एक्सेप्ट ठीक है पता नहीं कैसे आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है देखो भाई अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं इसके एक दो तीन चार पांच यार बहुत क्वेश्चन बचे हैं अभी तो इसके जल्दी सॉल्व करो यार जल्दी जल्दी करो ऐसे थोड़ी काम चलेगा ये कह रहा है इफ इज 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 टू डिवाइडेड बाय व्हाट द रिमाइंडर इज द रिमाइंडर डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगी यहां तो तो ये डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है क्या हो जाएगा भाई देखो तुम्हारा है क्या इज टू प्लस फाइव एक्स माइनस फोर ठीक है सिंपली तुम्हें क्या बोल रहा है तुम्हें बोल रहा है कि भैया ये x 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि अगर पोल आ जाएगा आंसर करते रहो कमेंट में कि अगर तुम किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, होता है A, तो, है? है, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा पॉलिनोम में एक्स की जगह पर टू रख दो माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू माइनस फोर तो अपने पास कितना हो गया टू क्यूब हो जाएगा टू इंटू टू क्यूब हो गया हमारा कितना सिक्सटीन माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर माइनस फोर इंटू थ्री कितना हो गया ट्वेल्व प्लस टेन माइनस फोर तो माइनस ट्वेल्व माइनस फोर हो जाएगा कितना माइनस सिक्सटीन माइनस गया आंसर टेन ठीक है अपने पास आंसर निकल कर आ गया टेन ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट चलो जी कहानी को आगे बढ़ाते हैं अब थोड़ा तेज तेज चलेंगे आप क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है Clear हो गई बात सारे बालकों का ऑलमोस्ट सही है 97 परसेंट बालकों का सही है ठीक है यूवेक्स हेलो कोबरा दशेत प्रिंस ग्लो सक्षम अनिल न्यूटो और हमारा प्रिंशू बहुत सही ठीक है, है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है थोड़ा तेज चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी सॉरी देखो भाई हमें क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्व टू जीरो प्लस बी होल स्क्वायर स्क्स बी प्लस सी होल स्क्वायर स्क्त बी सी प्लस सी प्लस है इसकी वैल्यू बताओ देखो डायरेक्ट तुम्हें बता रहा हूं यहां से अपना ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए की वैल्यू निकाल लो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म ठीक है तुम्हें दिया हुआ है क्या तुम्हें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वस टू जीरो ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वस टू हो जाएगा माइनस सी बी प्लस सी कितना हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वस टू हो जाएगा माइनस ए और सी प्लस ए कितना हो जाएगा सी प्लस ए इज इक्व टू हो जाएगा माइनस बी ठीक है तीनों वैल्यू निकाल ली यहां रखकर आंसर निकालो ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी ठीक है जल्दी से ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी बेटा तुम लोगों के जो पहले जो बच्चे बोल रहे ना सर मैंने सबसे पहले आंसर दिया था बेटा तुम्हारे सबसे पहले आंसर अगर तुम पोल के बाद सबसे पहला पोल स्टार्ट होने के बाद जो सबसे पहला आंसर देता है उसका आंसर पहले काउंट हो जाता है तो अगर तुमने पोल शुरू होने से पहले ही आंसर दे दिया होगा तो बेटा काउंट नहीं हो पाया होगा ना तो कभी कभी ऐसा हो जाता है सॉरी फॉर दैट बट जल्दी से आंसर करो और जल्दी से मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ठीक है देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है हमें पता लग गया ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी हमारा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस सी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी की वैल्यू है माइनस सी बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है माइनस ए और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है माइनस बी ठीक है इसे सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है ऑप्शन ए बी सी फिर डी ऑप्शन ए बी सी फिर डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से बताओ बोलो बोलो जल्दी बोलो मन के राज खोलो एक सेकंड चलो देख लो भाई इजी क्वेश्चन है ठीक है क्या आएगा ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी की वैल्यू है हमारी माइनस सी और अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी ठीक है बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है बी प्लस सी की वैल्यू है हमारी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी और हमारा सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है सी प्लस ए की वैल्यू है हमारी कितनी माइनस बी तो होल स्क्वायर अपॉन टी ए ठीक है सी ऑप्शन नंबर थ्री वी कैन यूज थ्री ए बी सी फॉर्मूला वी कैन यूज दैट ऑल्सो बिल्कुल सही बोल रहा है वो बालक कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि थ्री ए बी सी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन उससे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उससे टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा अब तुम बस इसे सॉल्व करो एलसीएम निकालो और तुम्हारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी सीधा सीधा कितनी देखो सॉल्व करके देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस हमारा कितना बी स्क्वायर अपॉन सी ए ठीक है तो यहां पर डायरेक्टली अपने पास कितना आ जाएगा यहां पर डायरेक्टली अपने पास आ जाएगा देखो यहां पर डायरेक्टली हमारे पास निकलकर आ जाएगा एलसीएम लेंगे एलसीएम आ जाएगा ए ठीक है यहां पर ए बी एस सी नहीं है सी की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब तुम्हें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर एबीसी इज इक्वल टू जीरो हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमने पढ़ा था ये होती है थ्री एबीसी तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री ए बी सी अपॉन में एबीसी पहले से है एबीसी से एबीसी कैंसिल आउट हो गया वैल्यू बची थ्री तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन है हो गया सबका क्लियर जल्दी से बताओ सक्षम एटी uh, नाइन परसेंट बालकों ने सही जवाब दिया सक्षम न्यूटू संजय दीपू हेलो मिस्टीरियस शबनम आयत राघवेंद्र यश ठीक है आई होप ज्यादातर बच्चों का नाम आ रहा होगा ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है सर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए टिप्स दे दो विवान यार देख कैलकुलेशन फास्ट करने का एक ही तरीका है uh, मैं तुझे बोलने लगूं कि भाई रात को बादाम खाने लग भिगो के पानी में तो सुबह कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी ऐसा नहीं होता ठीक है सीधी सी बात है कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका यही है कि प्रैक्टिस करनी है चाहे रोज आधा घंटा दो ठीक है रोज आधा घंटा अच्छे अच्छे लेवल बड़े बड़े नंबर्स की तुम कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करो पहले तुम थोड़े छोटे नंबर्स की प्रैक्टिस करो जैसे थ्री डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो ठीक है उनकी सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करो, करो तुम कहोगे सर ये तो बच्चों वाली चीज बता रहे हो पांचवी क्लास में करते थे बेटा अगर पांचवी में ढंग से कर लिया होता ना तो अभी यह जरूरत नहीं पड़ती करने की ठीक है क्योंकि मैंने खुद ने यह गलती करी थी इसीलिए मैं बता रहा हूं ठीक तो आधा घंटा दो खुद को खुद को आधा घंटा दो और आधे घंटे बस ये बेसिक बेसिक चीजें करो पहले थ्री डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करके देखो उसके बाद फोर डिजिट नंबर पे जाओ उसके बाद फाइव डिजिट नंबर पे जाओ तो धीरे धीरे जो तुम्हारी कैलकुलेशन है उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तुम बड़े से बड़े से से नंबर्स को आराम कैलकुलेट कर पाओगे ठीक है डिवाइड कर पाओगे ऐड कर पाओगे मल्टीप्लाई कर पाओगे लेकिन ये सबसे बढ़िया चीज है मैं बता रहा हूं सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हर रोज आधा घंटा अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन डिविजन एडिशन और सब्ट्रेक्शन की प्रैक्टिस है ये कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इफ आर टू आर इज इक्वल टू एच प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ आर रेशियो एच ठीक है ये क्वेश्चन भी बढ़िया है जल्दी से आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन अच्छा है ये जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी <coughs> <coughs> बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी फिर डी देख ले जरा एक बार तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे रूट वाली साइड को अकेला करेंगे ठीक है तो अपने पास आ गया टू आर प्लस एच को उठाकर अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो ठीक है दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो ठीक है यहीं पर स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा देखो ये हो जाएगा टू आर माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कितना या फिर ऐसा कर ले इसे हाँ वही करते हैं इससे फालतू में कॉम्प्लिकेटेड होगा एक काम करो टू आर माइनस एच इज इक्वल टू यहां से एच कॉमन लो तो ये होगा एच कॉमन लिया तो एच स्क्वायर कॉमन ले लो ये बनेगा आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस वन ठीक है अब ये एच तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि हमें आर और एच का रेशियो तो चाहिए ही हमें आर और एच का रेशियो तो चाहिए ही तो आर माइनस एच यहां से एच स्क्वायर रूट से बाहर आ गया स्क्वायर इज टू आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्न ठीक है एच को इधर डिवाइड में भेज दो दो तो ये हो जाएगा अपॉन अपॉन इज टू स्क्वायर स्क्वायर प्लस क्या कर दो? दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दो स्क्वायर रूट, कर रूट करोगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू आर अपॉन एच माइनस वन का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा कितना फोर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना तो माइनस टू इंटू टू आर अपॉन एच इंटू वन यानी कि होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वन ठीक है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को उठाकर इधर ले आओ अपने पास कितना हो जाएगा फोर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस

यहां से क्या होगा भाई यहां से फैक्टर हो जाएंगे यहां से फैक्टर हो जाएंगे कैसे आर अपॉन एच कॉमन आ जाएगा आर अपॉन एच अगर तुम कॉमन ले लेते हो तो यहां से अपने पास अंदर बचेगा कितना थ्री आर अपॉन एच माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो तो एक तो आर अपॉन एच की वैल्यू आएगी जीरो एक तो आर अपॉन एच की वैल्यू आएगी जीरो और दूसरी क्या हो जाएगी दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारी या फिर देखो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं देखो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो क्या करेंगे को दूसरी साइड ले जाएंगे फिर से कट जाएगा तुम्हारे पास एक वैल्यू आ जाएगी लेकिन ऐसा ज्यादातर हमें नहीं करना होता ध्यान रखना क्योंकि यहां से आर अपॉन एच की दो वैल्यू आएंगी जिनमें से एक को हम काउंट ही नहीं करेंगे वो बात और है ठीक है आर अपॉन एच जीरो हो गया दूसरा थ्री आर अपॉन एच माइनस फोर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर कर देता हूं थ्री 3r upon h minus 4 is equals to 0 करोगे तो तुम्हारे पास r upon h की वैल्यू आ गई 4 upon 3 यानी कि r रेशो h हो गया हमारे पास 4 रेशो 3 क्रम क्वेश्चन ठीक है तो 4 रेशो 3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत यहां पर किसी को कोई दिक्कत यहां पर सर रूट को स्क्वायर में भी तो भेज सकते हैं बेटा वो देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट स्क्वायर करने का मतलब वही हुआ ना महेश गुप्ता ठीक है आदित्य यादव कह रहा है गलत है सर थ्री आर होगा कहा थ्री आर होगा भाई थ्री आर ही तो लिखा है मैंने चेंज कहां करा है थ्री आर कहा नहीं लिखा एक बात तो बता मुझे कहा नहीं लिखा मैंने थ्री आर मुझे समझ नहीं आ रहा थ्री आर कहां होगा थ्री आर आदित्य एक बार देख ले ढंग से आदित्य कह रहा है कॉमन गलत किया है कॉमन गलत किया है कहां गलत किया है भाई कॉमन यहां कॉमन लिया है हमने कॉमन यहां से अपॉन एच कॉमन लिया है तो यहां पर थ्री आर अपॉन एच है यहां पर हमारा फोर बचा चलो हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो भैया देखो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया अब अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या कह रहा है आप थोड़ा जल्दी चलेंगे ठीक है क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ के अब भैया ये तो बच्चों वाला सवाल है अगर एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू अगर x माइनस ए किसी पॉलिम पी एक्स का फैक्टर होता है तो पी एज इक्वल टू जीरो होता है 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 ना x -2 किसी का फैक्टर होता है, तो P A equals to 0 होता है तो अगर हाँ भाई इसका रिजल्ट बालक बोल रहे हैं कि सर पोल का रिजल्ट तो दिखा दो तो ऑप्शन ए करेक्ट था पिछले क्वेश्चन का आंसर 84 परसेंट बालकों ने सही जवाब दिया सक्षम हेलो सक्षम द्विवेदी न्यू टू पीयूष राघवेंद्र सुमन कुमार नितिन और शबनम निजामी बहुत बढ़िया बेटा अब देखो यहां पर यह कह रहे हैं कि एक्स माइनस टू जो है वो पी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री एक्स टू दी फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस के का क्या है के का एक फैक्टर है तो अगर एक्स माइनस इसका एक फैक्टर होगा तो तुम्हारा के की वैल्यू क्या होगी बताओ जल्दी से सॉल्व करके आंसर दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी क्या होगी भाई के की वैल्यू डी बता रहे हैं बालक है भाई डी होगी क्या जरा सोच समझ के आंसर देना चलो देख लेते हैं जरा मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया कि x माइनस टू अगर इसका फैक्टर है यानी कि आपका पी टू जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा क्योंकि फैक्टर जो हम बोलती है कि अगर x- माइनस ए किसी पॉलिनामियल का फैक्टर है px का तो पी ए इज इक्वल टू जीरो ले लो महेश गुप्ता गारंटी के साथ बोल सकता है तो इस पूरे पोलिनोम में हम क्या करेंगे x की जगह पर टू रख देंगे तो थ्री इंटू टू की पावर फोर माइनस टू इंटू टू की पावर थ्री प्लस सेवन इंटू टू की पावर टू माइनस ट्वेंटी वन इंटू टू प्लस के ठीक है इसे उठाकर क्या करो जीरो से इक्वेट कर दो K की वैल्यू निकल कर आ जाएगी देख लो भाई टू की पावर फोर हो गया सिक्सटीन ठीक है सिक्सटीन थ्री 48, माइनस टू की पावर थ्री हो गया एट एट टू जावन जाट माइनस ट्वेंटी वन इंटू टू फोर्टी टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो अपने पास कितना आ जाएगा फोर्टी एट प्लस ट्वेंटी एट कितना हो गया तुम्हारा फिफ्टी सिक्स सेवनटी सिक्स सेवेंटी सिक्स और फोर्टी टू माइनस माइनस फोर्टी टू कितना हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा फिफ्टी एट तो भैया सेवेंटी सिक्स माइनस फिफ्टी एट कर लो सेवेंटी सिक्स माइनस फिफ्टी एट कितना आ रहा है सेवनटी सिक्स माइनस फिफ्टी एट करेंगे तुम्हारे पास 18 इधर चला जाएगा k की वैल्यू आ गई माइनस एटीन खत्म क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं सवाल देखो अगला क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी माइनस एटीन इज एब्सोल्युटली करेक्ट आगे का सवाल देखो क्या कह रहा है हमसे चलो 82 टू परसेंट बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रांशु एमडी श्रेड सक्षम यूविक्स स्प्लैशो अंशुमन दशेत ठीक है सक्षम शालिनी और अपना सुमन कुमार मिश्रा बहुत बढ़िया क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात महेश बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया के का मान आ गया माइनस एटीन ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं दो क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा अगर टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो है देन एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब प्लस सेवनटीन सॉरी प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू इजी क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है जल्दी से आंसर बताओ तुम लोग दिमाग लगाओ नहीं तो मैं दिमाग लगवाता हूं तुम्हारा जल्दी बताओ आंसर क्या होगा तुमसे इसने पहले ही बोला है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जीरो बी क्यूब प्लस सी क्यूब और तुम्हें दे भी रखा है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो तो पूरा का पूरा इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये पूरा का पूरा इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा देख लेना चाहे तो करके देख लो देखो ये क्या बनेगा तुम्हें दिया हुआ है एट एक्स क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब तो इसे डिवाइड करना है किससे एक्स वाई जेड से है ना तो अपने पास कितना आएगा भाई जब तुम इसे एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे कितना निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा देखो इसे मैं लिख सकता हूं कितना एट एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूं टू एक्स की होल क्यूब क्योंकि एट को मैं लिख सकता हूं टू क्यूब क्यूब इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा टू एक्स की होल क्यूब सेम ट्वेंटी सेवन को मैं लिख सकता हूं थ्री क्यूब थ्री क्यूब इंटू वाई क्यूब कितना हो गया? 3Y Z अब तुम खुद देखो. क्या बचा क्या बचा टू एक्स क्यूब प्लस थ्री वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो टू एक्स क्यूब प्लस थ्री वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू जब टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो हो क्या हो जाएगा ये होती है तुम्हारी थ्री एक्स वाई जेड या फिर थ्री ए बी सी तो थ्री ए की जगह पर है टू एक्स बी की जगह पर है कितना थ्री वाई और सी की जगह पर है जेड अपॉन में कितना आ गया एक्स वाई जेड सॉल्व कर लो 3 2 जा, 6 3 जा 18 18 एक्स वाई जेड तो अपने पास आ गया 18 एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड ठीक है एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड खत्म 18 आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट यार इतनी तेज तेज कैसे चलेंगे हम अभी तो बहुत स्लो चल रहे हैं भाई सात साढ़े सात हो गए दूसरे चैप्टर खत्म हुआ है ऐसे कैसे काम चलेगा साढ़े तीन घंटे में दो ही चैप्टर हैं, तेज चलना पड़ेगा ना जल्दी से बताओ तेज चलना पड़ेगा ना हा भाई तेज चलना पड़ेगा आप रॉन्ग हैं। यार ये बीच बीच में ये वाली हरकतें मत किया करो आधा टाइम तो इसमें चला जाता है।, है ये बीच बीच में ये वाली हरकतें मत किया करो ऑप्शन सी एप्सल्यूटली करेक्ट सक्षम मोनी कुलदीप दशेषाली गोडलशाइन न्यूटू सुमन कुमार स्प्लैश ऑफ सक्षम भैया ये सारे दस ही बालक ये जो टॉप टेन बालक है यही जल्दी आंसर देते हैं क्या है जल्दी कर लो यार और भी बालक आंसर दो ऐसे थोड़ी काम चलेगा है भाई शिवम गुप्ता ऐसे कौन से थोड़ी काम चलेगा मुझे खाली फेवरेट टीचर बनाने से थोड़ी काम चलेगा तुम्हारा कह रहे हैं सर यू आर माय फेवरेट टीचर अरे भैया हमें खाली फेवरेट टीचर बनाने से काम थोड़ी चलेगा

देर नहीं लगनी चाहिए देखो मैं बता रहा हूं या तो, तो तुम ट्रिक व्रिक लगा लो जो तुम्हें लगानी है वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं तो बहुत जल्दी हो जाएगा ठीक है बहुत-बहुत ये कितना हो जाएगा पी अपॉन पी निकालना है पी अपॉन पी माइनस वन अपॉन पी तो पी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एलसीएम ले सॉल्व कर लो आंसर निकल कर आ गया बच्चों वाला सवाल था तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया तुम्हारा एक्स इन

टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्वेश्चन खत्म इससे ज्यादा सॉल्व हो ही नहीं रहा है ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो बालक पूछ रहे हैं सर पोल कैसे ज्वाइन करें बेटा पोल को ज्वाइन वो नहीं करना है तुम्हें बस कमेंट में अपना ऑप्शन जो तुम्हें सही लगता है कि ए सही है बी सही है सी सही है या डी सही है बस कमेंट में वो ऑप्शन डालना है कि ए बी सी या फिर डी खत्म ठीक है चलो भैया हमारे जो यहां पर कंप्यूटर भैया बैठते हैं वो करेक्ट कर लेंगे ये रहे कंप्यूटर भैया ये कलेक्ट कर लेते हैं सारा सारा कलेक्ट कर लेते हैं ये ठीक है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है ठीक है और इस क्वेश्चन के साथ पॉलिना भी अपना कंप्लीट हो गया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा एक बार पहले यह बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा डी के किंग वंश ऑलराउंडर शालिनी प्रसाद न्यूटू राघवेंद्र गर्व आयत आदित्य अपूर्व रंजन ए बताओ पहले तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है शादी कब करेंगे सर अनिल पाठक कह रहे हैं शादी कब करेंगे सर देखो कितना जरूरी सवाल पूछा है आईएमओ के एग्जाम में यही सवाल आएगा सबसे पहले देखो हम बताते हैं हम कब शादी करेंगे इधर आओ कान की बात है इधर आओ इधर आओ इधर आओ क्यों बताए भाई रसगुल्ले खाने हैं तो हमारी शादी में है रसगुल्ले कम पड़ गए तो हम नहीं कर रहे अभी अभी तो कोई प्लान नहीं है है ना अभी तो कोई प्लान नहीं है जब करेंगे देख लेंगे ठीक है प्रभु की इच्छा है यहां ये नहीं पता कि भाई आदमी का कल क्या होगा तुम्हें तो शादी के चक्कर में लगे वो आए भैया बहुत सारी जगह है जहां अभी घूमे भी नहीं है यार दुनिया जमाना घूम तो ले पहले है ना चलो भाई तो जल्दी से बताओ अभी तक सब क्लियर हो गया कि नहीं अभी तक जितना पढ़ाया सबको समझ में आया कि नहीं अगर मजा आया तो एक बार फायर इमोजी दिखा दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से सर एनएसओ के लेक्चर कब आएंगे बेटा एनएसओ को लेक्चर जब साइंस के शायद कल ही है आ, रुक जाओ मैं देख लेता हूं एक बार तुम लोगों को प्लानर भी बता दू मतलब वो भी बता दूंगा कि मैं कब है तुम्हारा अगला लेक्चर किसका है अगला लेक्चर अगर हम बोले तो किसका है लेट मी चेक लेट मी चेक, गिव मी वन लेट मी 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 चेक चेक गिव वैसे हो, वैसे हो तुम्हें कम्युनिटी टैब में पता चली जाएगा है ना वैसे हो तुम्हें कम्युनिटी टैब में पता चली जाएगा बट कल तो देखो नहीं है क्योंकि कल तो संडे है ना आया कल तो छुट्टी है कल तो छुट्टी है लेकिन परसों परसों जो है वो तुम्हारा लेक्चर है मंडे में ठीक है मंडे में तुम्हारा लेक्चर होगा केमिस्ट्री का चेमिस्ट्री का चेमिस्ट्री का कैसे करे गुरुजी हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं सूरज कुमार तो बेटा पढ़ाई लिखाई करो भाई सरकारी स्कूल वाले बालकों को तो वैसे भी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है पॉलिनोमियल कब पॉलिनोमियल कब बेटा आयुष ये देख रहे हो दिस 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 यू आर सींग दिस दिस इज दॉली हम आगे जा रहे हैं अब हम आगे जा रहे हैं अब और अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ठीक है, बिरेक चाहिए या नहीं बताओ भाई बिरेक चाहिए या नहीं अगर चाहिए तो यस और अगर नहीं तो नो। जल्दी बताओ बिरेक चाहिए कि नहीं बताओ 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 ब्रेक दे या नहीं दे अभी तो बहुत सारे चैप्टर बचे हैं भाई चार चैप्टर बचे हैं लेकिन चार में से तीन चैप्टर बहुत छोटे हैं चार में से तीन चैप्टर बहुत छोटे हैं कौन से तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लीनियर इक्वेशन वेरिएबल और तुम्हारा हीरोन्स फॉर्मूला तीनों बहुत छोटे चैप्टर हैं ठीक है थीके? जो चैप्टर अब बड़ा आएगा वो आएगा सीधा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दो बड़े चैप्टर तुम्हारे खत्म हो चुके हैं ठीक है थीके? अब जो बड़ा चैप्टर आएगा वो सीधा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होगा ठीक है सिक्सटी वन परसेंट बालक बोल रहे हैं नहीं क्या कोई जरूरत नहीं है सर देने की ब्रेक कोई जरूरत नहीं है ठीक है कोई जरूरत नहीं है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरे मेरे लल्लू लाली तो चल रहे हैं बेटा देखो ओलंपियाड या फिर जो तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना ओलंपियाड या फिर जो तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना उन सब में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आज के सेशन में हम खाली प्रीवियस ईयर की ही बात कर रहे हैं ठीक है तुम लोगों को ब्रेक तो चाहिए नहीं मुझे तो चाहिए भाई तो पांच मिनट का ब्रेक ले, ले लेते हैं मैं थोड़ा गले की शांति दे देता हूं पांच मिनट के लिए और फिर वापस से स्टार्ट करते हैं ज्यादा नहीं सिर्फ पांच मिनट जा कहीं नहीं रहा मैं यही हूं ठीक है तुम लोग और मैं बात कर सकते हैं आपस में किसी को कोई बात बात करनी है पांच मिनट का ब्रेक है किसी को बात बात करनी है आराम से बात बात कर सकते हो तुम तो मुझसे कहीं नहीं जा रहा मैं यहीं पे हूं ठीक है तो बढ़िया बात बात कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई पूछना है किसी को कोई परेशानी है किसी की जिंदगी में कोई दुख दर्द पीड़ा व्यथा वेदना कुछ है तो पूछ लो भाई है ना तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ आदित्य भाई बोलो 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 क्या बात करनी है तुम्हें सर विच एंड बुक वी शुड रेफर आई थिंक यू कैन रेफर पीडब्ल्यू मॉड्यूल ठीक है इफ यू वॉन्ट टू ठीक है और नहीं तो देख लो यार मतलब आई एम ओ के नाम से बहुत सारी बुक्स आती हैं वो रेफर कर सकते हो तुम प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं प्रीवियस सेट आते हैं वो रेफर कर सकते हो तुम ठीक है बेटा प्रिंशु त्रिपाठी एक बार उस क्वेश्चन को खुद से करके देखना ठीक है एक बार उस क्वेश्चन को खुद से करके देखना तभी मजा आएगा सर आपने शेव को किया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सेलो वाले ने भी मुझसे यही पूछा था जब मैं गया था शेव कराने तो उन्होंने बोला कि भैया क्या किसी से लड़वड के आयो क्या मैंने कहा कोई है ही नहीं लड़ने के लिए दिल का दरिया बह ही गया तो कहा कि ठीक है भैया समझ सकता हूं मैं आपका दुख तो उसने ऐसी काट दिया थे। कोई नहीं आप बताओ सर मुझे आई ओ क्यू एम फोड़ना है अच्छी बात है भाई फोड़ो मैं तो कह रहा हूं जाओ फोड़ो नाम रोशन करो सुनील भैया को बुलाओ सुनील भैया कहीं बाहर घूम रहे होंगे यार सुनील भैया को कहां से बुलाओ पाला कह रहे हैं पॉलिनोमियल का लीडर बोर्ड दिखा दो आ जाओ इतने चलो पॉलिनोमियल का लीडर बोर्ड देख लेते हैं आओ दिखाओ लीडर बोर्ड देखते हैं पॉलिनोमियल जब तक खत्म हुआ है जब तक पॉलिनोमियल खत्म हुआ है तो ये लीडर बोर्ड है आयत फातिमा वंश प्रताप स्प्लैश ऑफ जे पंत प्रिंशु प्रसाद और हिमांश युविक्स सुमन कुमार दीपू बहुत बढ़िया भाई ये अभी पॉलिनोमियल जहां तक खत्म हुआ है वहां तक का लीडर बोर्ड था ये ठीक है चलो तो एक काम करते हैं दो मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूँ ठीक है दो मिनट में तो वापस स्टार्ट करना ही है दो मिनट छत्तीस सेकेंड है अपने पास ही तुम लोग इतने जल्दी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है निकाल लो पेपर पेन निकाल लो क्योंकि कोऑर्डिनेट क्यों ज्योमेट्री हमें करनी है तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ठीक है तैयार हो सारे बालक रेडी रहो बस अब, अब अब आ रही है नहीं आ रही आवाज चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत सही बहुत सही चलो तो अब देखो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं हम ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वैसे तो देखो ये तुम्हारा एक चार्ट पूरा का पूरा यहां पर बना हुआ भी है ठीक है बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मुझे अपने तरीके से बताने में थोड़ा ज्यादा मजा आता है ठीक है मैं एक पेज पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चार्ट, पूरा चार्ट मतलब चैप्टर पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूं और मुझे ही मजा आता है तो वैसे ही करते हैं ठीक है ना वैसे ही करते हैं ठीक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखो बेसिकली हम करते क्या है हम एक पॉइंट की पोजिशन को पता करते हैं विद हेल्प ऑफ कार्टिशन सिस्टम ठीक है जिसमें हम क्या करते हैं हम दो एक्सेस बनाते हैं जो दो एक्सेस कुछ नहीं होती हमारी क्या होती है नंबर दो नंबर लाइंस होती है ठीक है ये दो एक्सेस कुछ नहीं होती हमारी दो नंबर लाइंस होती है एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजोंटल ठीक है एक होती है वर्टिकल और दूसरी होती है आ जाओ भाई साहब दोनों उठ के इधर आ जाओ ठीक है तो एक हो गई वर्टिकल और दूसरी हो गई हॉरिजॉन्टल ठीक है हमारी एक वर्टिकल नंबर लाइन होती है और दूसरी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है जिसमें से हमारी जो ये वर्टिकल वाली नंबर लाइन होती है इन्हें नाम दे दिए जाते हैं इन नंबर लाइंस को हम नंबर लाइंस ना बोलकर हम बोलते हैं कार्टिशियन एक्सेस क्या बोलते हैं भाई हम बोलते हैं कार्टिशियन एक्सेस क्या बोलते हैं कार्टिशियन एक्सेस जहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है जो लेटी हुई एक्सेस होती है ठीक है इसे हम बोलते हैं एक्स ठीक है और ये जो खड़ी एक्सेस होती है इसे हम बोलते हैं वाई ठीक है क्या बोलते हैं वाई एक्सेस ठीक आपके ये जो दोनों एक्सेस हैं ये एक दूसरे को नाइंटी डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं याद रखना हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं ठीक है हमेशा याद रहेगा ठीक है अब इसके अलावा ठीक आपका जहां पर ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को जहां पर ये दोनों लाइंस या फिर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ कमेंट्स में उस पॉइंट को क्या बोलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन ठीक है क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं ठीक है ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर जो एक्स एक्सेस होती है ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर जो एक्स होती है, उसे हम बोलते है क्यों? क्योंकि यहां पर सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं ठीक है ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पर आपके जो नंबर आते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सेस ठीक है तो ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सेस होती है और वहीं पर ये हमारी पॉजिटिव ठीक क्लियर हो गई बात सेम इसी तरीके से ओरिजिन के ऊपर की तरफ जो वाई एक्सेस होती है वो पॉजिटिव होती है ठीक है ये आपकी पॉजिटिव होती है और ओरिजिन के नीचे की तरफ जो आपकी वाई एक्सेस होती है वो आपकी नेगेटिव होती है ठीक है, सबको क्लियर है कितने घंटे की मैराथन है और कितने पार्ट होंगे ये कितने घंटे की मैराथन देवर्ष ये ऑलमोस्ट छह घंटे की मैराथन होगी और यहां पर आपके जो पार्ट होंगे वो होंगे दो एक आज है एक अब से चार दिन बाद होगा मतलब थर्सडे में होगा पांच दिन बाद होगा ठीक है तो अभी आ जाओ यहां पर ठीक अब यहां पर आपका किसी भी पॉइंट की पोजीशन का अगर मुझे पता लगाना है तो वो कैसे लगता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं कौन सी दो चीजें चाहिए होती हैं भाई हमें दो चीजें चाहिए होती हैं एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट और एक उसका वाई कोऑर्डिनेट। क्या चाहिए होता है एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है क्या चाहिए होता है भाई हमें किसी भी पॉइंट की पोजिशन का पता लगाने के लिए दो चीजें चाहिए होती है एक एक्स कॉर्डिनेट और एक वाई कॉर्डिनेट ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना इंपॉर्टेंट है ठीक है क्या चाहिए होते हैं भैया एक एक्स कॉर्डिनेट और एक वाई कॉर्डिनेट जिसमें से ये जो एक्स कॉर्डिनेट है इसका भी एक नाम है भाई ठीक है ये हमारा होता है क्या है सबसे पहले ये देखो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से पॉइंट का जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह उसका एक्स कॉर्डिनेट होता है ठीक है जैसे यह पॉइंट है ठीक है यह वाई एक्सिस से कितनी दूर है इतनी दूर है ठीक है वाई एक्सिस से कितनी दूर है इतनी दूर है अब यह कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी दूर है आप या तो इसकी वैल्यू निकाल लो या फिर यहां से क्या करो यहां से आप y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो मतलब x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दो तो जहां पर ये x एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा इसका क्या वो पॉइंट हो गया x कोऑर्डिनेट ठीक है और तुम देख सकते हो ये भी क्या है ये भी तुम्हारा क्या है ये भी तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस है ये वाई एक्सिस है पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस तो ये और ये पार्ट बिल्कुल सेम है ठीक है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस ठीक है तो ये चीज याद रखना ठीक डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस सॉरी x कोऑर्डिनेट हो गया डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस वहीं पर अगर हम बात करें y कोऑर्डिनेट की तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई y कोऑर्डिनेट होता है तुम्हारा किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस सेम उल्टा कर दो बस एक्स कॉर्डिनेट क्या है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस और पॉइंट तो यह रहा इसका एक्स एक्स से डिस्टेंस कितना है भाई ये रहा डिस्टेंस तो या तो यह निकाल लो या फिर यह निकाल लो और यह कैसे पता चलेगा ये दोनों बिल्कुल सेम है और यह कैसे पता चलेगा वाई कॉर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं हम पॉइंट से वाई एक्सेस पर पर्पेंडिकुलर डालते हैं

ठीक है एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एप और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं हमारा क्या हमारा ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं भाई हम बोलते हैं ऑर्डिनेट ठीक है तो यह भी चीज याद रखनी है तुम्हें कि एक्स कोऑर्डिनेट को एप बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है ठीक है यहां तक सबको क्लियर हो गया यहां तक सबको क्लियर हो गया अब देखो इसके अलावा तुम्हारे जो अब जैसे कि मान लो मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने कितनी दूर है ओरिजिन वाई एक्सिस से कितनी दूर है ओरिजिन वाई एक्सिस से कितनी दूर है भैया ओरिजिन तो वाई एक्स पर है ओरिजिन तो वाई एक्सिस पर है तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है ओरिजिन का जीरो ठीक है वहीं पर अगर मैं बात करूं अपना वाई कॉर्डिनेट क्या होगा तो, कॉर्डिनेट है? है? तो है तो ओरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कितना है जीरो. तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं जीरो कॉमा जीरो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं जीरो कॉमा जीरो ठीक है अब यहां पर ध्यान से देखो और क्या है भाई अब अगर मान लो कोई पॉइंट है तुम्हारा

जो घर से डिस्टेंस है वो कितना हो गया जीरो अगर तुम अपने घर में हो ठीक है तो सेम पॉइंट अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जीरो ठीक है और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है वाई कॉर्डिनेट तो अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर है सॉरी कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम क्या उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस सॉरी हाँ, तो, तो वो हमेशा एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म का होता है किस फॉर्म का होता है एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म का होता है ठीक है ना एक्स की वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकती है और तुम्हारा वाई हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि पॉइंट कहां पर है एक्स एक्सिस पर सेम गो फॉर वाई एक्सिस अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स रहता y और आपका कोई भी अगर y पर है तो वो हमेशा 0, y की का होगा एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो और वाई कोऑर्डिनेट कितना आपका कोई भी हो सकता है वाई कोई भी नंबर ठीक है क्लियर हो गई बात इसके अलावा देखो भाई जब हम बात करते हैं किस चीज की जब हम बात करते हैं हमारे जब हम क्वार quadr... जब हम हमारी एक्सेस बनाते हैं ठीक है तो हमारा जो पूरा कार्डिशन प्लेन होता है वो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जैसे कि यहां पर कार्डिशन प्लेन चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया ठीक है इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स ठीक है जिसमें ये होता है सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज ठीक है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट ठीक ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक ठीक अब इसमें बच्चों आप खाली साइन देखकर बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट ठीक है आप केवल साइन देखकर बता सकते हो कि कौन से कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में होंगे ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करता हूं पहले वाले क्वाड्रेंट की तो इसमें किस टाइप के कोऑर्डिनेट आएंगे यहां पर x एक्सिस भी पॉजिटिव है y एक्सिस भी पॉजिटिव है तो यहां पर आपका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है तो यानी कि पहले क्वाड्रेंट में ऐसे कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिसमें सारे के सारे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हो जैसे 2, 3 1.1 2, 7 या 2.5, 0 सॉरी uh, 2.5, 1 ठीक है बेटा आ जाओ अब इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस से मिलकर बना है तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट कैसे होंगे नेगेटिव होंगे वाई कोऑर्डिनेट कैसे होंगे वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होंगे तो आपका कोई भी कोऑर्डिनेट जैसे कि माइनस टू जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है वो कहां पर होगा सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्वार कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है वाई भी नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है ठीक है क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई बात यहां तक सबको समझ में आ गया अब एक कॉन्सेप्ट और आता है मिरर इमेज का ठीक है एक कॉन्सेप्ट और आता है मिरर इमेज का ठीक तो वो और समझ लो उसके बाद आपका जो ये है क्या कहते हैं ग्राफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ये तो जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वहां पर समझेंगे ठीक है बाकी कार्डिशन सिस्टम मैंने तुम्हें पूरा का पूरा समझा दिया है कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैंने तुम्हें पूरा का पूरा समझा दिया है क्वाड्रेंट्स के बारे में मैंने तुम्हें पूरा का पूरा समझा दिया है ठीक है जो भी कुछ यहां पर था वो सारा का सारा यहां पर आ चुका है ठीक है एक चीज जो यहां पर नहीं है सर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस में कौन कॉर्डिनेट लेते हैं बेटा लिखा हुआ तो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है है ना अब अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चों किस चीज की आपका mirror image की, तो देखो ये ये समझ लो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये topic तुम्हें जल्दी से कहीं मिलेगा नहीं क्लास नाइन्थ के लिए ठीक है भाई सीधी लाइन बन जाएगा। चलो फिर भी काफी हद तक सीधी है ठीक चलो भाई तो देखो ये एकस एकसेस, एकसेस। तो देखो भाई अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी एक्स एक्सेस है ये है, और मैं तुमसे बोलता हूं कि इस कोऑर्डिनेट के इस कोऑर्डिनेट का मिरर इमेज निकालो ठीक है इस कोऑर्डिनेट का मिरर इमेज निकालो ठीक है किसके देखो अब मिरर इमेज निकालने के लिए हमें क्या देखो अगर मैं शीशा देखता हूं तो क्या होता है मैं अगर शीशा देखता हूं तो क्या होता है मेरी सारी चीजें उल्टी दिखती हैं मतलब मैंने कड़ा इस हाथ में पहन रखा है तो मिरर में वो कहां दिखेगा दूसरी साइड दिखेगा ठीक है ऐसे ही मैंने घड़ी साथ में पहन रखी है तो मिरर में दूसरी साइड दिखेगी ठीक है तो अपोजिट हो जाती है चीजें मिरर में क्या होता है अपोजिट हो जाती है और हमें मिरर इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बीच में एक मिरर रखना पड़ता है एक शीशा होना चाहिए ठीक है तो सेम चीज यहां पर भी मिरर इमेज लगाने के लिए हमें एक मिरर चाहिए होती है ठीक है क्या चाहिए होता है मिरर चाहिए होता है तो यहां पर हमारी का का मिरर का, का काम करती है एक्सिस हमारी मिरर का काम करती है एक्सिस और इमेज जो बनती है वो इक्वल डिस्टेंस पे बनती है जैसे कि अब मान लो मैं ए कौमा बी का मिरर कोऑर्डिनेट पूछता हूं तुमसे ठीक है मिरर कोऑर्डिनेट पूछता हूं ए कॉमा बी का वाई के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा वाई के रेस्पेक्ट में आपका ये रहा वाई ये शीशा है इधर तुम्हारा कोऑर्डिनेट है तो इमेज किधर बनेगी शीशा ये है कोऑर्डिनेट ये है शीशा ये रहा कोऑर्डिनेट ये रहा मिरर इमेज किधर बनेगी इधर बनेगी इक्वल डिस्टेंस पे बिल्कुल बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ठीक है और उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे अब देखो ए और बी बिल्कुल सेम रहेंगे ए और बी बिल्कुल सेम रहेंगे बस साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में थे तो दोनों प्लस के थे पहले में थे तो दोनों प्लस के थे यहां पर क्या होगा ए माइनस का हो जाएगा बी प्लस का हो जाएगा अगर मैं इसी पॉइंट के क्या पूछ लू मिरर इमेज पूछ लू एक्स के रेफरेंस में तो कहां पर बनेगा एक्स के रेफरेंस ये रहा मिरर ये मिरर है ये तुम्हारा तुम खड़े हो ये मिरर है ये तुम खड़े हो कहां पर दिखाई दोगे यहां पर दिखाई दोगे ठीक है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव तो ए माइनस भी हो जाएगा ए कॉम माइनस भी ठीक है तो इस तरीके से मिरर इमेज का काम चलता है ठीक है क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा ठीक है अब ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है ठीक है जो भी कुछ था मैंने सारा कुछ यहां पर बता दिया ठीक है कुछ कुछ मैंने यहां पर बता दिया मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट तो आई होप तुमको अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है अब एक चीज और है वैसे मैंने बता ही दिया है ना x y दोनों ही चीजें हमने क्लियर कर ली हैं ठीक है थेके? तो कोई भी पॉइंट अगर आपका हाँ इस चीज को भी देख लेना अगर मान लो पॉइंट है माइनस टू कॉमा जीरो तो वो कहां पर होगा माइनस टू कॉमा जीरो कहां पर होगा y कोऑर्डिनेट है यानी कि x एक्सिस पर होगा और x कोऑर्डिनेट कैसा है माइनस टू यानी कि नेगेटिव है तो वो x एक्सिस पर किस साइड में होगा आपका एक्स एक्सेस पर नेगेटिव वाली साइड में होगा याद रखना ठीक है चलो अब एक काम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन द एब्सिस ऑफ ए पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम तुम पढ़ चुके हो भैया एप्सिसा ऑफ ए पॉइंट क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम भाई इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं इसके क्वेश्चन इतने एग्जाम में आते भी नहीं है ओलंपियाड में ठीक है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं तो जल्दी से मुझे सॉल्व करके एक बार आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी चलो भाई सॉल्व कर ले एक बार देखो मैंने तुम्हें बताया था एब्सिसा क्या होता है एब्सिसा होता है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट ठीक है एब्सिसा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली खत्म क्वेश्चन का आंसर आ गया एब्सोल्युटली करेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ठीक है 82% बच्चों ने सही जवाब दिया है संतवना शिवम आदित्य तेजवीर अंशुमन यूविक्स राघवेंद्र न्यूटो सुमन कुमार और संगीता बहुत बढ़िया ठीक है न्यूटो काफी कंसिस्टेंट है इस बार सही आंसर देने के मामले में चलो बहुत बढ़िया क्लियर है भाई सबको ये आ गया समझ में इजी क्वेश्चन था यार ये तो ठीक है अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये तुम्हारे बहुत इजी होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन क्या कह रहा है द पॉइंट्स फाइव माइनस फाइव कॉमा टू एंड टू कॉमा माइनस फाइव लाइज माइनस फाइव कॉमा टू और टू कॉमा माइनस फाइव ठीक है तो भैया साइन कन्वेंशन बताए थे तुम लोगों को साइन कन्वेंशन के हिसाब से देख लो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव वाई पॉजिटिव यहां पर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होंगे ए बी सी या फिर D. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से बताओ बेटा आगे क्या आंसर चलो देखो भाई सीधी सी बात है यहां पर क्या है देखो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है y पॉजिटिव है x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y पॉजिटिव कहां पर होता है सेकंड में यहां पर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है कहां पर होता है ये फोर्थ में सीधी सी बात तो भैया ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है ये फोर्थ में है तो सेकंड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली सेकंड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली तो हमारा नंबर नंबर सी सी इज़ इज़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट। ऑप्शन क्या बात है? 86 जिनमें है? है तो जिन साइन हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के सेम होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के साइन प्लस होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के साइन नेगेटिव होते हैं तुमने यहां पर दोनों के साइन अलग अलग है यही समझ के आंसर कर लेते सुरेश त्यागी हाउ टू अटेंड पोल बेटा पोल करने के लिए तुम्हें केवल कमेंट में जो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है वो लिखना है ठीक है कि ऑप्शन ए है बी है या सी है या डी है ठीक है तो अपने पास आ गया कौन सा मोनी शर्मा हेलो बफेलो रुद्रा आदित्य संतवना अंशुमन दीपू शिवम डी के ओपी गेमर चलो तो ऑप्शन नंबर सी इज आप लूटली करेक्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट थ्री कॉमा फाइव फ्रॉम एक्स एक्सेस थ्री कॉमा फाइव का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस पूछ रहा है थ्री कॉमा फाइव का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस पूछ रहा है बताओ भाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस क्या होता है बहुत ईजी है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस क्या होता है जल्दी से बताओ सीधी सी बात है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स होता है वाई कॉर्डिनेट यहां पर वाई कॉर्डिनेट कितना है 5. तो भैया थ्री कॉमा फाइव का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेज हो जाएगा फाइव बात ही खत्म ऑप्शन नंबर सी फाइव इज एप्सोल्यूटली करेक्ट इतनी देर तो लगनी ही नहीं चाहिए आ जा भाई तुम्हारे साथ साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने भी 85 परसेंट बालकों ने सही आंसर दिया न्यूटू ढोलूराम सेंसेजी अश्विनी प्रिंस कुमार गौरव यातिन आयुष सुरेश सौरिश सांत्वना बहुत बढ़िया बेटा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड क्वारेंट ओनली सेकेंड एंड थर्ड क्वाडरेंट और फोर्थ क्वार्रेंट ओनली इजी क्वेश्चन है ध्यान से सोचो क्या कह रहा है ऑर्डिनेट जो है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं ऑर्डिनेट जो है वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं ऑर्डिनेट क्या होता है ऑर्डिनेट होता है तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं सोच लो भाई पहले वाले में दोनों पॉजिटिव होते हैं दूसरे वाले में आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव ठीक है तीसरे वाले में दोनों नेगेटिव और चौथे वाले में x पॉजिटिव y नेगेटिव तो यह बात कर रहा है किसकी यह बात कर रहा है ऑर्डिनेट की ऑर्डिनेट क्या होता है ऑर्डिनेट होता है वाई कॉर्डिनेट वाई कॉर्डिनेट कहां कहां पर नेगेटिव है एक तो थर्ड वाले में और एक फोर्थ वाले में तो थर्ड और फोर्थ कोडिनेट में तुम्हारा जो वाई कोऑर्डिनेट होता है यानी कि जो ऑर्डिनेट होता है वो नेगेटिव होता है तो थर्ड और फोर्थ कर रहे थे ठीक ठीक है है तुम लोग question even try भी नहीं कर रहे हो है? पहले वाले जो बच्चे थे वो क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे ठीक है सी सी तुम अगर क्लास को स्टार्टिंग में देखोगे ना जब शुरू शुरू में शुरू हुई थी क्लास और जब सारे बच्चे थे क्लास में स्टार्टिंग में तो ऑलमोस्ट नाइनटी सिक्स नाइनटी सेवन परसेंट करीब पोल जा रहा था और अभी देख लो और उस टाइम पर तो हम टफ क्वेश्चन कर रहे थे ये तो बच्चों वाले सवाल है यार सीरियस नहीं हो तो मुझे बता दो फिर मैं भी इतनी मेहनत ना करूं है ना चार घंटे हो गए मैं भी कंटिन्यूस बोल रहा हूं चार घंटे से तो अगर तुम लोग सीरियस नहीं हो तो मुझे बता दो फिर जो अपने जो बीस तीस तीस चालीस बालक जो है सीरियस फिर उन्हीं के साथ पढ़ लेते हैं हम अपूर्व अपूर्व रंजन मोनी सोरेश लेजेंड और सांतवना म्यूटू न्यूटू 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 और अनन्या सॉरी अनय अनय आयुष गर्व और राघवेंद्र चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स आर नेगेटिव देन दी पॉइंट्स विल लाई इन भाई इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता ठीक है इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स अगर आपके नेगेटिव हैं तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा बताओ भाई वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी तो सी डी भैया सीधी सी बात है दोनों कोऑर्डिनेट क्या है बोथ बोथ थर्ड क्वाड्रेंट सीधी सी बात तो ऑप्शन नंबर सी अब इसके आंसर भी अगर किसी बालक ने गलत दिया होगा तो फिर तो हम क्या ही कर सकते हैं जबकि चिल्ला चिल्ला के बताया था है ना 98% बालकों ने सही जवाब दिया है, क्या बात है तेजवीर ऑल इन वन कमल सर का फैन शिवम गौरव कुमार एक्सपाक अमर आदित्य अश्वनी अनय और क्यूट सॉन्ग चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मिरर इमेज ऑफ थ्री कॉमा नाइन ऑन एक्स एक्सेस तो भैया एक्स एक्सिस के रेफरेंस में मिरर इमेज बतानी है किसकी तुम्हारी थ्री कॉमा नाइन की बताओ भाई एक्स एक्सएस के रेफरेंस में थ्री कॉमा नाइन की मिरर इमेज बताओ एक्स एक्सएस के रेफरेंस में बताओ मेरे लाल देखते हैं कौन बता पाता है ए बी सी या फिर डी बताया था मैंने अच्छे से एक्स एक्सएस के रेफरेंस में जाना है बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी देखो भाई सीरीज ही बात है एक्स एक्सेस के रेफरेंस में बोल रहा है ये रेफरेंस है यहां पर तुम्हारी इमेज बनेगी ठीक है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो जाता है तो थ्री कॉमा माइनस नाइन हो जाएगा खत्म किस्सा? थ्री कॉमा माइनस नाइन ऑप्शन नंबर डी थ्री कॉमा माइनस नाइन ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट खत्म ऑप्शन डी करेक्ट होगा बालकों ने सही जवाब दिया बाकी तो बस ऐसी नींद में। 15 ने बोला है माइनस थ्री कॉमन नाइन क्यों होगा में में कौन सा तुम्हारा आने लगा? X -coordinate नेगेटिव लगा कब से होने जरा एक बार बताना मुझे सोच के थोड़ा सा मतलब सबसे ईजी चैप्टर में तुम्हारा ये हाल है टफ वाले में तो क्या ही होगा टफ वाले तो चले गए जो थे टफ वाले, तो वाले तो चले गए जो थे ये तो सबसे ईजी चैप्टर था देखो भाई आदित्य यादव के ओ एम शाइन अमर कुमार सांत्वना शहाज शहज़मान गौरव लेजेंड क्यूट बफेलो हेलो अश्विनी चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट पी जीरोमा थ्री क्यू वन कॉमा जीरो आर जीरो माइनस वन एस माइनस फाइव कॉमा जीरो और टी वन कॉमा टू डू नॉट लाई ऑन दी एक्स एक्सेस बताओ भाई इनमें से कौन से पॉइंट्स है कौन कौन से पॉइंट गिवे ने भैया एक है आपका एक है आपका रो माइनस वन एस है, P, ये है Q, और फिर R है अपने पास वन कॉमा टू इनमें से कह रहा है कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि X एक्सेस पर लाए नहीं करते बताओ भाई कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो कि X एक्सेस पर लाए नहीं करते तो एक्स एक्सिस पर लाई नहीं कर रहे एक्स एक्सिस पर क्या होता है एक्स एक्सिस पर वाईज टू जीरो होता है तो जिन भी पॉइंट में, में वाईज टू जीरो है वो सारे के सारे एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे बाकी के नहीं करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट वाई की वैल्यू कितनी है x एक्सएस पर लाई नहीं करेगा तो इसका मतलब y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी अगर x एक्सएस पर लाई करता तो y इज इक्वल्स टू जीरो होता तो यहां पर y की वैल्यू थ्री है इसका मतलब ये x पर लाय नहीं कर रहा है यहां y की वैल्यू जीरो है इसका मतलब ये x एक्सेस पर लाए कर रहा है ठीक है यहां पर भी y की वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब ये भी एक्स एक्सेस पर लाई नहीं कर रहा है यहां पर y की वैल्यू जीरो है ये x एक्सेस पर लाए कर रहा है और यहां पर y की वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब आपका एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकेंड हाँ ये x एक्सेस पर लाइक कर रहा है ठीक है क्यूं? क्यों क्योंकि y की वैल्यू हमारी क्या है y की वैल्यू जीरो है और यहां पर भी y की वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब ये भी x एक्सेस पर लाइक नहीं कर रहा है ठीक है और इसने हमसे यही पूछा था कि कौन से पॉइंट है जो कि x एक्सेस पर लाइक नहीं करते हैं तो हमारा पी आर और टी ऐसे पॉइंट हैं जो कि एक्स एक्सिस पर लाए नहीं कर रहे हैं ठीक है तो पी आर टी एक्स एक्सिस पर लाए नहीं कर रहे हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट तो ऑप्शन सी देख लेते हैं एक बार 66 परसेंट बालकों ने सही जवाब दिया सांत्वना एक्सपाक हेलो बफेलो अश्विन अमर आदित्य हितेश न्यूटू सुरेश और गौरव बहुत बढ़िया भाई अगला क्वेश्चन लगाते हैं देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपका x की वैल्यू है थ्री y की वैल्यू है टू u की वैल्यू है थ्री एक्स इज इक्वल टू है थ्री वाई इज इक्वल टू है टू यू इज इक्वल टू है माइनस नाइन एंड v इज इक्वल्स टू है कितना आपका थर्टीन तो आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई और यू प्लस वी कहां पर लाए करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी सी या फिर डी जल्दी से जवाब दो भाई ए बी सी या फिर डी बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सॉल्व uh, कर ले भाई एक बार देखो जरा हमें क्या चाहिए एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा थ्री प्लस टू यानी कि फाइव ठीक है और यू प्लस वी यानी कि माइनस नाइन प्लस थर्टीन इज इक्वल टू हो गया कितना माइनस नाइन प्लस थर्टीन हो जाएगा हमारा फोर ठीक है तो अपने पास कितना निकल कर आ गया अपने पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हो गई एक्स प्लस वाई कौमा यू प्लस वी कितना आ गया

अश्विन गर्व गोयल एक्सपाक ड्यू गेमर सांत्वना म्यूटू प्रसाद ग्रिम चलो तो भैया देखो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अब इसके साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो खत्म हो चुका है और तुम्हारे पास आ जाता है क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ठीक है अब तुम्हारा शुरू होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जरा मुझे एक बार जल्दी से बताओ सारे बालकों को कॉर्डिनेट ज्योमेट्री तक मजा आया या नहीं जल्दी से बताओ सारे बालकों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक मजा आया या नहीं जल्दी बताओ भाई मजा आया कि नहीं आया जल्दी से बताओ भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लीडर बोर्ड भाई ये लो देख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक का जो लीडर बोर्ड है वो ये है वंश प्रताप सिंह फिर यूविक्स फिर दीपू फिर स्प्लैश ऑफ फिर अनिल उपाध्याय फिर आयत फातिमा फिर प्रसाद गिरिम फिर अंशुमन अंशुमन फिर सुमन कुमार और फिर न्यूटू चलो भाई मजा आया कि नहीं अभी तक आप हो तो मजा आएगा ही आएगा अरे बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया तो शुरू किया जाए या पांच दस मिनट का ब्रेक ले लें सर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू एक्सेस बेटा देखो पैरल टू एनी एक्सेस पैरल टू एक्स एक्सेस लोगे सुनो अगर पैरल टू एक्स एक्सेस लोगे तो वाई इज इक्वल टू ए के फॉर्म की होती है लाइन की इक्वेशन जो कि पैरल टू एक्स एक्सेस होती है और पैरल टू वाई एक्सेस लोगे तो एक्स इज इक्वल टू ए के फॉर्म की होती है जहां पर ए आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है ठीक है क्लियर हो गई बात ब्रेक सर ब्रेक सर ब्रेक सर ब्रेक सर ब्रेक सर तो एक काम करते हैं एक ब्रेक ले लेते हैं ठीक है पंद्रह मिनट का ब्रेक दे रहा हूं इस बार ठीक और ये ब्रेक लास्ट होगा इसके बाद कोई ब्रेक नहीं होगा इसके बाद जो अगला ब्रेक होगा वो सीधा क्लास एंड होने पे होगा अब इसके बाद कोई ब्रेक नहीं होगा ठीक है ये लास्ट ब्रेक है ठीक है इसके बाद हम शुरू करेंगे बस ये खत्म होगा फिर हिरोस फॉर्मूला और फिर हम स्टेटिस्टिक्स uh, करेंगे ठीक है तीन चैप्टर हो चुके हैं तीन बाकी हैं ये लास्ट ब्रेक है ठीक है इसके बाद के दोनों चैप्टर बहुत ईजी है स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सॉरी आपका एरिया एंड वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो उसमें टाइम जाएगा बाकी सब बहुत इजी है ठीक है सर्कल बेटा थर्सडे को होगा तो एक ब्रेक लगा रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए पंद्रह मिनट का ब्रेक है ठीक है जल्दी जाओ खाओ पियो क्योंकि तुम्हारा खाने पीने का भी टाइम हो गया साढ़े आठ हो रहे हैं तो खाओ पियो आराम से और जल्दी से खा पी के वापस आओ पंद्रह भी नहीं ये लो बीस मिनट का ब्रेक लो और जल्दी से वापस आओ खा पी के टाइम से वापस आओ ठीक है जल्दी से क्वेश्चन आते ही पोल लगाओ ठीक है ठीक है ठीक है फिफ्टी इयर्स ब्रेक हाँ बिल्कुल मेरे बुजुर्ग होने पे कोई क्लास ले लेना फिर है ना चलो

एक ऐसी इक्वेशन सबसे पहले तो इक्वेशन क्लियर कर लेते हैं जिसमें एल एच एस हो आरएचएस हो और बीच में एक कंपेरिजन का साइन हो जो दो दोनों एल एच एस और आरएचएस को क्या कर रहा हो कंपेयर कर रहा हो ठीक है अब दूसरी चीज कि भैया लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वन हो ठीक है और अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सी होती है ऐसे आपकी ऐसी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों वेरिएबल की पावर जो है वो वन हो ठीक है उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं फॉर एग्जांपल टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन या टू यू माइनस सेवन या फिर टू ए प्लस टू जीरो तीनों इक्वेशन अगर तुम देखोगे यहां पर तीनों इक्वेशन जो है, वो है आप देख सकते हो चाहे मैं यहां पर बात करूं एक्स और वाई यहां पर बात करू यू एनवी और यहां पर बात करूं तो ए और बी ठीक है अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंपल सी चीज है इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो है ये ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो ओके भाई प्रसाद ओके 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 ठीक है तो भाई देखो ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी बस यहां पर आपका ए बी एन सी आर रियल नंबर और दूसरा आपकी ए और बी की वैल्यू एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए ए और बी की वैल्यू एक साथ जीरो नहीं होनी चाहिए ए और बी की वैल्यू एक साथ जीरो अगर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अलग अलग जीरो हो गई तब भी काम चल जाएगा क्योंकि हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है ना यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें खाली एक वेरिएबल हो और उसकी पावर क्या हो वन हो ठीक है तो ऐसी इक्वेशन को हम

तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये कन्वर्ट हो गई हमारी किसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में किसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कन्वर्ट किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आई होप ये सबको क्लियर होगा क्लियर है क्लियर है सबको हाँ भाई प्रसाद गिरिम पढ़ तो लिया कमेंट बार बार करने की क्या जरूरत है भाई ठीक है चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं ठीक है एक बार अब देखो यहां से हमारे पास इसके बाद क्या आता है इसके बाद एक और चीज आती है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ऑफ टू वेरिएबल ठीक है अब देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की अगर मैं बात करूं अगर मैं सॉल्यूशन सर हम और सोल्यूशन के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं ले सकते बेटा दिव्यांश भट्ट अगर तुम यहां पर पर ध्यान दो तो मैंने एक जगह ले रखा है एक जगह पर ए और वी ले रखे हैं ठीक है तो तुम जो वेरिएबल लेना चाहते हो ले सकते हो वो तो इन्होंने जनरल फॉर्म जो है वो डिफाइन कर दिया है तो उसमें हम एक्स और वाई ही लेकर चलते हैं ठीक है जनरल फॉर्म में ठीक तो अब देखो लीनियर इक्वेशन इन

सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन में क्या कर दूं मैं X की जगह पर टू पुट कर दू. तो हमारे पास क्या होगा? ये हो जाएगा टू इंटू माइनस टू प्लस फोरस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू आ गया जीरोक्वल टू माइनस टू पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है X is equals to minus 2 पर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है ठीक है है ठीक तो x is equals to minus 2 इस इक्वेशन इक्वेशन का सॉल्यूशन और क्या अपने वेरिएबल को अकेला कर लो आप अपने वेरिएबल को अकेला कर लो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी जैसे कि नाइन को मैं इधर ले जाऊंगा अपने पास क्या बचेगा थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो का सोलूशन से से तो होगा सीधी सी बात है खत्म किस्सा ठीक है तो लीनियर इक्वेशन इन वन लिए बहुत आसान होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल केस में क्या होता है अभिजीत कुमार बेटा बहुत कम क्वेश्चन आते हैं बट अगर आए भी तो उसकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे टेंशन वाली बात नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन में क्या केस होता है सुनो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में केस ये बनता है कि आपका अगर ठीक है ये इक्वेशन गिवन है आपको ठीक है इस इक्वेशन के अगर आपसे सॉल्यूशन पूछ लिए जाए इस इक्वेशन के अगर आपको सॉल्यूशन पूछ लिए जाए ए एक्स प्लस बीवाई AX minus BY minus C is to zero. तब भी वो वो है 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 भाई तो तो क्यों नहीं ही ठीक चलो अब देखो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारा इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा तो देखो आपका आपको ये चीज समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसका खाली एक सॉल्यूशन होता है ये चीज याद रखना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वन का केवल और केवल एक सॉल्यूशन होता है ठीक है केवल और केवल एक सॉल्यूशन होता है लेकिन अगर मैं वहीं पर बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तो इसके केस में आप क्या कर सकते हो आप वेरिएबल की अलग अलग वैल्यूज रखकर जैसे मैं एक्स की वैल्यू यहां पर जीरो रखता हूं ठीक है तो मेरे पास आएगा टू इंटू जीरो प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स तो तो टू इन कितना हो गया? थ्री वाई थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री जा वाई की वैल्यू आ गई तो यानी कि इस इक्वेशन का जो है, वो के के आते हैं ना वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आते हैं ठीक है ठेके? और इन्हीं कोऑर्डिनेट को तुम अपने किस पर एक्सेल पर रिप्रेजेंट करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ भी बना सकते हो सीधी सी बात है ठीक है अब देखो जैसे कि तुम्हारे पास ये आ गया ये आ गया अब क्या इसके और सॉल्यूशन निकल सकते हैं क्या इसके और सॉल्यूशन निकल सकते हैं हाँ भाई निकल सकते हैं x 1 रख लो एट x 1 तो ये हो जाएगा 2 1 3y 6 टू वन जट टू इधर जाकर माइनस के टू हो जाएगा थ्री वाई टू हो गया सिक्स माइनस टू कितना डिवाइड में चला जाएगा चलाई की वैल्यू हो गई फोर बाय थ्री तो हमारे पास इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन आ गया वन कॉमा फोर बाय थ्री ठीक है सेम इसी तरीके से आपका अगर हम निकालना चाहें क्या इसके और सॉल्यूशन निकल सकते हैं बिल्कुल निकल सकते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो तो अपने पास आ जाएगा टू एक्स प्लस तो तो वो क्या आ जाएंगे हमारे निकल कर आ गए थ्री कॉमा जीरो तो यहां से हमें एक पॉइंट समझ में आ गया कि इसी तरीके से तो मैं एक्स की जितनी चाहे उतनी वैल्यू रखकर वाई की जितनी चाहे उतनी वैल्यू निकाल सकता हूं है ना हम एक्स की जितनी चाहे उतनी वैल्यूज रखकर वाई की जितनी चाहे उतनी वैल्यूज निकाल सकते हैं ऐसी सॉल्यूशन होते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो याद वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई यह बात

ठीक है यही सारी चीजें लिखी हुई है यहां पर और कुछ नहीं है ठीक अब अगर मैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो जैसे कि तुम्हें इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है ठीक है इस इक्वेशन का मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो कैसे बनेगा ग्राफिकल तो भाई देखो अपना ग्राफ लो अपना ग्राफ लो ग्राफ पर क्या बनाओ एक वाई एक्स एक एक्स एक्स ठीक है तुम्हारे एक्स एक्स पर हो गए वन टू थ्री फोर वाई एक्स पर हो गया वन, टू थ्री तो देखो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है याद रखना इसीलिए इसका जो नाम है सर ग्राफ चैप्टर से हट गया कर लेते हैं ना कितनी देर लगेगी एक सेकंड का काम है ठीक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है वो एक आपका आ, स्ट्रेट लाइन होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ध्यान रखना वो स्ट्रेट लाइन हमेशा जिन पॉइंट से होकर जाएगी वो आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होंगे ठीक है तो आपको अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाना है तो कम से कम आपको उसके दो सॉल्यूशन जरूर चाहिए कम से कम क्या चाहिए उसके दो सॉल्यूशन जरूर चाहिए जैसे कि यहां पर हमने ऑलरेडी इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन तीन निकाल रखे हैं ठीक है एक है वन और दूसरा है फोर बाय थ्री इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा वन कॉमा फोर बाय थ्री हो जाएगा वन पॉइंट थ्री ठीक है तो 1.3 समझ लो ठीक है तो तीन पॉइंट है हमारे पास पहला है तो, 0.2 दूसरा है है 3.0 ठीक तो मेनली देखो हमें दो पॉइंट ही चाहिए होते हैं मेनली अगर तुमने दो पॉइंट भी निकाल लिए तो उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा ठीक है मेनली अगर तुमने दो पॉइंट भी निकाल लिए तो तुम्हारा उससे काम हो जाएगा सबसे पहले जैसे कि हमने यहां पर दो पॉइंट निकाल रखे हैं एक तो टू कॉम और एक थ्री कॉमा जीरो तो जीरो कॉमा टू यहां पर एक्सकॉर्डिनेट जीरो है यानी कि ये कहां पर है ये वाई एक्सिस का पॉइंट है क्योंकि y एक्सिस पर एक्स कॉर्डिनेट जीरो थ्री कॉमा है। है? जीरो पर वाई कॉर्डिनेट जीरो कहाँ पर होता है x एक्सिस पर तो ये x एक्सिस का पॉइंट है तो अगर तुम्हें दो पॉइंट किसी भी इक्वेशन के लिए दो पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस पर मिल गए ठीक है सर ग्राफ अगर ग्राफ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे बताता हूं अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तब बता दूंगा ठीक है तो इतना समझो पहले इतना समझो ठीक तो अब देखो y एक्सिस है

यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स को खत्म क्वेश्चन ये होता है तुम्हारा क्या ये होता है किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ठीक है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है बहुत आसान है उसके दो सॉल्यूशन निकाल लो एक एक्स एक्सएस पर y इज इक्वल टू जीरो रखकर एक y एक्स पर x इज इक्वल टू जीरो रखकर और खत्म किस्सा ठीक है अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर आने वाला हर एक पॉइंट आने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है मान लो यह कोई भी पॉइंट है मान लो ये कोई भी पॉइंट है।, है ठीक है एक पॉइंट है मान लो ये रहा। ठीक है जो कि वन कॉमा यह पॉइंट है वन कॉमा फोर बाय थ्री ठीक है तो वन कॉमा फोर बाय थ्री भी ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस लाइन से ही होकर जाएगा ठीक है लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर आने वाला हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है यानी कि हर एक पॉइंट उसे क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा ठीक है क्लियर हो गई बात यहां तक के सारे सबको समझ में आ गए यहां तक के सारे सबको समझ में आ गए किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताओ ठीक है दूसरी चीज अगर तुम बात करते हो किसी लाइन की ठीक है लाइन पैरेलल या फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स तो देखो अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्स के तो वो हमेशा ऐसा होगा कि वाई एक्सेस को कहीं कट करेगी जैसे ये ये है X है है ठीक तो सबसे पहले तुम्हारा जो एक्स एक्स है इसका इक्वेशन क्या होता है इसका इक्वेशन क्या होता है तो देखो वाई एक्सिस का हमारा इक्वेशन होता है सॉरी एक्स एक्सेस का इक्वेशन होता है वाई इज इक्वल टू जीरो याद रखना एक्स एक्स का जो तुम्हारा इक्वेशन होता है वो होता है वाई इज इक्वल्स टू जीरो और अगर कोई लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो y को कहीं ना कहीं कट करेगी जैसे ये थ्री पर कट कर रही है, तो ये पॉइंट कौन सा ये 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 है है? तो तो ही क्या हो 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 जाएगा? इस line की equation हो जाएगी, ठीक है? सेम, जैसे मान लो गया को कहीं बीच में कट कर रहा है ठीक है माइनस टू माइनस थ्री वन पॉइंट सेवन है तो ये, हो हो तो ये क्या हो गया वाई इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट सेवन तो ये क्या हो गई ये इक्वेशन हो गई इस वाली लाइन की तो हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी कोई भी लाइन पैरल टू एक्सिस पैरल टू एक्स एक्सेस तो वो हमेशा किस फॉर्म की होगी वो हमेशा वाई इज इक्वल्स टू ए के फॉर्म की होगी आपका कोई भी लाइन जो है अगर वो वाई इज इक्वल्स टू ए के फॉर्म की है तो इसका मतलब वो कहां पर है वो आपका y-axis के क्या सॉरी x एक्स के पैरेलल है ठीक है वो आपका x एक्स के पैरेलल है ठीक है और अगर मैं वहीं पर बात करूं किसकी आपका जैसे कि y एक्सएस है y एक्सएस की इक्वेशन क्या होती है y एक्सएस की इक्वेशन होती है ठीक इज इक्वल टू जीरोस आपका x कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो यानी कि आपका जो y एक्स की इक्वेशन है वो है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो ठीक प्रिया तिवारी बेटा आप लग, क्लास को एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो शुरुआत से ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है अब वहीं पर हम बात करें लाइन पेरल टू, पैरल वाई एक्सिस तो लाइन पैरल टू वाई एक्सिस तो क्या होती है वाई एक्सिस का आपका जो फॉर्मूला है वो इक्वेशन है वो है एक्स इक्व ठीक है और मान लो कोई लाइन है जैसे कि ये एक्स एस टू पर कट कर रही है

यही सारी चीजें तुम्हारे सिलेबस में और कुछ नहीं है जल्दी से बताओ ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं बोलो भाई जल्दी से एक बार फिर हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे जल्दी से बताओ क्लियर है सबको ये बोलो भाई बोलो मन के राज खोलो जल्दी बताओ चमका के नहीं चमका यार इतनी देर थोड़ी लगती है यार जल्दी बोलो यार फिर शुरुआत करते हैं फिर हम क्वेश्चन की एक एक करके चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहले देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है इफ फिफ्टीन बाय एक्स प्लस टू बाय वाई इज इक्वल्स टू सेवनटीन फिफ्टीन बाय एक्स प्लस टू बाई वाई देन वैल्यू ऑफ वाई बताओ भाई वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी एक्स इज इक्वल टू गेवन है थ्री बताओ भाई सॉल्यूशन क्या होगा ए बी सी या फिर डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी बताओ ए बी सी या फिर डी आपको X 3 दे रखा है है तो हमें पता है कि भैया इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका बढ़िया है कि भैया एक्स की वैल्यू रखो वाई की वैल्यू निकल जाती है यहां पर इन्होंने एक्स की वैल्यू पहले से दे रखी है तो ये एक्स की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दो कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी 15 की वैल्यू है 3 2 17. ठीक है? करेंगे, इसे कितना आएगा? हो है? सेवनटीन माइनस फाइव कितना हो जाएगा जाकर माइनस फाइव हो जाएगा हमारा 12 तो वाई इधर चला जाएगा 12 इधर आ जाएगा हमारे पास कितना हो गया y की वैल्यू निकल कर आ गई 2/12 यानी कि आपका 1/6 y की वैल्यू हो गई 1/6 खत्म क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है y की वैल्यू 1/6 ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 95% बच्चों का ऑप्शन ए आया है मोनी हेलो अनिल अभिजीत युवेक्स ईशान मिस्टर फियर आदित्य निशा और क्यूट सॉन्ग बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइव एक्स माइनस टू वाइज इक्वन ऑफ द आंसर इज टू कॉमा माइनस टू ऑफ के तुम्हें इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास है तुमसे पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी इक्वेशन तुम्हारे पास है कितनी इक्वेशन है तुम्हारे पास फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू के और यहां पर तुम्हें इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है टू कॉमा माइनस टू यानी कि एक्स की वैल्यू है टू और वाई की वैल्यू है माइनस टू ठीक है बोला इसका एक आंसर है के वैल्यू पूछ रहा है उठाकर यहां पर वैल्यू रख दोन माइनस कितना हो जाएगा टू वाई की जगह पर माइनस टू तो माइनस टू इंटू माइनस टू हो जाएगा प्लस फोर इज इक्वल टू के के वैल्यू आ गई फोर्टीन खत्म क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है फोर्टीन तो ऑप्शन नंबर सी फोर्टीन इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत अभी बड़ा मजा आ रहा होगा तुम्हें वाले क्वेश्चन करने में बच्चों बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं मजा आ रहा है करने में खेल चल रहा है अभी मजा आएगा देखना बढ़िया क्वेश्चन आएंगे अभी दो मिनट में तो अब ऑप्शन बी फिफ्टी 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 कैसे आ रहा भाई तुम्हारा ओहो कर दी होगी गड़बड़ टेन माइनस फोर कर दिया होगा उम्मीद थी मुझे उम्मीद थी मुझे उम्मीद थी मुझे इट्स एन बी आदित्य यूक्स मोनी सांत्वना हेलो बफेलो वंश प्रताप प्रिंस कुमार मयंक प्रताप मौर्य और मिस्टर फियर चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आएगा बढ़िया क्वेश्चन देखो भाई ये भी इजी क्वेश्चन है ये भी टफ नहीं है टू एक्स बाय फाइव प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स बाय थ्री प्लस थ्री तो टू एक्स बाय फाइव प्लस वन क्या होगी जल्दी से बताओ कौन सा ए बी सी या फिर जल्दी बताओ थोड़ा करेंगे ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी बताओ, 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 देखो x वाले फैक्टर्स को x वाली टर्म्स को एक साइड कर लो बाकी सबको एक साइड तो x बाय थ्री को उठाकर इधर ले आओ वन को इधर ले जाओ तो योग माइनस एक्स बाय थ्री इज इक्वल्स टू थ्री प्लस वन इधर आकर हो गया माइनस वन एलसीएम लेंगे वैल्यू आ गई थर्टी खत्म क्वेश्चन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एक्स की वैल्यू आ गई थर्टी ऑप्शन नंबर सी थर्टी इज एब्सोल्युटली करेक्ट चलो भाई आगे बढ़ो अबे तुम्हारे इसमें आंसर गलत कैसे आ रहे हैं या मैंने गलती कर दी है कहीं टू एक्स माइनस टू एक्स बाय फाइव माइनस एक्स बाय थ्री इतने गलत कैसे कर सकते हो यार यारिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स अपॉन फाइव थर्ट फिफ्टी थ्री माइनस वन टू सही है भाई अपना तो बिल्कुल ना तो सही है बिल्कुल आए थे तो प्रभु कॉफी भी ले आते आदित्य यादव इशांत कुमार इट्स एन बी निशा इट्स क्रिएशन प्रिंस कुमार मयंक प्रताप सांत्वना और नीवियन चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं टाइम कम है हाँ भाई टाइम कम है लग रहा है सर तुक्का मार रहे हैं सब मुझे भी यही लग रहा है ये लोग भी तुक्का ही मारते हैं है? नहीं? कितनी देर का बचा है सर टाइम है तो अभी तो अभी तो चलेगा अभी तो चलेगा ये अभी तो तू चौथा चैप्टर चल रहा है पांचवा छठा भी है सरफेस एरिया वॉल्यूम बचा हुआ है सर अभी तो <laughs> चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अ फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ एक्स काट फर्स्ट सन गेट्स क्या वन फोर्थ दर्ड सन गेट वन फिफ्थ एंड फोर्थ गेट सेवन काउ देन दैल्यू ऑफ एक्स चौथे वाले बेटे से ज्यादा प्यार था भाई से सीधा सीधा उसे साथ गए पकड़ा दी बाकी को कह रहा है आधी तू ले जा एक चौथाई तू ले जा कितनी है हाँ, वन फिफ्थ, एक भाग तू ले जा गायों का भाई क्या बांट रहा है खाना बांट रहा है समझ नहीं आ रहा इसका जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी सर आप आशीष चंचलानी दिख रहे हैं हाँ तीस सेकंड बहुत है सर मैम बहुत है तीस सेकंड ज्यादा है बल्कि आशीष चंचलानी बता रहे हैं मुझे आप, क्या चाहते हैं आप लोग <laughs> बताओ भाई जल्दी से नहीं नहीं ये दोनों चैप्टर बहुत इजी हैं जल्दी खत्म हो जाएंगे अगला वाला ही बस टाइम लेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम विल टेक टाइम बाकी दोनों बहुत इजी हैं चलो यार सॉल्व कर लें से जल्दी से देखो भाई गाय तुम्हारे जो किसान था उसके पास कितनी गाय थी एक्स गाय थी टोटल नंबर ऑफ गाय कितनी है भैया एक्स है ठीक है और उसने क्या करा पहले बेटे को कितनी दी है वन ऑफ वन हाफ ऑफ दी हर्ड भाई आते हुए कॉफी दे जाना यार एक हा देखो उसने टोटल का वन ओ पॉइंट टू पहले बेटे को दिया तो टोटल का वन ओ पॉइंट टू हाफ टोटल का हाफ पहले बेटे को मिल गया ठीक है उसके बाद कितना सेकेंड वाले बेटे को वन फोर्थ मिला और थर्ड वाले बेटे को वन फिफ मिला और भैया आपका जो फोर्थ बेटा है उससे उसे ज्यादा प्यार था उसने डायरेक्टली उसे सात गाय पकड़ा दी कि बेटा तू तू सबसे प्यारा बालक है है ले जा ठीक है? तो भैया देखो अब इन चारों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए इन चारों का सम कितना होना चाहिए इन चारों का सम होना चाहिए, चाहिए? एक्स सीधी सी बात है बस अब इसे ऐड करके एक्स की वैल्यू निकाल लो क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा देखो भैया सबसे पहले एक काम करो एलसीएम कितना आएगा एलसीएम आ जाएगा ट्वेंटी ठीक है एलसीएम आ गया ट्वेंटी और सॉल्व करो जरा तो यहां पर कितना होगा ये हो गया तुम्हारा टेन एक्स ये हो जाएगा कितना फाइव एक्स ये हो जाएगा कितना फोर एक्स और ये कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा वन फोर्टी इज इक्वल्स टू एक्स ट्वेंटी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ले जाओ भाई इधर तो अपने पास कितना आ गया अपने पास आ जाएगा टेन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स प्लस वन फोर्टी इज इक्वल टू ट्वेंटी एक्स ठीक है वन फोर्टी इधर जाएगा ट्वेंटी एक्स इधर आ जाएगा अपने पास कितना हुआ टेन एक्स माइनस फाइव एक्स माइन और टेन एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स नाइनटीन एक्स 20x इधर आकर माइनस का हो गया 19x 20x कितना हो गया -x और प्लस +140 इधर जाकर हो गया माँणस -140 माइनस से माइनस कैंसिल आउट x की वैल्यू आ गई 140 यानी कि भैया किसान के पास 140 गाय थी किसान के पास कितनी गाय थी किसान के पास 140 गाय थी कितनी गाय थी 140 गाय थी ऑप्शन नंबर बी 140 इसके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी को कोई दिक्कत हां भैया किसी को कोई दिक्कत 140 गाय थी किसान के पास भाई निरई तुक्के मार रहे हो क्या बिल्कुल मतलब मन नहीं है पढ़ने का बंद कर दू क्लास बताओ बंद कर दू क्या क्लास भाई बिल्कुल ही मतलब तुक्के ही मार रहे हैं बैठ के खाली आदित्य यादव निवियन तेजवीर संजय कुमार अभिजीत और सांत्वना मंडल चलो बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू पासिस थ्रू दी क्वाड्रेंट्स तो ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज टू टू कौन से क्वाड्रेंट से पास करता है ठीक है x x प्लस वाईक्स टू टू कौन से, से पास करता है बताओ भाई कौन से क्वाड्रेंट से पास करेगा? ये वाला क्वेश्चन तो बढ़िया है लो साठ सेकंड दे रहा हूं तमीज से आंसर बताओ इसका जाओ सोच लो ढंग से तमीज से फिर बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा सोच लो पहले आराम से तुक्के मारने की जगह सोच लो पहले आराम से क्या आंसर क्या होगा इसका है ना सोच समझ के तब जवाब देना चलो तो देखो ये पता करने के लिए कि ये कौन से क्वाड्रेंट से होकर जाएंगे इसके वो बना लेते हैं क्या क्या बना लेते हैं ग्राफ तो देखो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू जीरो वाई की वैल्यू कितनी हो गई टू तो पहला सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा कितना पहला सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा जीरो कॉमा टू दूसरा एट y इज इक्वल टू जीरो कितना x की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू तो दूसरा सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा टू कॉमा अगर तुम ग्राफ बनाते हो तो मान लो यहां पर है तुम्हारा टू कॉमा जीरो और यहां पर है क्या जीरो कॉमा टू तो तुम्हारी जो लाइन है वो कहां से होकर जाएगी तुम्हारी जो लाइन है वो होकर जाएगी तुम्हारा दूसरे पहले और चौथे क्वाड्रेंट से सीधी सी बात है क्वेश्चन का आंसर आ गया इतना इजी है भाई इतना इजी है दूसरे पहले और चौथे क्वाड्रेंट से होकर जाएगी तो देख लो भाई फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्वार ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्वार ऑप्शन नंबर डी कदम क्वेश्चन देखे जरा मुझे पता है ना ऐसे ही तुक्के भेड़ रहे हैं अनिल उपाध्याय बिमला आयुष जखवाल राघवेंद्र और सांत्वना अंश हितेश युविक्स आदित्य शुभम शुभम चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि थ्री इयर्स अगो सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन वाज फोर्टी इयर्स आफ्टर टू इयर्स द सम ऑफ एज ऑफ द फादर एंड हिज सन विल बी फोर्टी सिक्स ईयर फिफ्टी ईयर सिक्सटी ईयर्स बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सिक्सटी हैं तुम्हारे पास आंसर बताओ कौन सा करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी ढंग से आंसर देना ढंग से सोच समझ के पूरा टाइम दे रहा हूं ढंग से सॉल्व कर लो इसे चलो भाई देखो ये क्या कह रहा है पेन का रख दिया भाई हाँ तो ये बोल रहा है द थ्री ईयर्स अगो द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड इस सन इज फोर्टी ईयर्स तो उसकी अगर मैं करंट एज करंट एज ऑफ फादर अगर हम बोल दें एक्स ठीक है और करंट एज ऑफ सन अगर मैं बोल दू फादर एक्स और करंट एज ऑफ सन वाई, है? तो ये क्या कह रहा है थ्री अगो। तो यहां पर केस बोल रहा है तीन साल पहले का तो तीन साल पहले जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा इनकी एजेस में से तीन तीन साल कम करने पड़ेंगे ठीक है तो थ्री अगो आपका जो सम है फादर की एज कितनी होगी थ्री माइनस थ्री और सन की एज होगी वाई माइनस थ्री इन दोनों का जो सम है वो कितना है वो है तुम्हारा कितना वो कितना एक्स प्लस वाई माइनस थ्री माइनस थ्री हो गया माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू फोर्टी माइनस सिक्स इधर जाकर प्लस हो गया तो एक्स प्लस वाई इज टू आ गया फोर्टी सिक्स के ठीक है अब ये पूछ रहा है तुमसे क्या ये पूछ रहा है आफ्टर फ्टर टूर्स द सम ऑफ फादर एज एंड आपका किसका आपका सन एज तो देखो फादर एज कितनी हो जाएगी दो साल बाद करंट एज है भैया एक्स दो साल बाद हो एक्स प्लस टू ऐसे ही सन की करंट एज है वाई तो कर... दो साल बाद कितनी हो जाएगी वाई प्लस टू तो ये कितना हो गया ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई और टू प्लस टू कितना हो गया फोर एक्स प्लस वाई की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी फोर्टी सिक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू एज आफ्टर टू बी फिफ्टी ईयर्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट बेटा थोड़ा दिमाग लगाकर एक बार पढ़ लोगे क्वेश्चन को ढंग से अगर एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ भी लोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा ठीक है लेकिन वो ही है ना कि पढ़ना तो पड़ेगा ढंग से है ना पढ़ना तो पड़ेगा ढंग से ऐसे तो काम चलेगा नहीं चलो बताओ ट्वेंटी सिक्स परसेंट बालकों ने सही जवाब दिया बाकी कह रहे हैं फोर्टी सिक्स ऐसे कैसे काम चलेगा भाई ऐसे कैसे काम चलेगा ज्योति एम पुरुषनार्थ राथौर पुनासरा राथौर पुनस राथौर अगर मैं गलत नाम ले रहा हूं तो सॉरी भाई ठीक है क्रिएटिव अग्रवाल अभिजीत कुमार गुलाब यादव इट्स एन बी रिस्पेक्ट टीवी ट्यूब क्वेस्ट और प्रिया तिवारी हेमलता कुमारी चलो जी बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है फादर इज सेवन टाइम एज ओल्ड एज हिज सन टू ईर्स अगो द फादर वॉज थर्टीन टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन फादर प्रेजेंट एज ठीक है बताओ भाई फादर्स प्रेजेंट एज ये क्वेश्चन में ही करा देता हूं ठीक है लेट्स एज्यूम की फादर की जो करंट एज है करंट एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू है एक्स और करंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू है अ फादर इज़ टाइम्स ओल्ड सन, मतलब कि अपने भैया बेटे से सात साल बड़ा है वो, ठीक है मतलब सात गुना बड़ा है सेवन टाइम्स बड़ा है सात गुना बड़ा है ठीक है क्या है सात गुना बड़ा है ठीक है तो अगर आपके जो फादर की एज है वो क्या है वो आपके सन की एज से सात गुना ज्यादा है ठीक है सात गुना है ठीक है तो यानी कि x इज इक्वल टू सेवन वाई दूसरा क्या कह रहा है कि दो साल पहले वो तेरह गुना थी ठीक है तो दो साल पहले के, के केस में क्या होगा फादर की एज कितनी हो जाएगी दो साल पहले के, के केस में फादर की एज हो जाएगी x माइनस टू और ये किसके इक्वल होगी तुम्हारे बेटे की एज के तेरा गुना थर्टीन वाई माइनस टू तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू थर्टीन वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स तो इसे उठाकर इधर ले आओ तो अपने पास आ गया एक्स माइनस टू माइनस थर्टीन वाई प्लस ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो तो अपने पास निकल कर आ जाएगा एक्स माइनस थर्टीन वाई माइनस टू प्लस ट्वेंटी सिक्स हो गया हमारा कितना प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल्स टू जीरो एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है एक्स की वैल्यू है सेवन वाई तो ये हो जाएगा कितना सेवन वाई माइनस वाई प्लस ट्वेंटी जाकर माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सिक्स से, से डिवाइड करेंगे तो सिक्स फोर जा वाई की वैल्यू आ गई फोर तो अगर वाई की वैल्यू फोर है अगर y की वैल्यू फोर है तो x की वैल्यू कितनी होगी x की वैल्यू है हमारी कितनी x की वैल्यू है हमारी सेवन वाई यानी कि सेवन इंटू फोर यानी कि ट्वेंटी एट ईयर तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी एट ईयर्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी एट ईयर्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्लियर है भाई चलो अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन थ्री गिवन द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस देन फर्स्ट नंबर एंड द थ्राइस देन दं थर्ड नंबर इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर इज फोर्टी फोर देन वॉट इज द लार्जेस्ट नंबर मान लो तीन नंबर तुम्हारे पास ए बी सी है ठीक है तो उनका तुम्हें दे रखा है ए ए बी सी है तो द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस देन फर्स्ट नंबर तो बी जो है वो पहले वाले नंबर का बीच वाला नंबर पहले वाले नंबर का क्या है ट्वाइस है बी इज ट्वाइस ऑफ ए ठीक है इसके अलावा एंड थ्राइस देन दी थर्ड नंबर तो बी जो है वो थर्ड नंबर का थ्राइस है ठीक है इन तीनों का जो एवरेज दे रखा है एवरेज कितना है 44 है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन थ्री a की तुम्हें b की वैल्यू पता है किसमें a की वैल्यू यहां से निकल जाएगी b बाई टू ठीक है c की वैल्यू यहां से निकल जाएगी b बाई थ्री वैल्यू यहां पर पुट करो आंसर निकालो ये क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करोगे तुम लोगों के लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है ठीक है अब हम करने वाले हैं क्या हमारा अगला चैप्टर जो कि होने वाला है कौन सा जो कि होने वाला है तुम्हारा हिरोन्स फॉर्म्यूलास फॉर्म्यूला में कुछ नहीं है भाई बहुत ही ईजी चैप्टर है में हम ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे ठीक है डायरेक्टली मैं तुम्हें बताता हूं देखो हिरोन्स फॉर्मुला में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे ठीक तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को लेट नहीं करेंगे ज्यादा क्योंकि अपने पास टाइम कम है ऑलरेडी पांच साढ़े पांच घंटे क्लास हो चुकी है तो जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं ठीक है

एरिया ऑफ ट्राइंगल ये डायरेक्टली हमारा आ जाता है कितना ये आ जाता है एक सेकंड भाई चलो भाई तो देखो अब ये तो हो गया हमारा डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन बेस इन टू हाइट टू बेस इन टू हाइट अपने पास सिंपल सीरी सी बात है ठीक है इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं किस चीज की अगर मैं बात करता हूं हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की ठीक है तो इक्विलेटल ट्राइंगल अगर तुम्हारे पास कोई है तो उसका डायरेक्ट एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूं ठीक है इक्विलेट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम एरिया ऑफ इक्विलेट्राइंगल एरिया ऑफ क्योंकि देखो सीधी सी बात है तुम्हें जाना है कहां पर तुम्हें जाना है ओलंपियाड में ठीक है तो यहां पर तुम डायरेक्टली इक्विलेटल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट थ्री अपॉन फोर इंटू ए स्क्वायर जहां पर ए क्या है ए इसकी साइड है ए क्या है ए इसकी साइड है ठीक है अब देखो अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए मेरे पास कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए जिसकी मुझे बस तीनों साइड पता है मुझे इसकी हाइट वाइट नहीं पता मुझे इसकी हाइट वाइट नहीं पता मुझे बस इसकी तीनों साइड पता है कि एक साइड है ए एक साइड है बी और एक साइड है सी तो हम उस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल तो से हो जाता है कितना? ये इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट के अंदर कितना भाई ये इक्वल होता है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ठीक है जहां पर ए बी सी हमारी क्या है साइड ऑफ ट्राइंगल है ठीक है और ये जो एस है ये क्या है ये है हमारा ये क्या है भाई ये है हमारा सिंपल सा सेमी पेरिमीटर ये क्या है भाई सेमी पेरिमीटर सेमी पेरीमीटर कि किसके इक्वल होता है आपका पेरीमीटर बाय टू किसके इक्वल होता है आपका पेरीमीटर बाय बाय टू तो अगर मैं यहां पर पेरीमीटर निकालू तो पेरीमीटर कितना होगा पेरीमीटर कितना होगा पेरीमीटर कितना होगा भाई पेरीमीटर होगा ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय टू किस्सा अब देखो भैया पूरे चैप्टर में बस यही है और कुछ नहीं है बस यही है पूरे चैप्टर में खत्म तुम्हारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है यहां पर ठीक है अगर मान लो तुम्हारे पास तुम्हारा का एरिया निकालो और तुम्हें उस क्वारिलेटर की साइड पता है और एक डायगनल पता है ठीक है मान लो कोई भी एक साइड पता है और कोई भी एक डायगनल पता है तो तुम क्या कर सकते हो तुम उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करके उसका भी एरिया निकाल सकते हो हीरोन्स हिरो की हेल्प से ठीक है बस इस पूरे चैप्टर में यही है इस पूरे चैप्टर का जो जो असली मेन मेन मुद्दा है जो है वो है टॉपिक वो ये ठीक है वो क्या है वो है ये भाई साहब ये जो फॉर्मूला तुम्हारे सामने यहां पर लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी कलम किस्सा अब इसी पर बेस्ड हमें अलग अलग क्वेश्चन करने हैं तो सीधा शुरुआत करते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है ये बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा करने को है नहीं पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बीसीवेंटी फोर मीटर फोर्टी मीटर एंड थर्टी टू मीटर तो तुम्हें क्या दे रखा है तुम्हें साइड्स ऑफ ट्राइंगल दे रखी है और तुम्हें क्या निकालना है इसका एरिया निकालना है तो जल्दी से निकाल कर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर साइड्स पता है एरिया निकालना है जल्दी निकाल कर बताओ क्या होगा बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी चलो भाई चेक कर लें एक बार देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है तुम्हें ए पता है कितना है ट्वेंटी फोर तुम्हें बी पता है ए की वैल्यू है ट्वेंटी फोर बी की वैल्यू है तुम्हारा फोर्टी मीटर और सी की वैल्यू है थर्टी टू मीटर जब तुम्हारे पास ए बी सी तीनों है जब तुम्हारे पास ए बी सी तीनों है तो फिर कहा हो रहे हो ठीक है क्या करो सीधा सीधा एस की वैल्यू निकालो क्या होगा ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी प्लस थर्टी टू बाय टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू ठीक है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू देखो भाई क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सिक्स और चार दो छह तीन नौ नाइनटी सिक्स बाय टू तो इसे सॉल्व करेंगे ये आ गया हमारा फोर्टी एट ठीक है तो एस माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो भाई एस माइनस ए फोर्टी एट माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हो गया एस माइनस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट हो गया और एस माइनस सी कितना हो जाएगा तुम्हारा फोर्टी एट माइनस थर्टी टू यानी कि हमारा ए बी सी की वैल्यू आ गई सॉल्व करने के लिए टाइम कम पड़ रहा है चलो ठीक है मैं दे देता हूं आगे टाइम ठीक है सर ड्रिंक करते हो आप हाँ भाई देखो हम ड्रिंक के नाम पे पता है क्या करते हैं बस कॉफी चाय कोल्ड ड्रिंक हमारी ड्रिंक में बस यही चलता है बाकी अपन कुछ ड्रिंक नहीं करते ठीक है।, है आ जाओ पिताजी ने मना कर रखी है ना तो पिताजी की बात सुननी पड़ती है अपने की है ना सीधी सी बात है तो देखो क्या कह रहा है सारी चीजें अपने पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर रूट के अंदर एस एस की वैल्यू कितनी है फोर्टी एट एस माइनस ए कितना ट्वेंटी फोर एस माइनस बी सिक्स कितना एट और एस माइनस सी सिक्सटीन देखो फोर्टी एट को ब्रेक कर लेते हैं किसमें ट्वेंटी फोर इंटू टू में देखो अपने पास क्या आएगा ध्यान से देखो ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का स्क्वायर ट्वेंटी फोर के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे ट्वेंटी फोर आ गया ठीक है 8 टू जस 16, 16 इनटू 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर को 16 से स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ गया 16. दोनों की मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 16 4 जा 64 का 4 कैरी गया 6th 16 2 जा 32 और 6 हो गया कितना 38. तो अपने पास आ गया 384 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी थ्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत बी है यार अब तुम इसमें भी गलत आंसर करोगे क्या नहीं देखो अगर नहीं करना तो मुझे बता दो मैं क्लास को एंड कर देता हूं चला जाता हूं मैं ठीक है अगर तुम्हें तुक्के ही मारने हैं तो मुझे बता दो मैं क्लास को एंड करके निकल जाता हूं फिर भाई ठीक है क्यूट सॉन्ग्स क्रिएटिव अग्रवाल अनिल उपाध्याय प्रिया तिवारी निवियन तेजवीर और ड्यू गेमर भाई अगर देखो चार छह बच्चों को ही पढ़ना है तो फिर बता दो टाइम शॉर्ट है ठीक है भाई टाइम शॉर्ट है तो ठीक है टाइम दे देते हैं तुम्हें आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है ये कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन एंड अस्क्वायर आर इक्वल रेगुलर हेक्सागन जिसमें छ साइड होती हैं ठीक है रेगुलर हेक्सागन बोले तो जिसमें छह साइड होती हैं। सॉरी अनेबल टू रिकॉग्नाइज़ भैया ने तो रिकॉग्नाइज़ करने से ही मना कर दिया चलो वैसे ही बना लेते हैं फिर चलो ये हो गया आपका एक रेगुलर हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन हेक्सागन मतलब एक जिसकी छे के साइड इक्वल हो ठीक है जिसकी छे के साइड इक्वल हो ठीक है और कह रहा है वो इक्वल है।, है इन दोनों का पेरीमीटर जो है वो इक्वल है द रेशियो ऑफ हेक्सागन बताओ भाई तो देखो स्क्वायर जो है तुम्हारा ये तुम्हें बोल रहा है कि हेक्सागन का जो पैरामीटर है कितना होगा हेक्सागन का पैरामीटर हो जाएगा सिक्स ए क्वेश्चन बढ़िया है ठीक है हेक्सागन का पैरामीटर हो जाएगा सिक्स स्क्वायर का पैरामीटर होगा फोर बी अगर तुम उसकी साइड बी लेते हो क्योंकि फोर इन साइड होता है ठीक है तो अब अगर हम सॉल्व करें तो यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालू या ए रेशियो बी निकालू तो कितना आएगा भाई देखो ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना थ्री ए इज इक्वल टू टू बी जहां से ए की वैल्यू आ गई कितनी आपका टू बाय थ्री बी ठीक अब अगर तुम हेक्सागन का स्क्वायर निकालोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत यहां आती है हेक्सागन का स्क्वायर निकालने में देखो भाई जो तुम्हारा ये रेगुलर हेक्सागन होता है जब तुम इसके डायगनल्स को मिलाते हो तो तुम्हारा एक रेगुलर हेक्सागन हमेशा ध्यान रखना एक रेगुलर हेक्सागन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है ये चीज याद रखना ओलंपियाड के लिए है तो याद रखना तुम्हारा रेगुलर हेक्सागन हमेशा छ इक्विलेट्रल ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है छ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड होता है ठीक है तो जब ये छह इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में डिवाइड होगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई इसका एरिया कितना होगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तुम जानते हो एरिया ऑफ हेक्सागन देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तुम जानते हो उसकी साइड है ए एक इक्विलेटल ट्राइंगल का एरिया होता है रूट थ्री फोर इंटू ए स्क्वायर रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर लेकिन यहां पर कितने हैं यहां पर है छ तो बस कुछ मत करो यहां पर क्या करो सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो सिक्स इंटू रूट थ्री यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा टू थ्री रूट थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर ये होता है तुम्हारा एरिया ऑफ ए हेक्सागन एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ठीक है तो ये हो गया एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन एरिया ऑफ स्क्वायर इसे मैं बोल देता हूं ए वन ये हो गया तुम्हारा ए जाएगा साइड का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर ठीक है क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ हेक्सागन मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ हेक्सागन का रेशियो लेना है यानी कि आपका स्क्वायर को कैसे डिवाइड करें अबे स्क्वायर को क्यों डिवाइड करना है भाई है स्क्वायर को क्यों डिवाइड करना है का तो डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो तुम तो. हो जाएगा साइड इन टू साइड कितना हो जाएगा देखो अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो ए टू इज ए वन तुम्हें निकालना है स्क्वायर का रेशियो किसके साथ हेक्सगन के साथ तो ए टू इज ए वन यानी कि ए टू बाई ए वन ए टू की वैल्यू कितनी है ए टू की वैल्यू है तुम्हारी बी स्क्वायर और ए की वैल्यू कितनी है ए वन की वैल्यू थ्री रूट थ्री अपॉन टू ए स्क्वायर तो ये पलटकर ऊपर चला जाएगा तो अपने पास आ गया टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री रूट थ्री ये थ्री रूट थ्री ए स्क्वायर ठीक है तो ए की वैल्यू कितनी है टू बाई थ्री बी ठीक है ए की वैल्यू है टू बाई थ्री बी तो इसे यहां पर रख दो तो अपने पास आएगा टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री रूट थ्री की वैल्यू है टू बाय थ्री बी टू बाय थ्री बी का होल सॉल्व करके आंसर निकाल दो क्वेश्चन खत्म हो गया तुम्हारा देखो भाई कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा ये टू बी स्क्वायर अपॉन में थ्री रूट थ्री टू का स्क्वायर करेंगे फोर हो गया बी स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन तो तुम्हारे पास आएगा थ्री थ्री जा नाइन और टू टू जा फोर ठीक है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो ये थ्री ऊपर जाएगा और अपने पास कितना बचा ये थ्री ऊपर गया थ्री अपॉन यहां पर बचा टू रूट थ्री ठीक है तो थ्री अपॉन टू रूट थ्री क्या दे रखा है बिल्कुल बढ़िया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अपना खत्म क्वेश्चन थ्री अपॉन टू रूट थ्री इज आपसे करेक्ट किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे थ्री बाय रूट टू एक सेकंड रुको फिर हाँ ठीक है बिल्कुल सही है भाई ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा ठीक है क्लियर हो गई बात ए होगा बेटा अभिजीत ए कैसे होगा बताओ ए कैसे होगा डी होगा बेटा आंसर ए कैसे होगा बताओ तुम ए कैसे होगा डी होगा ना बेटा आंसर ए थोड़ी ना होगा डी होगा आंसर चलो संकेत जाओ भाई आगे देखो अब अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन दी गिवन द दी फिगर गिवन बिलो ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डी ई एफ जी एच आई आर दी सेक्टर ट्राई सेक्टर मतलब जो तुम्हारे थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ट्राई सेक्टर मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स एज शोन इफ दाइड ऑफ द ट्राइंगल इज सिक्स सेंटीमीटर दैन द एरिया ऑफ द रेगुलर है देखो भैया इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि डी ई एफ ध्यान से सुनो डी ई एफ जी एच

हमें पता है कि अगर एक साइड टू है तो ये रेगुलर हेक्सागन है। अगर एक साइड टू है तो बाकी सारी साइड साइड भी टू ये लो मिल गई। आंसर बताओ कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी तुम्हें ए की वैल्यू पता लग गई है कितनी है साइड पता लग गई है तुम्हें कितनी है जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ए बी सी या फिर डी चलो देखो ए की वैल्यू हमें पता लग गई साइड कितनी होगी साइड होगी हमारी टू तो ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर टू टू या फोर टू से एक पावर कट गई टू थ्री जहा कितना हो जाएगा सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म क्वेश्चन ये लो भाई सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट मुझे पता है तुम लोगों ने सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करी होगी इसे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्या बात है इस बार तो 80 बालको ने आंसर दे दिया क्या बात है भाई क्या बात है क्या बात है बहुत बहुत ही ही बढ़िया बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद बहुत सही इट्स एनबी गर्व यूविक्स सांत्वना आदित्य सक्षम यश अनिल अभिजीत और हेमलता बहुत बढ़िया बेटा अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एवरी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड देन A new triangle is formed. The ratio of the areas of these two triangles. तो भैया देखो इसने कुछ नहीं बोला किस टाइप का ट्राइंगल है हमें नहीं पता इक्विलीटर है आइसोलेसिसन है, है हम स्केल इन मान के चलते हैं ठीक है हम स्केल इन मानकर चलते हैं तो भैया मान लो एक स्केल इन ट्राइंगल है जिसकी साइड है एबीसी ठीक है जिसकी साइड है एबीसी तो उसमें क्या हुआ अगर एबीसी साइड है तो एरिया क्या होगा एरिया हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी जहां पर एस क्या है एस है तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है ना ये एस है अब क्या हुआ साइड जो है वो डबल हो गई साइड जो है वो डबल हो गई ठीक है तुम भी सॉल्व करो मैं भी सॉल्व करता हूं लगाओ दिमाग बढ़िया क्वेश्चन है ये एक सौ बीस सेकेंड तुम्हें दिए हैं 120 सेकंड दिया आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक है देखो भाई अब क्या हुआ साइड डबल हो गई साइड डबल हो गई तो जो हमारा नया सेमी सेमीपेरीमीटर आएगा वो कितना होगा वो होगा आपका पहली साइड थी ए बी सी नई साइड है टू ए टू बी और टू सी बाय टू यहां से टू कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी टू टू से टू कैंसिल आउट हो गया तो एस डैश की वैल्यू आ गई हमारी ए प्लस बी प्लस सी अब ये ए प्लस बी प्लस सी किसकेक्वल है अगर मैं यहां से ए प्लस बी प्लस सी वैल्यू निकालू तो ये कितनी आएगी ये आएगी तुम्हारा टू एस ठीक है कितनी आएगी टू एस यानी कि एस डैश की वैल्यू आ गई तुम्हारी टू एस अगर एस डैश की वैल्यू तुम्हारी टू एस आ गई तो जो तुम्हारा नया एरिया होगा जो कि मैं बोलता हूं ए टू यह हो जाएगा एस डैश इंटू एस डैश माइनस टू ए इंटू एस डैश माइनस टू बी और इंटू एस डैश माइनस टू सी तो आप अपने पास कितना आ जाएगा भाई देखो तो ए टू की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट के अंदर एस डैश की वैल्यू है टू एस टू एस माइनस टू ए टू एस माइनस टू बी और टू एस माइनस टू सी तो हमारे ए टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई देखो ये हो जाएगा टू यहां से टू कॉमन लेंगे यहां से भी टू कॉमन लेंगे और यहां से भी टू कॉमन लेंगे तो टू टू जाोर टू जाट टू जामन यहां से टू कॉमन यहां, यहां से टू कॉमन टू टू जा टूजा तो अपने पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्सटीन यहां से टू कॉमन लिया तो एस माइनस ए बचा एस यहां से टू कॉमन लिया तो एस माइनस बी बचा और यहां से टू कॉमन लिया तो एस माइनस सी बचा तो ए टू इज इक्वल टू आ गया कितना आपका एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी क्या था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी था ए वन रेशियो ऑफ दिसल पूछ रहा है ना तो अपने पास आ गया ए टू इज इक्वल्स टू इंटू एवन a1, अपॉन ए टू निकालना है फोर इधर आ जाएगा ए टू इधर आ जाएगा तो, 4 is the correct answer, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया वन रेशियो फोर ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो गया क्लियर है सबको क्लियर है सबको भाई जल्दी से बताओ ऑप क्वेश्चन क्लियर है वाला भी सबको चलो बहुत बढ़िया योविक्स इट्स एन बी गेम जोन अभिजीत क्रिएटिव अग्रवाल प्रज्वला पूनम वंश सोनू और हेलो बफेलो भाई देखो जो बालक पढ़ रहे हैं अपन उन्हें पढ़ा रहे हैं ठीक है जिसे जाना है वो जा सकते हो मैं मना नहीं कर रहा हूं मैंने नहीं रोक रखा है भैया जाना है जा सकते हो तुम बाद में इस क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है लेकिन ये बार बार प्लीज ये बोलना बंद कर दो कितनी स्लाइड बची है कितने चैप्टर बचे हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कर लो यार है ना मैं भी तो पढ़ा रहा हूं मैं तो कंटिन्यूस बोल रहा हूं तुम्हें तो बैठ के पढ़ना है बस वहां पे है ना चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है द हाइट ऑफ ए इक्विलेटल ट्राइंगल इज रूट सिक्स सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज तो देखो इक्विलिटल ट्राइंगल की तुम्हें हाइट दे रखी है ठीक है इक्विलेटर ट्राइंगल की तुम्हें हाइट दे रखी है तुमसे पूछ रहा है कि इसका जो एरिया है वो क्या होगा इक्विलिटर ट्राइंगल है इन भाई साहब की हाइट दे रखी है कितनी है हाइट रूट सिक्स ठीक है मान लो लंगल की हाइट कितनी है ये ए है ठीक है तो यहां से जब तुम हाइट लोगे ये तो ये हाइट क्या करेगी ये तुम्हारे इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी यानी कि ए बाई टू होगा ये भी ए बाई टू होगा ठीक है तो अगर तुम्हें ए की वैल्यू मिल जाए तो तुम आराम से क्या निकाल सकते हो वन ऑफ टू बेस इन टू हाइट करके एरिया निकाल दोगे हाइट तो तुम्हारे पास है बेस नहीं पता बस तुम्हें तुम्हें ए की वैल्यू चाहिए तुम क्या करो जो ये वाला ट्राइंगल है इसमें क्या लगा दो पाइथागोरस तो थ्योरम लगा दो किसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के यानी कि ए बाई टू का स्क्वायर प्लस रूट सिक्स का स्क्वायर सॉल्व कर लो कितना आएगा ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर ये होगा ए स्क्वायर बाय फोर इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो ए स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल टू रूट सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया सिक्स एलसीएम लेंगे फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया थ्री ए स्क्वायर बाय फोर इज इक्व सिक्स थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स फोर के मल्टीप्लाई टू में करेंगे निकाल दो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा एरिया हो जाएगा वन अपॉइंट टू बेस इन टू हाइट बेस कितना है बेस है ये अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बेस तो सेम ही रहेगा तीनों की साइड ए होंगी तो ये कितना हो गया ए तो ए की वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू है रूट एट इंटू हाइट कितना है रूट सिक्स तो अपने पास कितना आ जाएगा ये आ जाएगा रूट के अंदर वन अपॉइंट टू इंटू रूट के अंदर एट सिक्स ट्वेंटी फोर या फिर हम इसे लिख सकते हैं कितना सॉरी एट सिक्स या फोर्टी एट या फिर हम इसे लिख सकते हैं कितना वन अपॉइंट टू

आ गया समझ में किसी को कोई दिक्कत बेटा इसके बाद लीडर बोर्ड देखते हैं ये वाला लास्ट क्वेश्चन है ठीक है ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए होमवर्क है।, है, right है और तुम्हें क्या दे रखी है हाइपोटेन्यूस तुम जानते हो क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा मान लो परपेंडिकुलर इसका एक्स है तो क्या होगा स्क्वायर टू एट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्टी फोर माइनस हंड्रेड माइनस सिक्स टू एट इंटू सिक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया ठीक है तो ये तुम खुद से करोगे ये तुम खुद से करोगे अब देखो भैया तुम लोगों का लास्ट वो देख लेता हूं मैं एक बार लीडर बोर्ड तो दिखाओ जरा जल्दी से वंश प्रताप सिंह यूविक्स अनिल दीपू स्प्लैश स्प्लैश हाउ आयत फातिमा प्रसाद तेजवीर अंशुमन संतवना और यहां पर हमारा जो चैप्टर है वो हो चुका है कंप्लीट ठीक है वो हो चुका है कंप्लीट अब हमारे पास आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ठीक है तो यार देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में और कुछ नहीं है ठीक है कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी ठीक है एक तो इसके सारे फॉर्मुलाज याद रखने हैं तुम लोगों को ठीक है फॉर्मूला में एक बार बता देता हूं हर एक उसका ठीक है फॉर्मूला यहां पर लिखे हुए हैं ठीक सारे उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये तुम्हें मिल जाएंगे नोट्स में ठीक है ये तुम्हें नोट्स में मिल जाएंगे लास्ट चैप्टर है इसके बाद क्लास एंड करेंगे हम ठीक है ये लास्ट चैप्टर है इसके बाद क्लास एंड करेंगे कोशिश करता हूं जितनी जल्दी हो पाएगा खत्म कर दूंगा मैं देखो तो क्यूब और क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं क्यूब और क्यूबॉइड क्यूब से स्टार्ट करते हैं तो क्यूबॉइड हमारा क्या होता है क्यूबॉइड हमारा बॉक्स होता है तुम लोग जानते हो क्यूबॉइड के बारे में ऑलरेडी क्यूबॉइड क्या होता है क्यूबॉइड हमारा एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है ठीक है जो कि सॉलिड होता है जनरली काइंड ऑफ दिस ठीक ये रहा ठीक है इसमें एक लेंथ होती है एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है ठीक है एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है ठीक है तो एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है अब यहां पर अगर हम बात करें हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की तो देखो भाई सबसे पहले क्यूब और क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले क्यूबॉइड की हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो क्यूबॉइड का हमारे पास दो तरीके के सरफेस एरिया होते हैं ठीक है एक तो आपका टोटल सरफेस एरिया एक लिटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया आपका सिंपल है टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ जहां पर आपके जो सिक्स फेसिस है ये जो सिक्स फेसिस है जो कि रेक्टेंगुलर होते हैं जैसे कि मान लो ये हो गया लेंथ ये हो गई इसकी ब्रेथ तो अगर तुम्हें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना इसके लिए क्या है एक ब्रेथ है और लेंथ यहां पर क्या हो जाएगी एच हो जाएगी तो अगर तुम इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा वो होगा एच इंटू ठीक और सेम ऐसे ही मान लो तुम्हें ये फ्रंट वाले का एरिया निकालना है तो क्या होगा इसमें एक लेंथ है और एक हाइट है तो इसका एरिया हो जाएगा एल इन टू एच तो अब ऐसे हमारे पास दो फेस होते हैं एक फ्रंट में एक पीछे एक ऊपर एक नीचे एक साइड में और एक इधर। तो 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 पास फाइनली टू कॉमन लेकर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाता है टू इंटू ब्रेथ प्लस हाइट इंटू लेंथ तो ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई सरफेस एरिया अब इसके बाद क्या आता है इसके बाद आता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम छत और जमीन का एरिया छोड़ देते हैं छत और जमीन का मतलब दो फेसेस का एरिया छोड़ देते हैं केवल हम साइड वाली जो चार दीवारें होता है इनका एरिया लेते हैं जो कि क्या होता है आपका बी इन टू एच टू इन टू बी इन टू एच और तुम्हारा टू इन टू एल इन टू एच तो टू इन टू बी इन टू एच प्लस टू इंटू एल इंटू एच तो यहां से एच कॉमन आ जाता है और टू कॉमन आ जाता है तो हमारे पास बचता है बी प्लस एल इंटू एच तो ये होता है तुम्हारा लेटरल सर्फेस एरिया लेटरल सर्फेस एरिया में क्या होता है लेटरल सर्फेस एरिया में तुम्हारे या फिर एक काम करें क्या डायरेक्ट क्वेश्चन ही कर लेना बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन करा दू क्या बताओ भाई डायरेक्ट क्वेश्चन करा दू क्या क्वेश्चन में से ही फिर तुम देखते हुए चलना क्वेश्चन में ही तुम्हें सारे फॉर्मूले बताता रहूंगा जल्दी से बताओ डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा दू क्या क्वेश्चन में तुम्हें सारे फॉर्मूले बताता रहूंगा मैं हाथों हाथ टाइम कम लगेगा फिर अरे बहुत बढ़िया डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराते हैं फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराते हैं है ना और क्वेश्चन फॉर्मूले वैसे तो यहां लिखे हुए हैं ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन है। कराते हैं और क्वेश्चन सेंटीमीटर हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दी क्यूबॉइड अब देखो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी क्या कि तुम्हारा जब तुम किसी भी चीज को क्या करते हो मेल्ट करके कोई दूसरी फिगर बनाते हो जब तुम एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरी फिगर बनाते हो या दूसरा सॉलिड बनाते हो तो उसमें एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी क्या वो है कि तुम्हारा वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा कि तुम्हारा जो वॉल्यूम पहली वाली फिगर का था सेम वॉल्यूम दूसरी वाली फिगर का होगा जब तुम एक फिगर को मेल्ट करके एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरी क्या बनाते हो दूसरा सॉलिड बनाते हो ठीक है तो जैसे कि यहां पर ये कह रहा है कि एक diamond, एक था 18, 9, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का ठीक है उसे मेल्ट करके तीन क्यूब्स बनाए गए ठीक है मतलब कितने हाउ मेनी क्यूब्स बनाए गए हमें नहीं पता कितने बनाए गए ये कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स ठीक है कितने सेंटीमीटर साइज के थ्री सेंटीमीटर के तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा कुछ मत करो दोनों का वॉल्यूम उठाकर सेम कर दो आंसर आ जाएगा देखो भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेटू ब्रेथ इंटू हाइट याद रखना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ ब्रेथ हाइट ठीक है तो ये है हमारे पास लेंथ है 18 ब्रेथ है 12 और हाइट है 9 सेंटीमीटर और ये किसके इक्वल हो जाएगा जितने आपके क्यूब्स बने हैं उनके वॉल्यूम के तो हमें तो पता नहीं कितने क्यूब्स बने है, ठीक है सारे के सारे सेम साइज के क्यूब है ये पता है तो अगर मान लो एक क्यूब हमारे हमें नहीं पता कितने क्यूब बने है. हमने मान लिए एन क्यूब्स बने है. ठीक है तो अगर मुझे एन क्यूब्स का वॉल्यूम निकालना है और मुझे एक क्यूब का वॉल्यूम पता है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं एन क्यूब्स का वॉल्यूम एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब सीधी सी बात है एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब कितना होगा देखो आपका क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब ठीक है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है भाई क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब ठीक है तो अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों देखो एन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एटीन इंटू ट्वेल्व इंटू नाइन और थ्री की क्यूब करेंगे तो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन इधर डिवाइड में आ जाएगा ये वैल्यू आ गई एन की इसे सॉल्व करके एन की वैल्यू निकाल लो तो हमारे पास नंबर ऑफ क्यूब्स निकल के आ जाएगा नाइन थ्री जा और थ्री सिक्स जा तो ट्वेल्थ सिक्स जा कितना हो गया ट्वेल्थ सिक्स जा सेवेंटी टू तो एन की वैल्यू आ गई सेवेंटी टू यानी कि सेवेंटी टू क्यूब आपके बनाए जा सकते हैं किससे एक सेंटीमीटर क्यूब वाले क्यूबॉइड को मेल्ट करके ठीक है क्लियर हो गई बात सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन जल्दी से बताओ चमका के नहीं चमका ये क्वेश्चन जल्दी बोलो भाई सर कितने बजे तक चल सकती है यार देख अगर Uh, जैसा हिसाब चल रहा है साढ़े दस तक खत्म कर देंगे ठीक है कोशिश में यही कर रहा हूं कि साढ़े दस तक कर दू जैसे तैसे ठीक है जल्दी से जल्दी ठीक तो तुम लोग जल्दी से जल्दी आंसर करो मैं जल्दी से जल्दी खत्म करता हूं ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है रेडियस ऑफ टू कोन की रेडियस है तुम्हारी कितनी पढ़ लेते हैं पहले रेडियस ऑफ टू आर रेशियो ऑफ थ्री टू वन एंड दी हाइट आर इन द रेशन टू थ्री ठीक है रेडियस का रेशियो दे रखा है कितना दिया हुआ, है दिया हुआ है तुम्हें कितना तुम्हारा ठीक है अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है ठीक है तो मान लो पहले क्यूब का वॉल्यूम है वी वन तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब याद रखना वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वन अपॉन थ्री पाई आर एच। तो ये क्या हो जाएगा पहले क्यूब की रेडियस है आर वन और हाइट है एच वन तो ये हो गया वन पॉइंट थ्री पाई आर वन स्क्वायर एच वन ठीक है पोल लगा देते हैं तुम लोग इतने आंसर करो मैं भी इसे इतने सॉल्व करता हूं बताओ भाई पोल लगा दिया गया है आंसर बताओ मैं भी सॉल्व करता हूं ठीक है तो देखो भाई V1 की वैल्यू ये हो गई V2 की वैल्यू क्या होगी वन अपॉइंट थ्री पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच टू तो हमें इन दोनों का क्या चाहिए हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए यानी कि हमें क्या चाहिए हमें चाहिए V1 वन अपॉन वी कितना आएगा भाई वन अपॉइंट थ्री पाई आर वन स्क्वायर इंटू एच वन अपॉन वन अपॉइंट थ्री पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच टू तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो की वैल्यू है थ्री थ्री जा नाइन तो ये आ गया कितना थ्री वन जा थ्री अपॉन वन तो हमारे पास जो वॉल्यूम्स का रेशियो निकल कर आ गया वी वन इजू वी टू वो कितना आ गया वो आ गया थ्री टू वन ये लो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया थ्री इज टू वन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन नंबर ए थ्री इज टू वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत हाँ भाई किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताओ किसी भी बालक को कोई दिक्कत यहां तक बोलो बोलो मन के राज खोलो खोलो जल्दी बताओ जल्दी 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 हा सर डाउट है मीना मिश्रा क्या डाउट है भाई बताओ मीना मिश्रा क्या डाउट है बताओ चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है एरिया ऑफ सिक्स सरफेस ऑफ ए क्यूब आर ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो पहले तो मैं तुम्हारे पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देता हूं ठीक है तो 80 परसेंट बालकों ने सही जवाब दिया था तेजस यूविक्स बुलेट किंग सांत्वना वंश प्रताप प्रिंस अभिजीत क्यूट राधा पूनम आयत फातिमा ठीक है चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो और इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक टिगड़म लगानी पड़ेगी ठीक है क्या तुम्हारा क्यूबॉर्ड दे रखा है और क्यूबॉइड में तुम्हें बोला है कि 12, 12, 20, 20 और 15, 15 ठीक है ऐसे एरिया दे रखे हैं तुम्हें फेसेस के ठीक है तुम्हें फेसेस के एरिया दे रखे हैं मान लो ये है लेंथ ये है ब्रेथ और ये है हाइट ठीक तो सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं अगर मैं तुमसे पूछू सिंपल सी मुझे एक चीज बताना कि तुम्हारे पहले पहला जो तुम्हारा रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना होगा पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ इनटू ब्रेथ लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है पहले रेक्टेंगल का एरिया में दे रखा है ट्वेंटी तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया ट्वेंटी ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर सेम इसी तरीके से ब्रेथ इनटू हाइट दे रखा है कितना हमारा एरिया कितना ट्वेल्व तो ब्रेथ इनटू हाइट ट्वेल्व है सेंटीमीटर स्क्वायर और अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारा ये जो फ्रंट वाला है लेंथ इनटू हाइट लेंथ इनटू हाइट ये कितना दे रखा है लेंथ इनटू हाइट हमें दे रखा है कितना ये हमें दे रखा है हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो कर दे जरा इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई क्या डाउट है बेटा मीना मीना एक बार बताओगे मीना? इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है तो ये हो जाएगा कितना एल इन टू बी इंटू एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी का होल स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर हट गया अपना एल इंटू बी इंटू एच कितना क्यूब ये लो यही तो चाहिए था एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास कितना आ गया सिक्सटी सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्लियर आंसर केवल और केवल एक बच्चे ने सही जवाब दिया है तेजस मैथमेटिक्स बाकी किसी ने नहीं दिया भाई साहब केवल और केवल एक बालक ने सही जवाब दिया इस क्वेश्चन का वाह मेरे शेर वाह एक ही बच्चे ने तमीज से क्वेश्चन किया है बाकियों को समझ में भी आया या नहीं बेटा मीना मैं पागल हूं या नहीं हूँ ये तो तब पता चलेगा जब आप डाउट पूछोगे है ना आप खाली ये डाल रहे हो सर डाउट है 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 है ना मुझे कैसे पता चलेगा कि बिना डाउट तुम्हारा डाउट क्या है बिना डाउट भेजे मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हारा डाउट क्या है अभी तुम्हारे लास्ट के तीन कमेंट में उठाकर देख रहा हूं कि सर पागल हो डाउट ही नहीं बता रहे हो डाउट बता दीजिए ठीक है और तुम्हारा और क्या है सरवेट क्यों लिख रहा हूं अभी तक क्वेश्चन तुमने लिखा नहीं है और तुम पागल मुझे बता रहे हो हैं क्या चाहते हो भाई हैं क्या चाहते हो नहीं चाहते क्या हो नहीं बताओ मुझे मीना हैं चाहते क्या हो आ जाओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया ना एक बार जल्दी से बताओ सबको क्लियर हो गया अरे कोई बात नहीं मीना इतना परेशान नहीं होते जल्दी बताओ सबको क्लियर हो गया मैंने आंसर दिया था बट एक सेकंड लेट चलो कोई बात नहीं भाई 120 सेकंड दिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साठ दिए थे क्या चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इफ दॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए फेयर आर न्यूमेरिकली सेम देन इट्स रेडियस तो यह हमसे कह रहा है कि एक है जिसका एरिया और वॉल्यूम जो है वो सेम है ठीक है वो क्या है वो सेम है न्यूमेरिकली वो सेम है तो उसकी रेडियस क्या होगी अगर मैं उसकी रेडियस आर मान लेता हूं तो तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं ठीक है 120 सेकंड है तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी तो देखो भाई क्या कह रहा है वॉल्यूम ऑफ फेयर याद होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ फेयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ फेयर होता है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब ये इक्वल है किसके सरफेस एरिया ऑफ फेयर के ये किसके इक्वल होता है तुम्हारा फोर पाई आर स्क्वायर के ठीक है तो कह रहा है कि भैया निकाल दो किसकी वैल्यू अपना रेडियस की वैल्यू रेडियस आर है देखो भाई फोर से फोर कैंसिल पाई से पाई कैंसिल ठीक है आर स्क्वायर अपना इधर आ जाएगा तो अपने पास आ गया आर क्यूब अपॉन थ्री इज इक्वल टू आर स्क्वायर थ्री इधर जाएगा स्क्वायर इधर आ जाएगा अपने पास आ गया क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री डिवाइड करेंगे आर की वैल्यू आ गई थ्री आ रही आर की वैल्यू है थ्री खत्म क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन और कुछ बचा क्या और कुछ बचा क्या जल्दी बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग थीटा इज इन एक्यूट एंगल थ्री सेक बेटा मीना मिश्रा ये अगर तुमने इस क्लास का डिस्क्रिप्शन पढ़ा हो तुमने अगर थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी इस क्लास का डिस्क्रिप्शन पढ़ा हो मेरे लाल तो तुम्हें पता होगा कि ये क्लास नाइन्थ की क्लास है है ना और तुम्हें ये भी पता होगा कि क्लास नाइन्थ जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है है ना मैं बताने से मना नहीं कर रहा हूं बट बाकी बच्चों का भी तो देखो यार टोटल अभी फिफ्टी फाइव स्टूडेंट्स बैठे हैं फिफ्टी फोर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री का ये भी नहीं पता कि ट्री क्या होता है समझ रहे हो उन्हें ट्रिग्नोमेट्री का ट्री भी नहीं पता समझा करो यार ये चीज चलो क्लियर है भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताओ भाई किसी और बालक को आता हो तो प्लीज एक बार यार सॉल्व करके मीना को बता देना उसका डाउट है मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डाउट सॉल्व मत करना सॉल्व तो कर दो यार किसी और बालक को आता हो तो सॉल्व करके बता दो और मीना अगर मुझे भी आया तो मैं बाद में तेरे कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दूंगा टेंशन ना ले मैं देख के बाद में कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दूंगा ठीक है चलो देखो भाई आ, फोर से फोर कैंसिल पाई से पाई कैंसिल अपने पास क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना सरफेस एरिया वॉल्यूम खत्म करना है ऑलरेडी इतनी लेट हो चुकी है क्लास है ना तो मैं कर दूंगा ठीक है चलो यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना ऑप्शन करेक्ट गै क्या नाम है जीएसएस दो तिना युविक प्रसाद सोनू क्यूट सॉन्ग वंश अथर्व बुलेट राधा आदित्य बहुत सही बेटा चलो अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देख ले क्या कह रहा है देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अ कोन हैज रेडियस आर एंड हाइट एच इट्स मेल्टेड थ्री आइडेंटिटिकल कोन्स आर फॉर्म्ड ईच हैविंग सेम रेडियस ईच हैविंग दी सेम रेडियस ठीक है एज दी ओरिजिनल एंड कोई एच कैपिटल एच देन दैल्यू ऑफ एच अपॉन स्मॉल स्मॉल तो देखो ये बोल रहा है कि आपका एक था ठीक है जिसकी रेडियस कुछ भी थी मान लो आर थी उसकी रेडियस ठीक है और हाइट थी स्मॉल एच रेडियस स्मॉल आर और हाइट थी स्मॉल एच अब वो कह रहा है कि इसे मेल्ट करके तीन छोटे कोन बनाए गए या तीन अलग अलग कोन बनाए गए ठीक है जिनकी रेडियस तो सेम है पहले की तरह बस उनकी हाइट जो है वो कैपिटल एच हो गई तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब आपका किसी एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड बनाए जाते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या रहता है वॉल्यूम सेम रहता है वॉल्यूम नहीं बदलता है ठीक है तो बस बड़े वाले जो तुम्हारा कोन था उसका वॉल्यूम बाकी के तीनों के इक्वल कर दो और आंसर बताओ क्या होगा देखो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री स्मॉल एच ठीक है और आगे क्या है थ्री आइडेंटिकल कोन्स बने हैं, ठीक है थ्री इंटू एक कोन का वॉल्यूम हो जाएगा वन अपॉन थ्री पाई रेडियस सेम है आर स्क्वायर और कैपिटल एच ठीक है अब यहां पर क्या हुआ है कि थ्री से मल्टीप्लाई क्यों करी मैंने थ्री से मल्टीप्लाई मैंने इसलिए थ्री कैंसिल हो गया अपने पास क्या बचा अब यहाँ पर पाई से पाई गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया हमें कैपिटल एच अपॉन स्मॉलना तो वन अपॉइंट थ्री टू स्मॉल एच को इधर ले जाओ तो हमारे पास आ गया कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच तो वन अपॉन थ्री आ गया कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच की वैल्यू खत्म क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट अभी तो बहुत देर बची यार हमने तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ऑलमोस्ट आधे टाइम में सर कोन में पाई आर एच क्या होता है समझा देता हूं मेरे लाल देखो पाई तो भाई पाई होता है पाई में कुछ नहीं है पाई का मतलब कुछ नहीं है पाई तो पाई होता है ठीक है कौन तुमने बड्डे वाली टोपी देखी है बड्डे वाली टोपी बड्डे वाली टोपी कैसी होती है वो ऊपर से गोल होती है फिर नीचे कैसी होती चली जाती है चोच बनती चली जाती है आइसक्रीम का कौन देखा होगा ठीक है तो उसमें क्या होता है एक एरिया तो सर्कल वाला होता है नीचे वाला एरिया कैसा होता है नीचे वाला एरिया तो सर्कुलर होता है और ऊपर बनी होती है चोच तो नीचे वाले एरिया की अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर एरिया की कुछ रेडियस होगी तो नीचे वाले एरिया की रेडियस को हम बोलते हैं आर और उस नीचे वाले एरिया से लेकर ऊपर जो चोच तक की जगह है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम हाइट एच और ये जो इसकी थिरची जगह होती है इस तिरछी जगह को हम बोलते हैं स्लैंड होती है स्क्वायर रूट के अंदर आर है तो ये होता है सब कुछ आई होप अब क्लियर हो गया होगा ठीक है भाई क्लियर हो गया आगे समझ में अटॉयज़ इन दोल्टेड ऑन ए हेमी स्फेयर ऑफ कॉमन बेस रेडियस सेवन द टोटल हाइट ऑफ दर्टी वन फाइंड दर्फेस एरिया अरे तो बेटा तो टोटल सरफेस एरिया में काम करना कउट सरफेस एरिया ऑफ हेमी है लेउट सरफेस एरिया ऑफ हेमी ले ले और कौट सरफेस एरिया ऑफ कोन ले ले ठीक है, है हाइट तुझे पता है हेमी की कितनी है मतलब हेमी कह रहा हूं रेडियस तुझे पता है सेवन है ठीक तो हेमिसफेयर की रेडियस भी कितनी हो जाएगी सेवन हो जाएगी और टोटल थर्टी वन हाइट में से क्या कर अपना जो हेमी की रेडियस है वो माइनस कर दे थर्टी वन माइनस सेवन कितना निकाल ले? से? पाई आर एल से स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी तुझे सीधी सी बात है ठीक है स्लैंड हाइट का फॉर्मूला ये लिखा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आर की वैल्यू सेवन है एच की वैल्यू ट्वेंटी फोर है स्लैंट हाइट निकल जाएगी तेरी फोर्टी नाइन प्लस ट्वेंटी फोर की वैल्यू होगी कितना 49 24 की वैल्यू होगी तुम्हारा uh, का स्क्वायर हो जाएगा 576. तो 576 और हो हो जाएगा 625, 625 का स्क्वायर कितना गया तो L की की वैल्यू वैल्यू तेरी एरिया ऑफ क्या होता है PRL, PRL, ठीक है L की 25 है ठीक और अपना जो करता है? कर है, है कर ले सॉल्व अब भैया मीना मिश्रा पूरा क्वेश्चन करा दिया है मुंह जुबानी करा दिया है तो कर लेना क्वेश्चन और मुझे पता है ये क्लास टेंथ के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला ही दूसरा क्वेश्चन है ठीक है जानता हूं मैं इस चीज को ठीक है तो कर लेना ये क्लास टेंथ का था वैसे जो मैंने अभी अभी हवा हवा में बता दिया है तुम्हें ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज बाय फिफ्टी परसेंट ठीक है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज बाई फिफ्टी परसेंट एंड हाइट इज इनक्रीज बाय फिफ्टी परसेंट ठीक है फ्रॉम अ न्यू सिलेंडर देन वॉल्यूम ऑफ विल बी तो देखो भाई तुम्हारा तुम्हारा सबसे पहले मान लो सिलेंडर की जो रेडियस है आर है और हाइट है एच तो उसका वॉल्यूम विवन क्या हो जाएगा सिलेंडर की हाइट है आर और वॉल्यूम आपका सॉरी uh, सिलेंडर की रेडियस है आर और वॉल्यूम है एच सॉरी सिलेंडर की रेडियस है आर और हाइट है एच ठीक है तो उस केस में वॉल्यूम क्या होगा तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई तो हो वो कितनी रिड्यूस हो गई 50 परसेंट रिड्यूस रेडियस जो है वो 50 परसेंट रिड्यूस हो गई तो न्यू रेडियस कितनी हो जाएगी देखो भाई तो पहली रेडियस थी आर इसमें से आर का फिफ्टी परसेंट जो है वो रिड्यूस कर दो आर का फिफ्टी परसेंट यानी कितना आ गया अपने पास आ गया आर बाई टू ठीक तो आर बाय टू क्या हो रहा है आर बाय टू इसमें से डिक्रीज हो गई फिफ्टी परसेंट डिक्रीज हो गई तो फिफ्टी परसेंट डिक्रीज करोगे तो यो आ गया आर बाई टू ठीक है न्यू हाइट कितनी हो जाएगी न्यू हाइट कितनी हो जाएगी भाई आपका 50 परसेंट इंक्रीज हो रही है हाइट 50 परसेंट इंक्रीज हो रही है तो एच का 50 परसेंट तो फिर वही एच इन टू फिफ्टी बाई हंड्रेड कितना हो जाएगा आपका एच बाई एच बाई टू तो यानी कि एच प्लस एच बाई टू तो अपने पास हो गया कितना टू एच प्लस एच यानी कि थ्री बाई टू इंटू एच तो यह आ गया अब हमसे कह रहा है न्यू वॉल्यूम निकाल लो नया वॉल्यूम निकालोगे वी टू कितना हो जाएगा भाई ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर चल रहा है ना अभी तक भी ऑप्शन नंबर बी चलो भैया पोल डायरेक्टली देखेंगे अब जल्दी जल्दी सीधा निपटा देते हैं क्वेश्चंस को अब लास्ट में ही पोल करेंगे अब रेन दो ठीक है देखो भाई वी टू की वैल्यू निकालते हैं वी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी टू की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी देखो भाई पाई आर स्क्वायर एच ठीक है आर की वैल्यू कितनी है आर बाय टू और एच की वैल्यू है कितनी थ्री बाई टू इंटू एच तो अपने पास कितना आ गया पाई आर स्कवायर अपॉन फोर इंटू थ्री बाई टू इंटू एच तो ये कितना हो जाएगा फोर टू ja 8 यानी कि थ्री बाई एट पाई आर स्क्वायर एच ठीक है थ्री बाई एट इंटू पाई आर स्क्वायर एच तो ये वी टू की वैल्यू हो गई है, V2 की वैल्यू कितनी है भाई थ्री बाई एट वी वन पा स्क्वायर एच वी वन था ठीक है तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें डिक्रीज कितना हुआ डिक्रीज इन वॉल्यूम निकाल लो भाई डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा तुम्हारा डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा तुम्हारा थ्री बाई एट वी वन v1 डिक्रीज इन वॉल्यूम हो गया v1 माइनस 3 8 v1 या फिर मैं बोलू v1 v2 तो हमारे पास हो गया v1 माइनस 3 8 v1 तो ये हो गया 8 v1 माइनस 3 v1 तो ये हो गया 5 बाय 8 v1 ठीक है तो अब इसकी परसेंटेज तुम निकालोगे कितना हो जाएगा इसकी परसेंटेज तुम निकालोगे कितना होगा परसेंटेज हो जाएगा तुम्हारा डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन न्यू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू ंड्रेड यही होगा ना डिक्रीज इन वॉल्यूम इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन हंड्रेड ऐसे ही कुछ होगा ना देखो भाई v1 v1 से वीवन गया ठीक है ये फाइव बाई एट इंटू हंड्रेड फोर से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना फोर जा सॉरी फोर से कह रहा हूं हा ट्वेंटी फाइव फोर जा और ट्वेंटी फाइव 2.5 और ये हो जाएगा 62.5 62.5 62.5 हमारा डिक्रीज हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट किसी को कोई दिक्कत किसी भी बालक को यहां तक कोई दिक्कत जल्दी से बताओ किसी भी बालक को यहां तक कोई दिक्कत जल्दी बताओ भाई चलो सर यू आर हैंडसम भाई पता है मुझे अभी तो हैंडसम नहीं अभी तो टायर्ड हूं ठीक है देखो यार अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ठीक है तुम लोग आराम से कर सकते हो काफी सारे क्वेश्चन है यहाँ पर ठीक है जो कि तुम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो ठीक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो कि तुम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो यूज तुम्हें नोट्स मिलेंगे वहां से कर लेना ठीक है आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ अपनी तरफ से ठीक है तुम लोग अब जितने ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट सेशन जो है तुम्हारा मैथ्स का वो होगा तुम्हारा आ, क्या कहते हैं थर्सडे में ठीक है तो उसके लिए रेडी रहना बाकी तुम्हारा जो मंडे है मंडे को तुम्हारा केमिस्ट्री का सेशन होने वाला है क्लास नाइन्थ का एनएसओ का तो रेडी रहना उसके लिए भी मैं तुमसे मिलूंगा तुम्हारे अब अगले सेशन में तब तक के लिए सारे बालक अपना ध्यान रखो ठीक है तुम लोगों का लीडर बोर्ड में देख लेता हूं ठीक एक सेकंड रुक जाओ भाई लीडर बोर्ड ये रहा पूरी क्लास का जो लीडर बोर्ड रहा है वंश प्रताप सिंह योविक्स अपना अनिल उपाध्याय आयत फातिमा स्प्लैश हाउ, तेजवीर, संतवना, प्रसाद आदित्य अंशुमन सुमन कुमार तेजस, न्यूटो राघवेंद्र जयपंत लर्न, प्रिंशु हेलो बफेलो, मन हिमांश तो भैया ये अपने टॉप ट्वेंटी रहे हैं वैसे तो सारे बालक है तुम देख सकते हो अपने अपने नाम भाई ये रहा देखता हूं मैं कहां तक जाता है ये फिफ्टी तक जाएगा क्या फिफ्टी से भी आगे जा रहा है तुम सब अपने नाम देख सकते हो भैया जितने बालक थे सेशन में जो रहे हैं चलो भाई आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा सेशन में अगर मजा आया तो एक बार फायर इमोजी दिखा दो कमेंट सेक्शन में ठीक है मुझे बड़ा मजा आया तुम लोगों के साथ सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूं आशा करता हूं तुमसे दोबारा मिलूंगा ठीक है मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक केयर ठाठा और बाय बाय